सुंदर प्रभु जी ने प्रार्थना करी गुरुदेव से, हम सब भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो। कभी हमारा ऐसा दिन आएगा जब मन को स्थिर करके निर्जन में बैठ के कृष्ण का नाम करेंगे, संसार की फुहार हमारे कानों में नहीं पड़ेगी। अब तो हम चाहते हैं कि सब समय संसार की फुहार कानों में पड़े, लेकिन कब हमारा ऐसा होगा कि हम चाहेंगे कि संसार की फुहार हमारे कानों में ना पड़े और खाली भगवान के नाम में डूबे, देह रोग दूर हवे। देह रोग जो हमें लगा हुआ है इस शरीर को अपना मानते, कब हमारा दूर होगा। कृष्ण गायते नयने बहे लोर, कब हमारे आंखों से अश्रु बहेंगे, देह में पुलक होगा और कब वाणी गदगद होगी, कब शरीर में कंप होगा, कब विवरण होगा हमारा और कब स्तंभित, ये सब सात्विक भाव कब हमारे में होंगे, ऐसा प्रार्थना गुरुदेव से कर रहे हैं। निष्कपट हेन दशा कवे हवे, निरंतर नाम गावो। कब हम बिना कपट के, बिना किसी और इच्छा कपट के होके कब निरंतर हम भगवान का नाम करेंगे। आवेश रहिया, कब हम डूबे रहेंगे इन भावों में, हर समय आवेश में। देह यात्रा कर, इस तरह से अपने देह की यात्रा को हम बिता देंगे आवेश में रह के। तुम्हार करुणा पावो, ये सब काम हो पाएगा सिर्फ आपकी करुणा से, गुरुदेव की करुणा से, इसका और कोई भी उपाय नहीं है। बहुत सुंदर प्रभु जी ने ये गुरुदेव के लिए प्रार्थना गाई, बड़ा अच्छा लगा। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जनकपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं, और रोहिणी नंदन प्रभु को आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग मठ में आते हैं दिल्ली के, उन्होंने अवश्य दर्शन करे होंगे। बहुत सेवाएं करते हुए पाए जाते हैं प्रभु जी, कभी प्रसाद खिला रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। और महाराज जी से ये 2009 में इनकी दीक्षा और हरिनाम दोनों 2009 में हुआ, और उसके बाद ही ये महाराज जी की तरह तरह की सेवाएं कर रहे हैं। और मैं तो इनको देखता हूँ कि पूरी तरह से महाराज जी पे डिपेंडेंट हैं, हर तरह से उनके ऊपर ही आश्रित रहते हैं। शायद लगता नहीं कोई नौकरी करते, नहीं करते ना कोई नौकरी वगैरह? हाँ, अब कोई नौकरी नहीं है, संसारिक कोई नौकरी नहीं है। तो सिर्फ महाराज जी की नौकरी करते हैं और ठाकुर जी की नौकरी करते हैं, तो पूरी तरह से उनके आश्रित रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं सारा। तो आज हम इनकी जीवन यात्रा के बारे में, वैसे तो कितनी उम्र है प्रभु जी आपके, तो यंग लगते हो ज्यादा। उम्र भी बता प्रभु जी। नहीं आपको नहीं बताना तो 36, 36 हाँ नहीं, मतलब आज कम उम्र में आपने इतना कर रहे हो तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि जब लोग लगे होते हैं यहाँ वहाँ संसारी चीजें बटोरने में, तो आप भगवान के भजन में लगे हो इसलिए। और आपको 2009 से लगे, यानी कि 10 साल, 12-13 साल हो गए, तो यानी कि 30 साल, करीब 30 साल में आपने मतलब शुरू कर दिया और उसमें लगे रहे। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आप बताइए कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई 30 साल में, कैसे गुरु जी से मिले, फिर कैसे गुरु जी ने आपको आकर्षित किया और कर रहे हैं, और कैसे आपका जीवन पलट दिया, नौकरी वोकरी सब उड़ गई, या पहले आपने कोई नौकरी भी करी कि नहीं करी, वो भी बताइए, क्या करिए, ठीक कैसे यहाँ पहुंचे। है फिर। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायणिति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरिण्यम पुरुषमंतम नारायणम त्वाम तिष्ठा नमामि। सर्वदम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे इनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात सपरिकर शिला प्रभुपाद जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनके चरण अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उन सबकी आयतों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु सपरिकर श्री नित्यानंद प्रभु सपरिकर श्रीमन महाप्रभु सपरिकर श्री राधा गोविंद चारों संप्रदाय आचार्य चारों संप्रदाय आश्रित समस्त वैष्णव गण उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव वृंद वैष्णव वैष्णवी वृंद मेरे गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करके उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा करें कि मैं गुरुदेव के उन शिक्षाओं वचनों का मैं पालन कर सकूं। और आज जो मुझे कहा गया किस गुरुदेव के
के चरणों में मैं कुछ पुष्पांजलि अर्पित कर पाऊं, कैसे उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन किया है, कर रहे हैं, वह मैं कुछ बता पाऊं, ऐसा मुझे योग्यता प्रदान करें। तो प्रभु जी, शुरुआत जो अगर मैं अपनी बात करूं कि कैसे ये चीजें या ये बातें दिमाग में कैसे आई, तो शायद 10th क्लास या 9th क्लास का टाइम होगा, 1999-2000 ऐसे कुछ टाइम होगा। तो हमारे कॉलोनी में किसी के मदर की डेथ हुई, तो जब उसके मदर की डेथ हुई तो मुझे भी कुछ दिनों तक तो ये लगता रहा कि ऐसे तो मेरे पेरेंट्स भी जाएंगे, और सोच सोच के थोड़ा थोड़ा रोता रहा और अंदर ही अंदर सोचता रहा कि है क्या, होगा क्या, मर रहे हैं, उसके बाद जाना कहाँ है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन मरूंगा, मेरे पेरेंट्स भी मरेंगे, मैं भी ऐसे ही रोऊंगा, कोई शायद मेरे लिए भी रोएगा, तो सोचता रहा। और फिर उसके बाद कुछ कहीं मंदिर चले गए, मंदिर तो खैर आना जाना रहता ही था, फादर आर्मी बैकग्राउंड में थे तो आर्मी का भी मंदिर होता था, और जो भी कैंटेरिया में भी मंदिर है और सिविल में भी जो मंदिर होता था वहां पे भी जाते रहते थे, तो कभी कभी पंडित जी से भी पूछ लिया, या कभी उन्होंने कोई मैगजीन पकड़ा दी कि लो बेटा इसे पढ़ना, इसमें बहुत आपको उत्तर मिलेंगे, ऐसे करते करते ज्यादा खैर कुछ मिला नहीं, इतना ज्यादा कोई आध्यात्मिक भी नहीं हुए, पर हाँ थोड़ा मंदिर जाना, थोड़ा बहुत जानना कोशिश करने लगे। फिर 11th में फादर मेरे पोस्टिंग हुई उनकी सियाचिन ग्लेशियर में, हम लोग शिफ्ट हुए अंबाला, एक क्लासमेट मिला वो कृपालु महाराज जी का शिष्य था, तो तब कुछ राधा कृष्ण क्या होते हैं, क्या उनकी कुछ भक्ति होती है, थोड़ा बहुत कृपालु महाराज जी का थोड़ा सा सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना किया। फिर उसके बाद स्कूल चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, पर थोड़ा बहुत उनको फॉलो कर रहा था। फिर 12th हो गई, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, वो थोड़ा बहुत जो संस्कार था वो एक जनरल विचार वाला और थोड़ा सा वो कृपालु जी का मिक्स चल रहा था, तो लगा कि हाँ मूर्ति पूजा तो है और राधा कृष्ण ही है, अटैचमेंट कुछ कृष्ण से ही है। फिर इंजीनियरिंग करके जब मैं आया वापस, क्योंकि इंजीनियरिंग कहाँ से करी मैंने, प्रभु जी पंजाब से करी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से करी, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था घर के पास में, पापा ने जबरदस्ती उसी में करवाई कि घर से ही रहेगा, घर पे ही रहेगा। तो वहां पे भी कुछ फैमिलीज मिली, कुछ मतलब फ्रेंड्स के पेरेंट्स वगैरह कुछ ऐसे मिले जो थोड़े आध्यात्मिक टच वाले थे, तो उनसे बातचीत होती रहती थी, उनके भी कोई गुरु हैं, तो मैंने कहा हाँ मैंने भी किसी को गुरु तो बनाना है, पर अभी तो मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनके मेरे को प्रवचन अच्छे लगते हैं, ये कृष्ण जी से बताते हैं, उस टाइम पे राधा रानी क्या है ये सब चीजें भी कुछ नहीं पता। फिर जब इंजीनियरिंग करके मैं वापस दिल्ली आया, क्योंकि फादर रिटायर हो गए थे बीच में, थर्ड ईयर में था तब फादर रिटायर हो गए थे, जब दिल्ली आया और जॉब करने के लिए घूमने लगा, तो फिर मेरा इस्कॉन जाना शुरू हुआ, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। तो कुछ मेरे एक कजन सिस्टर है, मैरिड है, जीजा जी कजन सिस्टर वहीं इस्कॉन के पास में ही रहते हैं, तो उनके साथ कभी कभी उनके पास चला जाता था और उनके थ्रू इस्कॉन जाना शुरू किया, क्योंकि उनका कोचिंग सेंटर है और कुछ इस्कॉन के डिवोटीज के बच्चे उनके यहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी एक मंदिर है भाई कृष्ण का, राधा कृष्ण का, चलो, कभी उनके साथ चले गए। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग, मैंने कंपनी ज्वाइन की L&T, मेरी पोस्टिंग हुई चंडीगढ़, तो सबसे पहले चंडीगढ़ में जाके ढूंढा कि यहाँ पे भी वो इस्कॉन वाला मंदिर तो है, फिर वहां पे जाके पहली बार ढंग से इस्कॉन को फॉलो करना शुरू किया 2007 में। 6 में तो ऐसे ही चले गए कभी ये वो, और ज्यादातर वो खिचड़ी प्रसाद की वजह से भागता था मैं, कि भाई यार फ्री का मिलता है, भूख लग रही होती है और बड़ा टेस्टी होता है, पकड़ो इसको। फिर चंडीगढ़ में जब मैं गया तो आरती अटेंड करने लगा, प्रसाद लेने लगा, एक दिन मेरी बॉस के साथ बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई, लड़ाई क्या हुआ, उसने बहुत उटपटांग बोल दिया, उसने कहा तुम्हारा बाप भी मर जाएगा ना तो भी जॉब करनी है, ये है जॉब, ये ऐसा होता है कमिटमेंट, मेरी शादी थी मैं तब भी कॉल अटेंड कर रहा था, मैं किसी के फ्यूनरल में था तब भी कॉल अटेंड, मेरे को बड़ा दुख लगा। सीधा चंडीगढ़ इस्कॉन चला गया, जो डेली रूटीन का काम होता था वहां गए, और बस ठाकुर जी राधा श्री राधा माधव है वहां पे, तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा प्रभु जी, मैंने कहा ठाकुर जी, मैंने कल ही भगवत गीता का कोई लेक्चर चल रहा था,
वो कोई राधानाथ स्वामी महाराज जी के डिसाइपल थे, तो उन्होंने कहा कि जब कुछ समझ में नहीं आता ना तुम्हें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठाकुर जी के सामने जाओ, सरेंडर कर दो, और उनको बोलो आप मेरी लाइफ आपकी है और आपको जो करना है करो। प्रभु जी मानोगे नहीं, आरती चल रही थी, और उस टाइम पे क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पे बिलीव था ज्योतिष व्योतिष में, तो एक कहीं किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रखा था, रोज का हॉरोस्कोप आता था। उस दिन का हॉरोस्कोप आया, जब मैं टेम्पल में एंटर कर रहा था तो हॉरोस्कोप आया, आपका आज बहुत अच्छा दिन है और आपको प्रकृति के नए उपाय मिलेंगे, ऐसा होगा ये होगा। मैंने कहा यहाँ जॉब में छोड़ने की बात चल रही है और ये प्रकृति के नए नए उपाय बता रहे हैं। और जब अंदर गया फिर वो लेक्चर याद आया, मैंने ठाकुर जी को ऐसे ही बोला, बस ऐसे मन से बोल दिया, मैंने कहा देखो ठाकुर जी मुझे ना कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मैं यहाँ आता हूँ प्रसाद भी ले लेता हूँ, पर आप हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा, और आपको लेना कैसे है भाई, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो आप कुछ गाइड कर दो। ऐसे ही बस बोल के बाहर निकल रहा था, इतने में वहां पे एक प्रभु जी थे जो वहां के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने पीछे मुड़ा तो देखा मैंने, ओह लाल कपड़े वाले, और मैं जिस फ्रेंड के साथ रह रहा था वो भी कृपालु महाराज जी का फॉलोअर था, और उसका एक फ्रेंड काफी साल पहले 5-6 साल पहले इस्कॉन जाना शुरू किया था उसने, और वो घर से भाग गया था, फुल टाइम हो गया था इस्कॉन में। तो जब उस फ्रेंड को पता चला मैंने इस्कॉन जाना शुरू किया है, तो वो हाथ जोड़ के कहता था भाई देख जा ठाकुर जी के दर्शन कर, मिल मिला, वहां किसी लाल कपड़े वाले से बात मत करना। तो मेरे दिमाग में भी ये वो ही था यार, ये लाल कपड़े वाले ने हाथ पकड़ लिया है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो ले गए। अब वो अपनी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैं भरा बैठा हूं ना, जो मैंने कृपालु जी महाराज जी का सुन रखा है, जो ग्रंथ पढ़ रखे हैं, मैं वो सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी हम भी रागानुगा भक्ति करते हैं, हमने तो राग से ही कृष्ण को प्राप्त करना है, कीर्तन कर करके प्राप्त करना है। वो अपना सुना रहे हैं, मैं अपना सुना रहा हूँ। तो उन्होंने बस एक चीज कहा, हरि नाम करते हो? मैं कहा बहुत करता हूँ, बहुत रोता हूं मैं तो। तो वो समझ गए होंगे कि भाई ये क्या है व्यक्ति, तो बच्चा ये क्या है। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सामने शॉप है, आप वहां से जाके ना एक नीम की माला मिलती है और बीट बैग मिलता है उसको, मतलब माला को एक बैग मिलता है, माला उसमें रखते हैं आप, वो ले लो, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं दे दूंगा। मैं नहीं जाता था प्रभु जी, वो ले लिया और चैंटिंग में करता रहा। मैंने करा नहीं, चैंटिंग बिल्कुल नहीं करी, 2-3 दिन तक मैं करता नहीं रहा, उसको टांगे रहने दिया, ठाकुर जी एक जगह पेंटिंग थी उस पे ही टांग दिया था मैंने। मेरा फ्रेंड करता था देख भाई तू इसको करेगा तो तू भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर तेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत मैं एक चीज देख चुका, दूसरी नहीं देखना चाहता। मैं कहा नहीं करूंगा। एक दिन प्रभु जी बहुत मन खराब था, उस चैंटिंग बैग को ऐसे उठा ही लिया, मैंने कहा चलो यार उस भक्त ने, वो भी भक्ति है भगवान के, कुछ तो बोला था कि मन खराब होगा तो कर लेना। प्रभु जी उस दिन करते 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 6-7 राउंड्स कर लिए, बड़ा अच्छा लगा, गले में माला टांगी क्योंकि देख लिया था डिवोटीज जैसे डालते हैं, और मैं सीधा बाइक उठाई इस्कॉन पहुंच गया, और मैं प्रभु जी को ढूंढ रहा कि भाई आज वो प्रभु जी मिले तो उनको बताऊंगा आज मैं माला करके आया हूँ, कई दिनों से तो बच रहा था कि वो ना देखें। फिर ऐसे करके चैंटिंग शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वहां से जॉब छूटी, छूटनी थी, दिल्ली वापस आया, फिर दिल्ली में भी जॉब लगी। और एक चीज मैंने नोटिस तभी करी थी कि थोड़ा सा कुछ ठाकुर जी पे विश्वास हो रहा था कि हाँ ये मेरे साथ हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पे भी कुछ कुछ विश्वास हो रहा था कि हाँ ये मंत्र मुझे रक्षा कर रहा है, क्या है क्या देगा ये नहीं पता है, पर ये पता है कि हाँ ये मंत्र मेरी रक्षा कर रहा है। इंटरव्यू के टाइम पे भी बड़ा घबराया हुआ हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ कि मैं जॉब तो छोड़ आया हूँ, मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो प्रभु जी इंटरव्यू देने जैसे ही गया हूँ, जो रीजनल मैनेजर था उसके कैबिन में जैसे ही घुसा, मैंने देखी भगवत गीता यथायु रूप रखी हुई है एक कोने में, मगर ठाकुर जी पहले पहुंचे भाई यहाँ, तो अब तो कोई टेंशन नहीं। और वही हुआ, बस थोड़ी देर का इंटरव्यू हुआ, बाहर बिठाया, सिलेक्टेड, पैकेज, चलो। मैंने कहा वाह। तो वो थोड़ा सा ना वो अभी अभी वो लौकिक विश्वास बन रहा था हरि नाम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, भक्ति क्या है ज्यादा कुछ अभी पता नहीं। और फिर धीरे धीरे अब ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन जाना शुरू कर दिया है, वहां के कुछ प्रोग्राम जीजा जी के साथ ही जाके अटेंड करने लग गए हैं, तो राधा कृष्ण के सामने जाके खड़ा हो जाता था मैं वहां पे, जिनको वो राधा पार्थ सारथी कहते हैं,
तो मैं वहां पे जाके ही खड़ा हो जाता था राधा कृष्ण के सामने और उन्हीं को देखता रहता था, बगल अगल में कौन है वो पता, मैं किसी ने बताया कि गौर निताई है, मेरे को समझ में नहीं आया वो कौन है, तो किसी ने कहा ये नारद जी हैं। तो एक को तो समझ में आ गया कि चलो एक तो नारद जी हैं, हाथ जोड़ के हाथ खड़े करके नाचते हैं, और एक कोई दूसरे नारद जी के साथ ही कोई भक्त है। फिर इस तरीके से इस्कॉन से थोड़े टाइम तक जुड़ा। फिर एक बार क्या हुआ, उसी कंपनी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट नी इंजर्ड हो गई और बेड पे पड़े हुए हैं। तो बेड रेस्ट पे था, फिर एक दिन ऐसे ही गांव में, वो गांव सा एरिया है हमारा, स्मॉल टाउन है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। तो इतने में मैंने देखा कि कोई एक और डिवोटी है तिलक लगा के और माला करता हुआ निकला। तो मैंने लंगड़ाते हुए उनको पकड़ा, आवाज मारी, हरे कृष्णा बोला। फिर उन्होंने बताया कि हम इस्कॉन से हैं, हम भादुरगढ़ इस्कॉन से हैं। ठीक है, उनके साथ दोस्ती होगी, उनके घर आना जाना शुरू हो गया। मैंने कहा चलो यहाँ आसपास में हो जाएगा। फिर उन्होंने किसी दिन, एक दिन मुझे ऐसी बात चल रही थी, तो मेरे ना कुछ क्वेश्चंस थे जिसका इस्कॉन में आंसर नहीं मिलता था मेरे को। मैंने कहा प्रभु जी ये क्वेश्चंस है मेरे। कहते यार भैया ये तुम साइंस वाले हो, तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तुम एक काम करो, एक प्रोग्राम है नजफगढ़ में, एक प्रभु जी आ रहे हैं सीनियर, तुम उनसे पूछना। उनसे भी पूछा, कुछ मेरे को आंसर्स मिले नहीं। तो उन्होंने कहा देख एक और जगह है। मैंने कहा क्या? कहते एक गौड़िया मठ है यहाँ पे ना, दिल्ली में गौड़िया मठ भी है। मैं कहा ये गौड़िया मठ क्या होते हैं? कहते ये इस्कॉन जैसे ही हैं पर पुराने हैं और बंगाल वाले हैं ये मंदिर, और कुछ ऐसा ही है, ये भी हरे कृष्णा वाले ही हैं, उनसे पूछ सकते हो। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं अपने फील्ड पे था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ में एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां में हमारे कंपनी का काम चल रहा था। मैं तो सेल्स में ही था, तो अपनी सेल्स कॉल खत्म करके मैं वो फ्लाईओवर उतर रहा था पहाड़गंज वाला। तो उतने में मैंने चैतन्य गौड़िया मठ का गुंबद देखा, वहां चला गया। अब वहां जाके मैं तो ढूंढ रहा था कि कोई मिले मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठाकुर जी के दर्शन किए, शाम का समय था। फिर एक महाराज जी थे और एक ब्रह्मचारी थे, तो मैंने कहा महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न है, आप बता सकते हैं? मैंने करने शुरू कर दिए। कहते अरे आपके तो बहुत प्रश्न है, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी हम कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बात करी। इतने में कोई वहां पे भी कोई चैरिटेबल कोई क्लिनिक था, तो एक माता जी थी, वो अपने साथ कुछ बुक्स ले आई और मेरे हाथ में दे दी कि प्रभु जी आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़िए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से प्रभु जी एक बुक निकली, एक मैगजीन निकली, शिशि भगवत पत्रिका। मैं उस मैगजीन को घर लाया, उस मैगजीन का एक एक आर्टिकल देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि किसी गोस्वामी का है, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर प्रभुपाद। तो मैंने उस मैगजीन को जब देखा तो मैं उसमें यही देखता रह गया कि इसमें केवल सीनियर सीनियर कोई गुरुवर्ग ही है, हाँ, और किसी प्रभु जी का या माता जी का आर्टिकल नहीं है जो हमारे को जैसे इस्कॉन की मैगजीन मिलती है। और इस्कॉन की मैगजीन तो मेरे मतलब वो सिंपल हिंदी थी, थोड़ी सी समझ में आती। मैंने कहा ये ऐसी मैगजीन है, ये समझ में भी नहीं आ रही। तो जिन प्रभु जी को मैं जानता था, मैं उनके घर ले गया उस मैगजीन को। मैंने कहा प्रभु जी ये देखो एक मैगजीन मिली है, वो बड़ी हाई लेवल की मैगजीन है। उन्होंने भी पढ़ा, कहते हाँ पता ये किसकी मैगजीन है। मैंने ये किसकी मैगजीन है? कहते यहाँ पे ना एक जनकपुरी में भी मठ है, आप पहाड़गंज वाले में गए ना, एक जनकपुरी में भी मठ है, वहां चलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब चलते हैं? कहते संडे को इस बार चलते हैं, छुट्टी आपकी भी है। मैंने कहा ठीक है। अब उस टाइम पे संडे संडे प्रोग्राम होता था, हाँ गर्मियों की बात है, तो संडे प्रोग्राम चल रहा था तब। तो हम संडे को पहुंचे और मठ में जाके बस इसी दरवाजे पे ही बैठ गए, थोड़ी देर तक देखते रहे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामचंद्र प्रभु शायद कथा कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा ठाकुर जी कहाँ है, कहाँ मंदिर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर देखा और रामचंद्र प्रभु ने कथा करी, उसके बाद वही मेरा प्रश्न था, मैं उनके पास गया, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। तो हमने वो इस्कॉन स्टाइल में धोती पहन रखी थी, तो कहते इस्कॉन से आयो? हाँ हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे समझ लो, और बस छोड़ दिया। तो मैं थोड़ी देर तक सोचता, मैं बड़े खड़ूस प्रभु जी हैं, कुछ बोला ही नहीं, मतलब है ये, मतलब ये भेदभाव मेरे को किस, उन प्रभु जी ने कहा था कि यार थोड़ा सा इनके बीच में भेदभाव सा है। तो मैंने कहा हाँ यार ये भेदभाव कर रहे हैं, हमें इस्कॉन का देख के कुछ बोला नहीं। और मैंने देखा रामचंद्र को गए, इतने में कुछ डिवोटीज के बीच में बड़े हंस हंस के बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखो हमसे तो ढंग से बात नहीं करी और उनसे बड़े हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं लगी। बस ये हुआ कि निकलते वक्त
बलराम प्रभु ने देख लिया बुक शॉप में, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसी बुक शॉप देख रहे थे, उन्होंने पूछा इस कौन से आया। हाँ बस ये समझ लो कि उस टाइम पे फिर इनिशियल मेंटरिंग बलराम प्रभु की रही, उन्होंने फिर गुरुदेव के बारे में बहुत बताया, तो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो कई कई बातें ऐसी ऐसी बता रहे थे। तो मैं फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरा, मैं शाम को ऑफिस से सीधा बुक शॉप आता था, रात के 10:30, 11, 11:15, कभी कभी 11:30 बजे तक भी प्रभु जी ने हमें समझाना, मुझे समझाना कि ऐसे ऐसे है, गुरुदेव ये है, अरे प्रभु यू वॉन्ट टू सी प्रभुपाद, यू वॉन्ट टू सी प्रभुपाद। मैं कहता हाँ प्रभु देखना है, इफ यू वॉन्ट टू सी प्रभुपाद यू हैव टू कम हेयर, परसों 2-3 दिन के बाद वो आ रहे हैं, वो हमारा गुरुदेव आ रहे हैं, वो प्रभुपाद तुम देखोगे बिल्कुल प्रभुपाद। तो मेरे को भी लगता, मैंने कहा चलो ठीक है ये इतना बोल रहे हैं, और फिर उन्हें एक दो कुछ बुक्स दी थी वो मैं पढ़ता था, तो मेरे को लगा कि कुछ है। तो जिस दिन बताया उन्होंने तो कि अब गुरुदेव आ गए, एक दिन का फोन आया कि गुरुदेव आ गए हैं, तुम कल सुबह एक काम करो मंगल आरती आ जाओ। मैंने कहा प्रभु जी मेरे से बहुत दूर है, पर हाँ मंगल आरती आए। मंगल आरती में जैसे पहुंचे हैं तो गुरुदेव मंगल आरती में नहीं आए, मैं मंगल आरती में देख रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ तो दिख नहीं रहे। फिर दूसरे डिवोटीज तब तक कुछ कुछ से बात शुरू हो गई थी, तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव मॉर्निंग वॉक के लिए नीचे आएंगे, आप इंतजार करके रखना। मैंने ठीक है प्रभु जी, बुक शॉप के थोड़ा सा बाहर खड़ा हूँ, वो सीढ़ियां नीचे उतरने, वो सीन अभी तक भूलता नहीं है, वो सीन ऐसा लगता है कि जैसे कल ही हुआ वो मेरे साथ। उसमें हम मैं खड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव सीढ़ियां उतर के आए हैं, मतलब लिफ्ट से आए हैं, लिफ्ट से बाहर आके अब लोग भी जितने पुराने पुराने लोग थे सब वहीं वहीं खड़े हुए थे। अब मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था तो मैं नीचे ही खड़ा हुआ हूँ, मटके थोड़ा सा बाहर से में ही और सीढ़ियों के उधर ही खड़ा हुआ हूँ, और एकदम से देखा गुरुदेव को आते हुए। वो हल्की सी छवि सी दिख रही है, ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहे, लोग घेर रहे हैं, थोड़ा साइड में सेवक लोग जगह बना रहे हैं कि चलने दो, और बड़े आराम से चलते हुए गुरुदेव आ रहे हैं। इतने में इधर से बलराम प्रभु देख रहे हैं, प्रणाम करो, ऐसे इशारा कर रहे हैं पीछे से कि प्रणाम करो। तो मैं जैसे ही प्रणाम करके उठा हूं और गुरुदेव की तरफ देखा है मैंने, बस वो फ्यू सेकंड्स का या पता नहीं मिली सेकंड्स का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, वो बस एक कॉन्टैक्ट सा हुआ, आई कॉन्टैक्ट, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक कुछ स्कैनर सा मुझे स्कैन कर गया, और मैं ऐसे खड़ा रहा और कपकपी सी हो गई मेरे को एकदम से, और मैं बस उनको देखता रह गया, वो डीप ब्लू आईज और वो ऑरा, वो रूप, को ऐसा लग रहा था मैं किसको देख रहा हूं। मैं कहा ये तो उन्होंने तो जो बताया था ये तो कुछ और बताया था, ये तो कोई और ही है, मतलब जो इन्होंने वर्णन किया था कि अद्भुत बिल्कुल एकदम चमत्कार करने वाला, मैंने कहा ये तो कुछ और ही है। और वो जो स्कैनिंग सी हुई, मैं थोड़ी देर के लिए वहीं एकदम स्टंड हो गया, मैं थोड़ी देर तक एकदम देखता ही रह गया, और मुझे मैं मतलब उसको मतलब प्रोसेस कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतने में देखा किसी ने हाथ मारा, वो बलराम प्रभु ने हाथ मारा, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, गुरुदेव के पीछे जाता क्यों नहीं, गुरुदेव आगे चल चुके हैं, अभी तो यहीं थे, अभी तो देखा था मैंने, अभी तो ऐसा ही हुआ था, वहां कैसे पहुंच गए। वो बिल्कुल पीछे मटके, पीछे से निकल के वो पीछे वाले पार्क की तरफ चले गए। वो डे था प्रभु जी, उस दिन फिर उन्होंने बलराम प्रभु ने मेरे को फोर्स किया, कहते तुम हरिनाम लो। मैंने कहा प्रभु जी मैं कैसे हरिनाम ले सकता हूँ, मैं कुछ करता नहीं। कहते लहसुन प्याज छोड़ा, मैंने कहा छोड़ दिया, चाय कॉफी पीता, मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी वो भी छोड़ दी, माला कितनी करता, मैंने कहा प्रभु जी 16, 18, 20 यही चलती है, बस इससे ज्यादा कहाँ हो पाती है। कहते और क्या करेगा, और क्या गुरु बनेगा, आचार्य बनेगा, चल चुपचाप। उन्होंने हरिनाम कराया, वो हरिनाम भी ऐसे हुआ कि मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ हूँ, प्रभु जी ने मतलब एक माला नीचे से बुकशॉप से मैंने ले ली, और वही वाली माला गुरुदेव के हाथ में गई, उसके से गुरुदेव समझा रहे हैं। मेरा ये पैर, उस टाइम नी ऑपरेशन हुआ नहीं था मेरा, तो नी बेंड नहीं होती थी मेरी, लेफ्ट नी मुड़ती नहीं थी, और वो पैर खोल के ही मैं बैठा हुआ हूँ, तो गुरुदेव ने ऐसे देखा क्या हुआ। मैं कहा गुरुदेव ये मुड़ता नहीं है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ठीक हो जाएगा। और बस वो किसी तरह जैसे वो हरिनाम हुआ है, गुरुदेव ने समझा रहे हैं। उस समय की बात बताऊं प्रभु जी, मैं सच्ची बात बताऊं, इट वाज जस्ट लाइक मतलब मे बी शायद मैं बहुत गंदी तुलना कर रहा हूं, माफ करना मुझे, पर जैसे एक इस जड़ जगत में, संसार में एक पुरुष
एक स्त्री को देखता है, एक लड़का एक लड़की को देखता है, उसके प्रेम में पागल हो जाता है, तो बस वो उसको देखता रहेगा, निहारता रहेगा। तो वो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे लव एट फर्स्ट साइड, और मैं निहार रहा हूँ, बस मैं देखे जा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ रहा, वो कथा भी कर रहे हैं, तत्व सुना रहे हैं, वो जा ही नहीं रहा, बस मैं उनके कभी कभी होठों की मूवमेंट को देख रहा हूँ, अब ऐसे होठ हिलते हैं, हंसते हैं तो ऐसे हंसते हैं, थोड़ा हल्का हंसते हैं तो ऐसे हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं तो ऐसे हंसते हैं, किसी को देख रहे हैं वो देखते हैं किसी को तो कैसे देख रहे हैं, उनकी आईज रोटेट कैसे हो रही है, चल कैसे रहे हैं, बस उन्हीं चीजों में, शुरू में तो बस केवल उसी चीज में, फिर लास्ट में वो बलराम प्रभु पूछते थे या कोई पूछता था, सुना क्या गुरुदेव ने बोला, मैं जी समझ में ही नहीं आ रहा, कहता यही तो है, तुम नोट बनाओ, तुम पढ़ो। एक दिन प्रभु जी तैयारी करके आया कि अब तो पढ़ेंगे, अब प्रश्न पूछेंगे, मैं प्रश्न तैयार करके आया कि आज तो अब मैं गुरुदेव से प्रश्न करूंगा, हाँ सब सब करते हैं मैं भी करूंगा, बलराम प्रभु ने क्या करना है। प्रभु जी तैयार होके बैठा हुआ बिल्कुल, अब तो सामने बैठ गया, तो ऐसे देख रहा हूँ गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव भी ऐसे सबकी तरफ देख रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पढ़ते हो, और एकदम से ऐसे बोलते बोलते मेरी तरफ देख लिया, मैं तो रेडी था क्योंकि मैं तो प्रश्न तैयार करके आया हूँ, मैंने ऐसे देखा, गुरुदेव मेरा प्रश्न है पूछो, एकदम थोड़ा सा ऐसे होते एकदम से आए, पूछो, मैं भूल गया जो तैयारी करी थी, भूल गया, मैं सोच रहा हूँ मेरे प्रश्न है, अरे मैंने मैंने प्रश्न बनाए थे, कुछ नहीं है, और पता है प्रभु जी क्या निकला है, आई इट वॉज ऑल अनएक्सपेक्टेड, और वो कोई प्रिपरेशन नहीं, मैं गुरुदेव मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या हुआ, मैं कहा जब तक हरिनाम नहीं लिया था ना तो हरिनाम अच्छे से कर लेता था, अब जब से हरिनाम लिया है माला से डर लगता है, ऐसा लगता है माला लटकी रहे तो अच्छा है, माला को छू ना, माला करता हूँ तो और क्रोध बढ़ गया है, और अंदर का काम बढ़ गया है, बुरी बुरी इच्छाएं और बढ़ गई हैं, मैं क्या करूं, प्रश्न तो पूछ रहा उसके बाद, मैं सोच रहा हूँ ये क्या निकला, और एग्जैक्टली ये हो भी रहा था उस टाइम पे, और पूछ के मैं तो शांत हो गया एकदम से। गुरुदेव ने पहले एक दो ऐसे थोड़ी देर के लिए जो थोड़ा सा शांत रहे, फिर एकदम से देख के बोले, पूर्व जन्मों में क्या किया है यही सब किया है, पर माला तुम करते रहो, पुनः पुनः मन नहीं लगेगा फिर भी करते करते रहो करते रहो, उसी से सब चला जाएगा। तो वो पहला प्रश्न किया है, उसका पहला उत्तर मिला है, और पर यही दिमाग में कि मैंने तो वो प्रश्न मतलब प्रिपेयर तो वो नहीं किया था, प्रिपेयर तो कुछ सिद्धांत विधांत पता नहीं क्या क्या पढ़ के आया था वो किया हुआ था, और वास्तविक रूप से प्रभु जी वो एक्चुअली उस टाइम पे टाइम यही चल रहा था, माला मैं जो पहले बड़े जोर शोर से ऐसे माला कर लेता वैसे, मतलब कभी 35 कर ली, कभी 40 कर ली, कभी 30 के, हाँ भाई अब तो हरिनाम कर रहे हैं, परंतु हरिनाम लेने के बाद ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ अजीब सा हो रहा है, माला करता हूं तो एकदम से बुरे विचार आने लग गए हैं, या एकदम से गुस्सा बहुत जल्दी से आने लग गया है, चिड़चिड़ापन से आने लग गया है, तो घबराहट हो रही थी कि क्या अभी हरिनाम लेने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, हरिनाम लेने के बाद तो और नाम में रस आना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। तब फिर जब ये प्रश्न पूछ पूछ के हटे तो चार पांच गुरु भाई और आ गए, उन्होंने भी बोला कि प्रभु जी अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछ लिया, हम तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे मन में भी आया, मन का हिम्मत तो मेरी भी नहीं थी तो गुरुदेव ने निकलवा लिया, और यही प्रभु जी यही जब ये चीज मतलब ये तो मेरे साथ हो रही है कि मुझे कोई कह रहा है, और हमने यही देखा कि प्राय गुरुदेव का यही होता था कि प्रश्न कोई एक करता था और आंसर पीछे 15-20 लोगों को बैठे बैठे मिलते थे, उनके मन में भी वही प्रश्न है, वो कर नहीं पा रहे हैं या बना नहीं पा रहे हैं या पूछ नहीं पा रहे हैं कि अपने डाउट को किस प्रकार से प्रश्न रूप में पूछें, परंतु आंसर सबको, तो ये चीज हम मैंने देखा गुरुदेव में कि गुरुदेव एक मतलब उत्तर ऐसे देते थे कि कई बार तो ऐसे खुद भी मैं ही सोच रहा होता था, मैंने कहा यार ये तो मेरा भी प्रश्न था, ये तो मेरा ही प्रश्न था, कई बार ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा जो प्रश्न कर रहा है वो एक्चुअली मेरे हृदय का प्रश्न चुरा के वो कर रहा है, परंतु उत्तर मिल रहा है। जब ये एक बार रोहिणी नंदन प्रभु से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि वो गुरुदेव अंतर्यामी है, वो सबको देख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि तुम पूछ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए वो दूसरे से पूछवा रहे हैं, ठीक है तो तुम पूछो, सीधा जाके गुरुदेव से पूछो, हक से पूछो। तो इस प्रकार से
वो इनिशियल कनेक्शन बनने लगा। एक प्रसंग प्रजो पता मतलब वो बोलना चाहूंगा, समय तो भागता जा रहा है। हुआ क्या था कि मतलब वो मुझे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जो मेरे अंदर गिल्ट की तरह हैं अभी। अब तो खैर वो उस समय ऐसा एक बहुत बड़ा गिल्ट लगा मुझे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने गुरुदेव पे संदेह किया। अब तो वो उसी टाइम की बात है, वो शुरू के ही गुरुदेव के कुछ दिन का दिल्ली में स्टे था, वो विदेश से आए थे। तो वो पहला ही दिन था जिस दिन मेरा हरिनाम हुआ, बलराम प्रभु का फोन आया कि ऐसे ऐसे करो, मैसेज बना दो और शाम को प्रोग्राम है। कितने बजे का प्रभु जी? 5 बजे का प्रोग्राम है। अब प्रभु जी मैंने उससे पहले कोई गुरुदेव की कोई हरिकथा लाइव अटेंड नहीं करी हुई थी, 5 बजे का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज ऑफिस से, और मेरा जो ऑफिस था वो था ओखला फेज 3, वो बिल्कुल ओखला के एंड पे जहाँ पे कचड़े का पहाड़ है उसके वहां पे जाके कंपनी का ऑफिस। वहां से अगर मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो 1.25 घंटा कहीं नहीं गया। तो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि यानी मुझे 4 बजे मैं निकलूंगा तो मैं 5 बजे तक पहुंच सकता हूँ, सोच रखा है। इतने में बॉस आया लंच के आसपास, रोहित वी हैव टू सिट टुगेदर, 5:15 बैठते हैं। ये क्या है 5:15 बैठते हैं? यहाँ मैं प्लान बना के बैठा हूँ 4 बजे निकल जाऊंगा, 5 बजे का मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है। और पता है प्रभु जी वो लंच जैसे जैसे कर रहा हूँ उसके साथ साथ भी जो सोचता जा रहा हूँ धीरे धीरे, प्रभु जी 2 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर मेरा दिमाग ये हो गया है मैं हुई कौन, मेरा कोई गुरुदेव से संबंध थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना हरिनाम ले लिया तो कोई थोड़ी ना संबंध बन जाता है। तो भाई गुरुदेव तो उन्हीं को बुलाएंगे ना जो उनसे कनेक्टेड है, अब मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, देख तेरे को यही आज ही आंसर मिल गया। मतलब इस तरीके का दिमाग चलने लग गया कि मेरी कनेक्शन थोड़ी ना है तो मेरे को थोड़ी ना कोई दर्शन मिल रहे हैं, मेरी कथा तो आज छूटनी है, प्रोग्राम छूटना ही है, मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे अपने शिष्य को बुलाएंगे, मैंने कहा उन्हीं को तो जैसे जिन जिन से बात कर रहे थे वो इतने प्रेम से उनसे बात कर रहे हैं, वो मैं तो जानते, मुझे तो जानते भी नहीं है, तो आज ही तो देखा है तो मुझे क्यों बुलाएंगे। और मैं ऐसे ऐसे सोच सोच के वो डिप्रेस सा हो जा रहा हूँ। फिर मन में ठान ही लिया कि अब तो मुझे बुलाना ही नहीं है। बॉस की तरफ से भी था कि 5:15 कंफर्म है, उसने 4:30 4 बजे के करीब एक बार और कॉल करेगी, रोहित कहीं निकलना मत, ठीक है वो बैठना है बहुत जरूरी बैठना है, ठीक है। मैंने ठीक है, और मैं तो अब बिल्कुल एकदम होपलेस ही होके बैठ गया कि अब तो होना नहीं है गुरुदेव, कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मेरा कोई आपके साथ कोई कनेक्शन थोड़ी ना, मैं तो अभी तो दीक्षा भी नहीं लिया तो मैं आपके क्या शिष्य बनाऊं, आप तो शिष्यों को ही बुलाओगे, आप कृपा तो उनपे ही करोगे। ये सब बोल के अचानक प्रभु जी 4:30 बजे के करीब वो आया, कहता यार रोहिणी रोहित सॉरी मैं रोहिणी रोहिणी बोल देता हूँ कि रोहित हो सकता है कि मीटिंग डिले हो जाए तो 5:30 5:45 भी बज सकते हैं, तो वेट कर लेना। लो 5:15 से 5:30 5:45 हो रहा है, इसका मतलब तो अब तो कंफर्म है गुरुदेव मुझे नहीं बुलाना, और मैं हुई कौन, मैं तो कुछ हुई नहीं। तो वो 5 बजे आया, बॉस देख रोहित आज नहीं बैठ सकते तू निकल जा, सॉरी यार तेरे को रोक लिया, तेरा कोई और इम्पोर्टेंट भी तू कह रहा था ना मीटिंग है कोई, तू फिर अभी निकल कल देखते हैं। अब प्रभु जी 5 बज रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ अब बोल के क्या फायदा, अब तो वो प्रोग्राम शुरू हो गया होगा, जहां तक जब तक जाऊंगा पता नहीं दर्शन ही होंगे, कथा तो मैं कथा सुनने का मन था कि सामने बैठ के कथा सुनूंगा, मैंने कहा ये तो नहीं है ये तो सब ऐसा ही है। और कुछ नहीं, मैं ये भी नहीं कि मैं वहां पे मठ में फोन करके पूछूं किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं फोन भी नहीं किया, मैंने कहा यार मैं उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब करूं वो लोग प्रोग्राम में होंगे। फिर भी ऐसे नीचे गया, बाइक बाइक जिस जैसे तैसे खींच खाच के बाहर निकाली, मैं जितनी स्पीड में मैं चला सकता था जो सिग्नल विग्नल तोड़ सकता था सब कड़ा करू के पहुंच गया मैं प्रभु जी 5:45 बजे मठ, वहां गया हूँ सन्नाटा कुछ नहीं कोई एक दो ब्रह्मचारी बैठ के बस नीचे हल्का सा कीर्तन कर रहे हैं और कुछ है नहीं। मैं बलराम प्रभु के पास गया, मैं कहा प्रभु जी 5 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया, उसे चले गए, ओए अभी आए भी नहीं है, 6:30 बजे तक आएंगे। हैं कहते है, दिल्ली है बोलना पड़ता है ना तो जाके लोग टाइम तक आते हैं, 5 बोलते हैं तो 6:15 6 तक आते हैं, गुरुदेव आराम से 6:30 बजे तक नीचे आते हैं। मैं कहा सच्ची? अब
मैं मेरे को अब ना अब मेरा पूरा वो उल्टा हो गया, मैं गिल्ट कॉन्शियस में आ गया। बताओ मैं कितना बुरा बुरा सोच गया गुरुदेव के लिए, मैंने ये तक सोच लिया, मैंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगा दिया अंदर ही अंदर से। प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो हो गया मेरे को कि भाई क्या तू तू क्या शिष्य बनेगा है ना, तू अभी से ही गुरुदेव पे ऐसा ऐसा सोचने लग गया है। हाँ हमने पढ़ा कि संदेह नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति। प्रभु जी गुरुदेव 6:15 बजे नीचे आए, ठीक है, और गुरुदेव ऐसे थे लिफ्ट से आएंगे सीधा सामने वाला गेट खुलेगा, सीधा जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और इस तरफ जहाँ पे महाप्रभु की लीला बनी है उसके नीचे उनका स्टेज लगा हुआ है। मैं गया ही नहीं आगे, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैंने दूर से देखा, दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव चले गए, मैं पीछे पीछे नहीं चल रहा। मैंने कहा यार किस मुंह को लेकर जाऊं, और वो तो अंतर्यामी है, रोहिणी नंदन प्रभु ने भी बताया वो अंतर्यामी है, वो तुम्हारे सारे मन को जानते। मैंने कहा वो समझ गया होंगे कि तेरा मन कितना गंदा है, तो गुरु पे संदेह कर रहा है, गुरु पे शंका कर रहा है। मैं नहीं जा रहा, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उनके सामने, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं तो आप तो मेरे गुरु हो। फिर मेरे से हुआ ही नहीं जा रहा, मैं दूर तक दूर ही बाहर ही खड़ा हूँ या थोड़ा दूर दूर खड़ा हूँ। तो फिर इतने में अनुपम प्रभु हैं, कमल प्रभु, तो ये लोग बोल रहे हैं आओ चलो गुरुदेव को पुष्पांजलि दें। मैं क्या प्रभु जी मैं नहीं दे सकता, मैं क्या बोलूंगा, मैं गुरुदेव मेरे को देख के बोलेंगे तू क्यों आ गया, तू तो बड़ा गंदा गंदा सोचता है मेरे बारे में। पर फिर किसी तरीके से उन्होंने मेरे को थोड़ा सा काम डाउन किया, लाइन में लगाया, आगे खड़ा किया, कहते तुम भाग जाओगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मैं फिर पीछे हो गया, मैं कहा आप जाओ पहले। उन्होंने हाथ में फूल दे दिए, कहते ये गुरुदेव के चरणों में देना। प्रभु जी फूल है, वो लोग आगे जा रहे हैं जा रहे हैं, मैं पीछे खड़ा ही रह गया। मेरे पीछे से भी एक दो लोग निकल गए, वो कह रहे हैं आओ, बलराम प्रभु उधर से देख रहे हैं आता क्यों नहीं। मैं प्रभु जी वो फूल लेके जैसे ही चरणों पर स्पर्श किया है, सर करा है, मुझे नहीं पता वो अंदर जितना भरा था ना वो सब बाहर आ गया। मैं गुरुदेव के चरण पकड़ के बस रोए जा रहा हूँ और अपनी इस अपराध के लिए, जो भी मुझे तो अपराध इतना कोई वैल्यू नॉलेज भी नहीं थी, बट जो समझ में आया था वो पकड़ के बस मैं रोए जा रहा था कि बस मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको फेस कैसे दिखाऊं, बस आप मुझे क्षमा कर दो इस बार गुरुदेव, अगली बार नहीं होने दूंगा ये वाली चीज, मैं अंदर नहीं आने दूंगा अगली बार, बस इस बार क्षमा कर दो। तो गुरुदेव ने सर को ऐसे पकड़ के उठाया, अरे इतना क्यों रो रहे हो, सब ठीक है कुछ नहीं हुआ, बस ये बोला। और मैं फिर भी रोता, बलराम प्रभु आए उठा के पीछे ले गए, कहते हो गया साफ, हो गया साफ। अनुपम प्रभु भी आए, कहते बस अब साफ हो गया कुछ नहीं। पर उस दिन भी बस मैं उनको उसको देखता रह गया और मैं यही सोच रहा था कि इन्होंने कहा मुझे कि बस हो गया ठीक है कुछ भी नहीं होता, तो मैंने कहा इन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा यहाँ पे ऐसा ही। प्रभु जी ये तो एक संदेह था, एक बार फिर दोबारा से आ गया और वो वाला तो प्रभु जी जीवन में भूलता नहीं, क्योंकि उसके बाद जो मिला ना वो मैं जानता हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन था जब गुरुदेव दिल्ली में गुरु पूर्णिमा मना रहे थे और लिफ्ट में जब गुरुदेव फंसे थे, तो मैं था, एक वासुदेव प्रभु और थे ईस्ट दिल्ली के गुरु भाई हमारे, मेरी दीक्षा हो चुकी है अब तक, तो वो हम गुरुदेव को बस वहां से मंच से लिफ्ट तक पहुंचाना है, तो एक सर्कल बना दिया था, हम थोड़े तगड़े तगड़े लग रहे थे तो माधव महाराज ने लगा दिया सर्कल में लग जाओ किसी को आने मत देना, सामने गुरुदेव में बोल रहे हैं आने दो, बगल में बलराम प्रभु को देखता हूँ बलराम प्रभु मना कर रहे हैं। मैं यार क्या करूं, गुरुदेव कह रहे हैं आने दो, बलराम प्रभु ऐसे कर रहे हैं, मैं फिर भी ऐसे ही रहा, मैं ऐसे टाइट ही रहा कि नहीं किसी को नहीं आने दे रहा। गुरुदेव बोले जा रहे क्यों रोकते हो, आने क्यों नहीं देते, गुरुदेव गुस्सा कर रहे हैं और भजनाथ प्रभु को देख रहे, तो गुरुनाथ प्रभु नहीं आने रहे। और कैसे तैसे हम लिफ्ट में ले गए, मैं और वासुदेव प्रभु ने प्रणाम किया, उठे, एक ही प्रश्न दोनों के मन में, मैंने कहा प्रभु जी आप बता दो चलो। कहते इतनी भीड़, इतने योग्य योग्य शिष्य, क्या कथा करते हैं, कोई कैसे सेवा कर रहा है, कोई कैसे सेवा चल रहा है, और उनको स्टंट डला हुआ था और मेरा तो नी थी खराब। तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसे लूले लंगड़ों की तरफ जो कोई सेवा नहीं कर रहा है उसकी तरफ गुरुदेव देखते भी होंगे, हमारी कोई रजिस्ट्री होगी, हमें तो कोई जानता भी नहीं है मठ में, भाई एक दो जने कोई जानते हैं और गुरुदेव जानते भी होंगे। बस ये मन में ऐसे ही आया ही विचार, इतने में हम ऊपर चलते हुए गए थोड़ा सा कूद फांदते, जैसे ही पहुंचे तो देखा कि गुरुदेव अभी तक आए नहीं, गुरुदेव अभी तक आए नहीं और उधर आरती शुरू हो रही है। फिर नीचे आए, मैंने कहा नीचे भी लिफ्ट नहीं खुली, ऊपर तक चले गए, मैंने कहा ये तो कहीं पे भी लिफ्ट नहीं खुली हुई। फिर प्रभु जी कान लगाया, फर्स्ट फ्लोर जो मेज़नाइन फ्लोर पे कान लगाया तो कुछ माधव महाराज जी की आवाज आ रही है कि लिफ्ट खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। प्रभु जी आरती रुकवाई,
उन प्रभु जी ने उंगली से हमने खोलने की कोशिश करी तो लिफ्ट का दरवाजा उंगलियों से खुल नहीं रहा, थोड़ा सा हल्का सा गैप आता है वो फट से भाग जाता है, फट से बंद हो जाता है। उधर महाराज जी की आवाज आ रही है कि निकालो थोड़ा, गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है, तो अंदर कोई सफोकेशन सी हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि महाराज जी फैन चला लीजिए, देखिए। उन प्रभु जी ने मुझे बोला कि प्रभु जी कुछ लेकर आओ। प्रभु जी मुझे आज तक वो चीज स्मरण है कि मेरे पैर में लगी हुई है, मुझे लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, मैं कैसे सीढ़ियां मैंने कूदी हैं मुझे याद नहीं, और कैसे मैंने सीढ़ियां वापस चढ़ी मुझे याद नहीं, परंतु एक चीज याद है, मैं भागता हुआ सीधा मठ के पीछे गया हूं और वहां से रॉड रखी है सरिये का, मोटी सी रॉड, वो उठा के ले आए। अरे भाई मैं आज तक उस चीज को सोचता हूं, मुझे क्या पता है कि वहां रॉड रखी है, मैं बिल्कुल ऐसे गया हूं जैसे कि वहां मुझे पता है मेरे लिए रखी गई है, मैं सीधा भाग के जाके वो रॉड उठाई है, आके वो रखी है, वो लिफ्ट में डाली, तोड़ने लगे, कितने लोगों को धक्का मारा, मेरे को आज तक याद है शशिकला माता जी पे मैं चिल्लाया, जो व्हाइट साड़ी में रहते हैं विदेशी, वो शंख बजा रही है, मैंने कहा विल यू स्टॉप और एल्स आई विल थ्रो योर दिस काउच, आई विल ब्रेक इट, वी आर अनेबल टू हियर द साउंड, we are unable to hear the voice of Gurudev and Maharaj ji, we are unable to identify where exactly they are, ye lag jayega unko. Isi tarike se Prabhu ji usko tod taad ke darwaze ko Gurudev ko nikala hai. Prabhu ji jo aap ye baat keh rahe hain, main is baat ka sakshi hu, maine aapko darshan kiya tha us samay, main matke mandir ke samne tha to mujhe pata chala ki atak gaya aur bhag daud jab aapki hui, aap bhag ke aavesh mein the, ekdam gehre aavesh, मैंने कहा क्या हो रहा है इधर, और आप ऐसे चला रहे हैं, आ रहे हैं, डंडा लेके आए और उसके बीच में फंसाया। हाँ तो आपका आवेश अद्भुत था, वो मतलब गुरुदेव प्रभु, मैं बता रहा हूँ वो चीज ही हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है जी। वो सरिया डाल के लिफ्ट तोड़ी है किसी तरीके से करके, गुरुदेव को बाहर निकाला, कितने लोगों को मैंने धक्का मारा है, फिर भी लोग चढ़ने को तैयार है गुरुदेव पे, हम चिल्ला रहे हैं अरे भाई सांस लेने दो उनको, सांस नहीं आ पा रही है। माधव महाराज जी उनको थोड़ा सा उस तरफ ले गए जहाँ पे अब वो एल्यूमिनियम की शॉप सी या कुछ बना दिया पार्टीशन, वहां खड़े हुए हैं वो थोड़ी देर के लिए, हमने पूरा रास्ता रोक रखा है, और फिर किसी तरीके से गुरुदेव को जब ऊपर पहुंचा दिया है। अब जिन प्रभु जी को स्टंट डाला उनकी हालत खराब, क्योंकि उन्होंने अपने जितना उनको नहीं जोर लगाना चाहिए उन्होंने उससे ज्यादा जोर लगा दिया, ठीक है, मेरा भी पैर सूज चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं यार ये अब उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं है, पर मेरे को उनकी प्रभु जी की तरफ ध्यान है कि यार इनकी हालत खराब हो गई। प्रभु जी मैं जब ऊपर गया हूँ ना, बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अभी ठीक है। मैं मेरे को वो सीन ही मैंने भूलता, मैं ऐसे नहीं कि मैं अपनी महिमा बता रहा हूं, पर जो वो प्रश्न था ना अंदर कि क्या गुरुदेव जानते हैं हमें, तो यहाँ कोई नहीं जानता, हाँ कोई पहचानता नहीं है, जो गुरुदेव के साथ है ये जो प्रभु जी लोग महाराज जी लोग ये तो जानते भी नहीं है, इनको तो हमारा नाम भी नहीं पता, तो क्या मतलब क्या जानते होंगे। प्रभु जी उस दिन ब्रजनाथ प्रभु आके प्रणाम करा कि प्रभु जी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू सेव्ड गुरुदेव। मैं काम किया, मैंने कहा प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट इज योर नेम प्रभु। और फिर माधव महाराज जी सारे गुरुदेव के इक्विपमेंट्स ले आए, उन प्रभु जी पे लगा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक, तो अभी हम डॉक्टर को बुलाएं, कोई चेकअप करानी है, तुम लोगों ने क्या किया तुम्हें पता है, हाँ ऐसा अपना तुमने जान खतरे में डाल दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तुमने जो किया वो करना भी है, वो हम ये सब सुन रहे हैं, पर हमारा ध्यान यही है कि, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वही प्रश्न आया कि अरे हमने प्रश्न क्या किया था कि क्या कोई हमें जानता है। तो जी नेक्स्ट डे गुरुदेव को मथुरा निकल रहा है, बाहर भीड़ लगी हुई है, मैं बस ऐसे दरवाजे पे चला गया और वो प्रभु जी भी खड़े हैं, तो मेरे को लगा कि यार इनको दर्शन मिल जाए क्योंकि इन्होंने ज्यादा जोखिम उठाया। ब्रजनाथ प्रभु आया, दरवाजा खोला, दोनों को अंदर लगी, यस ब्यूथ यू कम आओ, और प्रभु जी अंदर गए ना, गुरुदेव के वो दर्शन ऐसा लग रहा जैसे मतलब मुझे मैंने वैकुंठ नहीं देखा, पर मेरे को ऐसा लगा मैं वैकुंठ में आ गया हूं, और श्री नारायण बैठे हैं और इतने प्रसन्न चित्त हैं गुरुदेव, ऐसा लग रहा जैसे मतलब एकदम ब्राइट, एकदम प्रसन्न। उनको देख के हमारा जो थोड़ा बहुत वो था थकान या दर्द वर्द वो सब चला गया ऐसा, और गुरुदेव इतने प्रसन्न, वो दिखा रहे हैं कि गुरुदेव ये थे इन्होंने लिफ्ट तोड़ी। मैं तो सीधा जाके गुरुदेव के पास जाके बैठ गया, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव ऐसे देख रहे हैं, ठीक हो,
और ऐसे बस क्या बात कर रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रही है। उनके पास जाता था तो उनको प्रणाम करता था, उनका प्रणाम मंत्र भूल जाता था, वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और तब महाराज जी कह रहे हैं, तब माधव महाराज जी कह रहे हैं, अरे गुरुदेव छोटा रोहिणी नंदन है ये, छोटा रोहिणी नंदन। और जब माधव महाराज जी ने ऐसा कहा ना, मैंने कहा यार गुरुदेव ये मुझसे दूसरी गलती हुई है, ये मुझसे दूसरी गलती हुई है। पहला एक बार ऑफिस के टाइम पे संदेह किया था कि मुझे नहीं बुलाओगे, और अब की बार ये जो संदेह किया ना कि आप जानते भी हो, रजिस्ट्री भी है हमारी, इतने लाखों लाखों शिष्यों में हम तो कीड़े मकोड़े से, हमारी तरफ देखते भी हो, अगल बगल वाले तो इनके हमारे नाम ही नहीं जानते, और माधव महाराज जी कह रहे हैं ये छोटा रोहिणी नंदन है। प्रभु जी तब समझ में आ गया कि अब कोई अब जो थोड़ा बहुत कभी आ भी जाएगा ना, वो बुद्धिपूर्वक दबा दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी रजिस्ट्री है। ऐसे मतलब जब गुरुदेव अप्रकट हो गए, मैं सच्ची बात बताऊं प्रभु जी, गुरुदेव का जो अनुभव उनके साथ जब घूम घूम रहा हूं, या कोई भी प्रसंग होता है, माँ प्रभु जी एक बार विशु प्रभु सब्जी खरीदने ले गए, मुझे भी मैं मेरे को दीजे प्रभु ने एक बात बोली हुई थी, गुरुदेव की सेवा करना चाहते हो, हाँ यहाँ बाहर बैठे रहना, यहीं बाहर बैठे रहना, बस रसोई का दरवाजा है इसके पास, यहीं पे बैठे रहना, कब कौन सी सेवा मिलेगी तुम्हें नहीं पता। और प्रभु जी बस हम वही वैष्णवों की कृपा रही कि वो जैसा बोलते थे वैसे ही बैठ रहे थे, तो कभी कोई सेवा मिल रही है, कभी कुछ, कभी कोई पकड़ के ले जा रहा है चलो ये कर लो, कभी कोई दे रहा है ये ले आओ बाइक पे है ये ले आओ वो कर दो। और उसके उसके फल स्वरूप में जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, वो एक टॉफी के लालच में सारे काम कर देता, तो हमारी टॉफी थी बस वो गुरुदेव के दर्शन, क्योंकि वही सबसे दुर्लभ कर रखे थे उस समय। मतलब मैं ये ऐसा फील कर रहा था कि एकदम पैक कर रखा है, ठीक है। माधव महाराज जी उस टाइम माधव महाराज जी उस टाइम पे ना बहुत वो गुस्सा, मतलब उन पे बहुत वो लगता था यार, ये सबसे ज्यादा खड़ूस ना इस ग्रुप में यही है, सबसे ज्यादा खड़ूस है। पर हमें पता है कि उनपे सेवा का कितना भाव भार है, वो किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं, वो आज खैर हम फील करते हैं किस प्रकार से उनको एक एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल, तो उनका बड़ा डर रहता था। दीजे प्रभु कहते थे यार माधव महाराज खड़े हैं ये अभी दर्शन होने नहीं देगा, मैं कहा प्रभु जी मैंने सुबह से नहीं करे हैं, मैं क्या करूंगा, सुबह से भगा रहे हो आप, कभी कह रहे हो ये लेकर आ, कभी कह रहे हो वो लेकर आ, बोलते बोलते प्रभु जी मैं रो पड़ा। मैंने कहा ये कोई बात होती है, सब दर्शन कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं सेवा ही तो कर रहा था ना गुरुदेव की, कोई इधर उधर तो नहीं घूम रहा, आपने ये बोला वो बोला, कराओ मेरे को करने हैं। एक बार ऐसे ही हुआ शाम को, तो अभी किसी के प्रभु जी जो आए आज, तो प्रभु जी गुरुदेव के इतने सुंदर दर्शन हुए ना, दरवाजा खुला, गुरुदेव ने बात भी करी सुन के, और ऐसा लग रहा है ईर्ष्या और हो रही है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, फिर हट कर गए कि आज तो गुरुदेव के दर्शन करने हैं, गुरुदेव दर्शन क्यों नहीं देंगे ऐसे। मैंने कहा सुबह से ही मैं एक ही बार बस कर पाया, दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला था, और अब कैसे करूंगा। दीजिए प्रभु आए, गुरुदेव का पूरा एक कटोरी का महाप्रसाद मेरे हाथ में डाल दिया, कहते लो महाप्रसाद ले लो दर्शन के बराबर है। मैं कहा प्रभु जी सिद्धांत नहीं समझ में आते हमें, हाँ महाप्रसाद हो गया वो एक अपनी जगह है, पर दर्शन भी तो होते हैं कुछ चीज के, तो मतलब मैं क्या करूं मुझे ये बताओ। कहते देख भाई बैठ जा, देखते हैं, माधव महाराज जी से पूछते हैं। तो डीजे प्रभु ने कहा कि माधव महाराज इधर उधर होंगे ना तो करा दूंगा, पता नहीं इतने में कोई और आ गया बुलाने के लिए कि दर्शन करने हैं, हाँ आओ। मैं कहा डीजे प्रभु कहा है, मैं अंदर गया हूँ प्रभु जी, गुरुदेव की मच्छरदानी लग चुकी है और माधव महाराज जी साइड में खड़े हैं, मैं तो उनको देख के कांप गया। मैंने कहा ये बोलेंगे भाग यहाँ क्यों आ गए, कहते बैठ जाओ। इतना प्यार भी करते हैं इतने प्यार से भी बोलते हैं। मैं बैठ गया, क्योंकि हम तो ज्यादातर देखते थे वो थोड़ा शासन ज्यादा, मतलब प्यार से तो बात करते थे पर शासन भी करते थे ऐसे, मतलब ऐसे टाइम पे वो ज्यादा किसी को रहने नहीं देते, कहते बैठ जाओ आराम से बैठ के करना, अभी गुरुदेव वॉशरूम गए हैं आ रहे हैं, ठीक है। गुरुदेव गए, गुरुदेव वॉशरूम से बाहर निकले, कोई एक सेवक ने उनको पकड़ रखा, मैंने पूरा दंडवत प्रणाम किया उनकी तरफ देखा, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ करे, मैं उनको देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या मतलब, ये आज फिर हट कर दिया तो इस वजह से कुछ स्पेशल दे रहे हो, आज फिर कुछ स्पेशल कर रहे हो, और गुरुदेव आके बैठे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ बस। मैंने प्रणाम कराया तो माता महाराज जी ने पहले कह दिया कि कुछ पूछना मत, अगर मन में कुछ है भी तो पूछना। मैं कहा नहीं महाराज जी कुछ पूछना नहीं, बस दर्शन करना थे, सुबह से हुए नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं बैठ के करो।
और जब गुरुदेव लेट गए हैं, उन्हें हल्का सा एक चादर दे दिया है, अब माता महाराज जी कह रहे हैं कि अब गुरुदेव विश्राम करेंगे, आप बाहर चलो। बड़े प्रेम से मैं प्रभु जी बाहर आया तो दीजिए प्रभु कहते कहाँ था तुम? मैं कहा गुरु मैं अंदर था। इस टाइम पे अंदर कैसे चला गया? शयन के टाइम तो किसी को भी नहीं घुसने देते। हाँ अभी कौन लेके गया तुझे? मैं कहा पता नहीं प्रभु जी, मुझे याद भी नहीं कौन बुला के लेके गया। मैं तो आराम से बैठ के एक एक जो सेवक जिसकी ड्यूटी है वो थे और माधव महाराज जी थे, बस मैं बैठा रहा, गुरुदेव को शयन हो गया, जब शयन हो गया तो मैं बाहर आया। प्रभु जी तब उनके फेस देख के मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं, ये सिर्फ गुरुदेव ने बुलाया। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आज वो तो खैर ठीक है, वो प्रकट लीला में वो उस चीज को दे रहे थे, शायद मैं तब भी वो जो बच्चा बुद्धि है ना वो तब भी समझ नहीं पा रही थी। और वास्तविक जैसे अब जो कथाओं में सुनते हैं कि गुरुदेव का वास्तविक मिलन या जो विरह है असली में वो एक प्रकार का मिलन ही है, इस चीज को क्या अनुभव करेंगे, परंतु कुछ कुछ कभी कभी ऐसी ऐसी इंसिडेंसेस होती हैं तब लगता है कि नहीं वास्तविक रूप से गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। कुछ लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मन टूट सा रहा है, एक बार बस ऐसी बोला कि मैंने कहा गुरुदेव मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ गाइडेंस तो दो। मतलब मुझे पता है कि हालांकि मेरे जो मैंने कोई ऐसी साधना नहीं करी, मैंने कोई ऐसा साधन नहीं किया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप कुछ गाइडेंस तो दो। तो मैंने देखा प्रभु जी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी वैष्णव के थ्रू गुरुदेव गाइडेंस दे रहे हैं। हमेशा हमेशा उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई और आज भी दिखा रहे हैं। और मैं ये कुछ कुछ चीजें अपने अनुभव किए हैं और कुछ जो पास में कुछ भक्तों के उनके ग्रैंड डिसाइपल्स के जो अनुभव है उन सबको इकट्ठा करके ये बोल पा रहा हूँ कि वास्तविक रूप से मतलब इस चीज को अब समझ पा रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति है जो अपने पूर्व संस्कारों के कारण या अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका कुछ कुछ कुसंस्कार हो सकता है, उसके अंदर उसका स्वभाव कुछ खराब हो सकता है, परंतु फिर भी हरिनाम कर रहा है, एकादशी कर रहा है, किसी प्रकार से गुरुदेव के ग्रंथ पढ़ लेता है, कुछ प्रयास कर लेता है, तो वो केवल और केवल गुरु कृपा है। पहले तो मैं ऐसे किसी को भी उंगली उठा देता था, दोष दृष्टि थी मेरे अंदर प्रभु जी, और आज भी ऐसे नहीं है कि चली गई है, परंतु अब गुरुदेव की कुछ शिक्षाएं कभी कभी सर पे वार करती हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव शासन करते हैं, कभी कभी उल्टे तरीके से सिखाते हैं कि ये तो मैं तुमसे चाहता नहीं था, तुम फिर भी ऐसा हो रहे हो, ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो। मैंने एक चीज देखा, मैंने कहा अगर ठीक है मेरे से मैंने कोई गलत काम किया तो उसका मुझे कोई दंड मिले, कुछ शासन मिले, उसकी कुछ निंदा मिले, परंतु नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, सही काम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा हो रहा है, तो समझ में नहीं आया, बड़ा टूट गया। मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, फिर गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कहा गुरुदेव ये चीज समझ में नहीं आ रही। फिर अचानक से एक कथा में सुना कि हमारा उद्देश्य सेवा करना है, अगर तुम प्रतिष्ठा पाने के लिए सेवा कर रहे हो, लाभ पूजा के लिए सेवा कर रहे हो, तो वो सेवा नहीं है, फिर एक साधारण कर्म है। और वो गुरुदेव का लेक्चर सुन रहे हैं तो देखा कि गुरुदेव मतलब हर रूप से, जैसे एक भगवान अपने नाम रूप गुण लीला में है, उनका सब चीज अभिन्न है, तो ऐसे ही अगर हम इन गुरु वर्गों के नाम रूप गुण लीला को अगर मैं अभिन्न कर दूंगा, भिन्न भिन्न कर दूंगा तो नहीं, हर चीज अभिन्न है। उनका कोई कोई ग्रंथ जब उठा के देखते हैं वो शिक्षा देता है, उनके उनके लेक्चर जब सुनते हैं वो शिक्षा देते हैं। मैं तो सच्ची में जो प्रकट काल में शायद मैं जितना शायद गुरुदेव को जान नहीं पाया, ऑब्वियसली मेरे पास टाइम भी इतना मतलब जितना गुरुदेव ने अपनी तरफ से दिया बहुत था मेरे लिए, परंतु मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। और अभी भी चाहे गुरुदेव के अप्रकट के हम 10 साल 11वां साल हम मना रहे हैं, परंतु अभी भी नहीं वो उतना हो पाया, परंतु ये एक चीज है कि हाँ इन जो वैष्णवों की कृपा से जो गुरुदेव के आश्रित जन है, और केवल गुरुदेव के शिष्य ही नहीं उनके पर शिष्य या उनके शिक्षा शिष्य सभी से मिलकर जो अब गुरुदेव मिल रहे हैं, और वास्तविक रूप से एक हम अगर मैं शिष्य बनना भी चाहता हूं तो मेरा उद्देश्य होना क्या चाहिए, मैं शिष्य कहलाऊंगा कब? मैं जैसे आपने देखा भी था अब की बार मायापुर में श्री भक्ति बोधायन गोस्वामी महाराज जी के साथ था, उनके पास बैठा, उन्होंने
एकदम एकदम ऐसे बात कर रहे, कहते आपका गुरुदेव क्या है पता है आपको। हाँ, उन्होंने कुछ बातें बताई गुरुदेव की, फिर उन्होंने बोला ज्यादा हमारा संग नहीं हुआ, परंतु उन मैं जहां जहां मायापुर में अगर किसी दूसरे मठ में भी गया या किसी दूसरी जगह पे भी गया, जैसे ही गुरुदेव का नाम लिया उनका फेस एकदम चमक गया। क्योंकि अभी तक तो मैं केवल अपने संग में गुरुदेव की महिमा सुन रहा था या गुरुदेव की महिमा को देख रहा था, परंतु जब किसी दूसरे संस्थान में, मतलब मेरे लिए तो वो खैर एक एक हम बस एक तरीके से बोल रहा हूँ कि दूसरा संस्थान, हाँ कि हालांकि है एक पूरा गौड़िया परिवार ही, अभी उन्होंने परंतु क्या आपको बातें बताई, कुछ याद है आपको गुरु जी के बारे में? अच्छा, प्रभु जी एक उन्होंने बताया एक कि और बात मैं कहना चाहूंगा कि उनको आप, क्योंकि आप उनके संपर्क में रहते हो, अगर आप उनको इस कार्यक्रम पे बुला सकते हो तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा वो हाँ आके, प्रभु जी जी, बिल्कुल, आप मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक या आपको मैं जिम्मा देता हूँ इस काम के लिए। है प्रभु जी, ठीक है। हाँ तो हुआ क्या, मैं मतलब ऐसी सोच रहा था, वो कथा कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि वो अपनी कथा में क्या करते हैं, पूर्व पूर्व आचार्यों का सुनाते रहते हैं। हालांकि वो चैतन्य गौड़िया मठ से, महाराज जी कहते हैं ये मेरा जन्म स्थान है, एक तरीके से मैं यहाँ रहा, तो शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, परंतु पूरे गौड़िया समाज के जो आचार्य वर्ग हैं वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा यार काफी दिनों से ये मतलब कब कोई कुछ संपर्क, मतलब मैं ऐसी अपने लिए सोचा कि कुछ कनेक्शन है, मतलब कुछ इनका संग गुरुदेव का भी कुछ 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 हुआ है। तब एक बार एकदम से बोल पड़े, कहता एक बार हम एक महाराज जी का कोई नाम दामोदर महाराज, कोई उनके संग के होंगे, कहता उनके साथ हम रूप सनातन गौड़िया मठ गए। आहा बाबा कितना सुंदर मठ, हाँ और कितना अच्छा वाला ब्रह्मचारी वहां पे सब, हाँ इतना अच्छा से हमसे बात किया, हाँ बड़ा अच्छा से हमें लिया, हमने उनसे पूछा कि आचार्य कहाँ है, गुरुदेव कहाँ है, तो उन्होंने बोला ऊपर है, तो गुरुदेव की भजन कुटीर ऊपर थी, तथा ऊपर गया, इतना सुंदर सेवा कुंज, उस मठ में जाओ देखो इतना सुंदर से सेवा कुंज सजाया है, हाँ और उस सेवा कुंज के सामने शिला नारायण महाराज जी बैठे हुए हैं। कहता मैं उनके पास गया, बड़ा उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, बड़ा अच्छा उनका बड़ा सुंदर दर्शन किया हमने। फिर मेरे हृदय में प्रश्न था कि शास्त्र क्या है, हम किसको शास्त्र कहें, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में पूरा आंसर दे दिया, कहता है गुरु गुरु वर्ग की जो वाणी है वही शास्त्र। कहता है ऐसा सुना, कहता देखो तो वो बात आज भी हमें याद, इसीलिए ये जो ग्रंथ में लिखा ये भी वही लिखा। तो हमारा आचार्य लोग शास्त्र से अलग नहीं जा सकता, परंतु उनका वाणी ही शास्त्र। उन्होंने बताया ना, आई वाज लाइक, मैं कहूँ महाराज जी मैं तो सोच रहा था कि कुछ गुरुदेव का भी सुना दो। और उन्होंने इस तरीके से, तो वो बताते थे, कहते आपका गुरुदेव ने जिस प्रकार से जो ग्रंथ सेवा किया वो बताते थे, कहते जो वो आए उन्होंने कुछ कुछ इंसिडेंसेस बताए कि जैसे हमारे गुरुदेव अस्वस्थ थे, वो आए ग्रंथ लेकर आते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। फिर मैंने उनको भी अब कुछ कुछ बातें बताई, मैंने कहा प्रभु जी मतलब महाराज जी हमने भी ऐसा सुना कि गुरुदेव से ही सुना है कि जब महाराज जी की उनको सेवा करने का मौका मिला था, तो परम गुरुदेव ने उनको सेवा में लगाया था, और उन्होंने इतनी सुंदर सेवा करी थी, मतलब बहुत अच्छे से सेवा करी, तो शिला महाराज जी ने, शिलापुरी महाराज जी ने बोला काश तुम हमारा शिष्य होता। तो मैंने कहा तब गुरुदेव ने भी कहा नहीं नहीं मैं आप ही का ही शिष्य हूँ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, हाँ आप मुझ पे पूरा शासन कीजिए, मैं आपका ही शिष्य। तो महाराज जी बहुत हंसे, कहता ये तो वो मैंने असली में क्या था ना, मैं महाराज जी के पास रहता हूँ ना, तो उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि जो वो हालांकि उस चीज को कहते हैं, जैसे हम मैं थोड़ा बहुत गुरुदेव की बात कर रहा था, मैंने कुछ बातें बोली, मैंने कहा गुरुदेव गुरुदेव जो जो वो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं या जो उनकी बेसिक शिक्षा है, उनकी बेसिक शिक्षा ही क्या कि प्रेम रहे चारों तरफ। मैंने कहा प्रभुपाद जी भी वही कहते रहे, ये हम एक फैमिली है प्रेम रहे। मैंने कहा उन्होंने गुरु वर्ग अपने गुरु भाइयों में ऐसा प्रेम, खाली गुरु भाई नहीं, वो पूरे गौड़िया समाज को ही अपनी फैमिली, मतलब कहीं से भी कोई आ जाएगा, किसी भी परेशानी से कोई आ जाएगा, वो सबकी मदद करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने महाराज जी ने यही कहा, कहते हैं कि यही तो है हमारा गुरुवर्ग, हमें इतना पूरा ऊंचा वाला
चीज भी दिखाया कि जैसे तुम्हें बता दिया कि ठीक है ये राधा दास्यम है या वो भाव है, वो तो है, परंतु वो रहना कैसे है, वो जो सिखाया उसकी तरफ ध्यान दो। तो मैं प्रभु जी कभी कभी ना कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था मैं डायरेक्शन लेस था, परंतु पिछले एक साल से महाराज जी का संग कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बातें कभी कभी क्या मैंने महाराज जी से सुनी तो मेरे को अंदर थोड़ा विरोधाभास सा आ गया। मैंने कहा यार ये तो गुरुदेव से नहीं सुनी, अचानक एक लेक्चर आया गुरुदेव वही वाली बात बोल रहे, फिर दिमाग में आता मतलब कई बार गुरुदेव ही उस चीज को क्लियर करते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि ये एक ही परिवार है और मैं चल क्या रहा हूँ। खुद कुछ कुछ जो चीजें कुछ जो गुरुदेव की शिक्षाएं आप दिमाग में रख के चल रहा हूँ वो यही है कि हम गुरु भाई गुरु बहन आपस में कहलाएंगे कब, केवल एक गुरुदेव से जैसे मतलब ये मैंने थोड़ा सा शायद फील किया या उसको समझा कि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, आपने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, एक और किसी ने दीक्षा ले ली, तो क्या हम गुरु भाई हो गए? अरे अगर मैं गुरुदेव के एक भी शिक्षा को फॉलो नहीं करता, एक भी उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, तो मेरा तो गुरुदेव से कोई संबंध ही नहीं हुआ, कोई संबंध में ना बनाना भी नहीं चाहता। तो एक व्यक्ति वो है जो गुरुदेव से ना संबंध रखता है ना बनाना चाहता है, केवल नाम की दीक्षा लेके बैठा हुआ है, केवल स्टैंप लगा के बैठा हुआ है, तो वो मेरा गुरु भाई कैसे हो सकता है? यानी अगर मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो मैं किसी का गुरु भाई कैसे हूँ? गुरु भाई वाला रिश्ता उसमें तो गुरुदेव ही तो मेन है, तो उनसे जो जब तक मैं प्रयास नहीं कर रहा या मैं वो नहीं कर रहा कुछ उत्साह नहीं दिखा रहा उनकी शिक्षाओं के प्रति उनके आचरण के प्रति, तो मैं कैसे अपने आप को कह दूंगा कि मैं उनका शिष्य हूँ और मैं कैसे हक जमा सकता हूँ कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, मैं आपका गुरु भाई हूँ? ये तो मैंने अपने लिए लिया। और दूसरा फिर क्या लिया, मतलब कभी कभी मैं कुछ चीजें बोल नहीं सकता कैमरे पे, ऐसा लगता था गुरुदेव सपने में आके सब चीज बता बता के जा रहे हैं, कभी कभी कोई डाउट होता है वो उसको क्लियर करके जा रहे हैं, दिखा के जा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो कि जब तुम गुरु भाई गुरु बहन प्रेम बोलते हो तो वास्तविक प्रेम क्या है, जैसे स्वामी महाराज जी ने भी बोला कि हमें आपस में ऐसा एक सुहृद ऐसा एक प्रेममय हमें एक स्थान बनाना है जहाँ पे हम एक दूसरे को इतना प्रेम स्नेह दें कि वो व्यक्ति बाहर के अपने संसार को भूल ही जाए, उस अपने संसारिक मटेरियल वर्ल्ड को ही भूल जाए और वो यहीं पे ही अटैच्ड होके रह जाए। तो मैंने कहा यार अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें क्या करा जाए, तो उसमें खुद खुद प्रयास करा जाए, खुद कोशिश करो। तो आसपास जो जहाँ पे थोड़ा सा मौका मिलता है कुछ कथा बोलने का या किसी से बात करने का या समझाने का, तो फिर यही वाली बात बोलते हैं कि अपने हमने अपने गुरुदेव से क्या सीखा। चलो ठीक है वो उन्नत उज्जवल रस वो बड़े बड़े सिद्धांत रस विचार वो सब चीजें हैं, परंतु गुरुदेव का बेसिक अगर हम देखें तो उन्होंने वो बेसिक सदाचार में बिल्कुल भी कभी कमी नहीं छोड़ी। किस प्रकार से वैष्णव सेवा करी है, किस मठ का है किस मठ का नहीं है, मेरे गुरु का है उसके गुरु का है, ऐसा विचार तो कभी हमने देखा नहीं। और वो धीरे धीरे से आज मैं वो विचार में क्यों प्रतिष्ठित होता जा रहा हूँ, मैं ये क्यों सोचता जा रहा हूँ कि ये मेरे गुरुदेव है वो मेरे गुरुदेव नहीं है, वो मेरे गुरु का शिष्य नहीं है वो मेरे गुरु का शिष्य नहीं है। तो कई बार गुरुदेव ने मैं एक बार सोच के बैठा कि और सारे गुरुदेव के आर्टिकल्स जो मुझे और जो मैं ग्रंथ में पढ़ रहा हूँ वो हर चीज इसी चीज पे जा रही है कि सबसे पहले बेसिक कि हम किस चीज को प्राप्त करने चले, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने चल रहे हैं, पर तुम्हारा जो बेसिक है कि तुम उस प्रेम को ही आपस में ही नहीं कर पा रहे, तुम वैसे बड़ा अपने आप को प्रचारक प्रचारक समझ रखा है, तेरा अंदर बड़ा प्रचारक अभिमान है, प्रचार किसका कर रहा है, प्रचार किस चीज का कर रहा है? कभी कभी तो गुरुदेव ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे अंदर शासन कर रहे होते हैं कि तू 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 छलने आया लोगों को, तेरे अंदर खुद है नहीं, तू यहाँ पे डिंगे हाँक रहा है, छल रहा है, चुपचाप बैठ जा। मैं ब्लैंक हो जाता हूँ प्रभु जी, फिर उसके बाद कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, अब बोलना क्या है, कुछ नहीं आता। और कभी कभी जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव एकदम से अपनी शिक्षाओं को समझाते हैं, कथाओं उसके उसकी सीरीज की कथाएं आने लग जाती हैं या अचानक से कोई कोट्स उस तरीके के आने लग जाते हैं। बस यही देखा कि वास्तविक रूप से पहले गुरुदेव बेसिक मतलब शायद यही चाह रहे हैं कि पहले हम अपने
बेस को अच्छे से सुधार ले, मतलब वो जो भाव है ये राधा दास्यम या जो उन्नत उज्ज्वल रस, ये सब चीजें तो बहुत ऊपर की बात है। जैसे हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं या गुरुदेव के इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, एग्जैक्टली करना क्या है कि हम एक एक जन योगदान दे दे उस, क्योंकि आप लोगों ने वो समय देखा, हमने भी जो गुरुदेव का वो, मेरे को अल्लाह मतलब जो गुरुदेव के जो अंतिम लीला के 2 वर्ष थे, वो उस 2 वर्ष का मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी, मुझे एक भी कोई डिस्टर्बिंग इंसिडेंस याद नहीं है। मैं बहुत जोर से लगाता हूँ, मैं कहता हूँ यार लड़ाइयां तो उस टाइम पे भी होती थी, मेरे ख्याल से धक्का मुक्की हुई, पर किस बात पे याद नहीं, और भूल गए। मैं प्रभु जी ये याद नहीं आ रहा कि मैं सोता कहाँ था जब मठ में मैं 7-8 दिन पड़ा रहता था, खाते खाते ये याद नहीं है। वो ऐसा प्रेम का बाढ़ थी, ऐसा प्रेम का उस समय लहर थी, कुछ याद नहीं है, बस हम सब उसी में बहे जा रहे थे। तो अब वो सूख क्यों रहा है? वो इसलिए सूख रहा है क्योंकि मैंने अपने अंदर सुखा दिया, सबके अंदर अभी भी प्रवाहित है, मैं अपना सुखा के बैठा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना, मुझे अंदर से, अपने अंदर से उस धारा को दोबारा से बहाना है, मुझे गुरुदेव में स्नान कर जाना, मुझे, मैं अगर गुरुदेव के उन विचारों में उन चीजों में डूब जाऊंगा तो वो, मैं फिर उसी धारा में बहता हुआ अपने आप को फील करूंगा। मतलब कि वो जैसा जैसा वो मतलब वो वातावरण उन्होंने उस समय बना रखा था, पूरा प्रेममय वातावरण, शासन भी प्रेममय, तो उस वातावरण में मैं क्यों नहीं जाता, मैं क्यों किसी के जबरदस्ती दोष देख के बैठा हुआ हूँ। मैं आज की डेट में मैं अपने लिए यही फील करता हूँ कि बस मैंने 2-4 श्लोक याद करे और 4-5 सिद्धांत याद करे और बस कथा में वो जबरदस्ती थोपने के लिए बैठ गया, सुनाने के लिए बैठ गया, जबकि अगर उसको एक एक गुरुदेव के उस मतलब असली मधुर स्मृतियां क्या, उनका एक एक मतलब ठीक है, जो पर्सनल स्मृतियां हैं वो बहुत हैं, पर्सनल ये हुआ वो किया, मेरे को कभी एक बार ऐसे बात करी वो बात करी, ठीक है वो बहुत अच्छी चीज है, परंतु उनका जो असली, जो उनका उनका जो असली माधुर्य है, हम एक एक शिष्य अगर उसको उसको ले के देना शुरू कर देगा तो असली में जो जो वो गुरुदेव का जो माधुर्य है वो बह के वो फिर दोबारा से वही बाढ़ ले आएगा और सब उसमें फिर दोबारा से डूब जाएंगे। जब वो समय था, जैसे हमने अगर सिद्धांती महाराज जी से एक प्रसंग सुना कि किस प्रकार से अगर किसी ने ऐसी एक टॉन्ट कस दिया कि तुम तो हमारे गुरुदेव के शिष्य नहीं हो, तुम तो बाहर से आए हो, और गुरुदेव ने कितना शासन किया और सीधा बोला कि जो ऐसा बोलेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। तो ये इन विचारों को लेके गुरुदेव के, हम गुरुदेव के साधन काल का, गुरुदेव ने किस प्रकार से कठोर साधन किया, उनकी वो शिक्षाएं, उनका वो दिव्य चरित्र, उसका उसको उसको हम प्रचार प्रसार करें, एक एक शिष्य वाकई बोले उन चीजों को, केवल क्योंकि गुरुदेव किससे, गुरुदेव अपने परम गुरुदेव से, गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव से अभिन्न है, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी से अभिन्न है, तो एक प्रकार से ये प्रभुपाद जी की ही धारा है, श्रील प्रभुपाद जी। क्योंकि मैं यही सोचता था कि, मैंने एक बार ऐसी भ्रूम कॉन्वर्सेशन के टाइम पे मैं बैठा हुआ था, तो वो अनाधिकारिक चेष्टा थी मेरी, बस मेरे को केवल बैठना होता था गुरुदेव के पास, बैठे उनको दर्शन करें, और एक प्रतिष्ठा हो जाती थी, अरे मैं अंदर बैठ के आया हूँ इतनी देर, 1.5 घंटा, वो मैं उस टाइप का था। परंतु उस टाइम पे ये गुरुदेव ने कुछ कृपा करी तो एक डिस्कशन चल रही थी, रोहिणी नंदन प्रभु बैठे थे, उनसे पूछ रहे थे, गुरुदेव आपने एक जगह कथा में कहा कि आप हमें उनके जैसा भजन करना पड़ेगा, हमें उनके जैसा भजन करना पड़ेगा, हमें वैसा साधन करना पड़ेगा, वैसा साधन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या गुरुदेव, हमें इतने इतने जन्म लेने पड़ेंगे, हमें इतने इतने जन्म लेने पड़ेंगे, हमें फिर से आके ऐसे 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 अलग अलग उनका संग लेना पड़ेगा, क्या मैं आप क्या हम गुरुदेव में ही उन सबका संग नहीं कर सकते? तो गुरुदेव केवल मुस्कुराए थे उस समय, और मुझे वो ज्यादा आंसर समझ में उस टाइम पे आया नहीं, परंतु एक बार जब उनका एक ग्रंथ पढ़ रहा था अप्रकट होने के काफी समय बाद, तब गुरुदेव ने उसमें इस तरीके से इंगित कर रखा है कि वो गुरु तत्व है क्या, वो पूरी उस गुरु परंपरा को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, वही गुरु परंपरा आज उस रूप में मेरे सामने खड़ी है, वो उस गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्हीं के, अगर एक शिष्य उतना अपने गुरुदेव से उसका संबंध स्थापित हो गया, अगर वो अपने गुरुदेव से उतना कनेक्ट हो गया, उतना समर्पित हो गया, तो श्रील रूप गोस्वामी उसको वहीं संग देंगे, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी संग देंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चतुर्थीपाद, श्रील प्रभुपाद, सबका संग वो उन एक गुरुदेव में कर सकता है। और वाकई में प्रभु जी
इस चीज का हम सबको ही जो गुरुदेव के आशीष जन है, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूं अभी तो, परंतु इस चीज का हम सबके हृदय में ये अनुभव है कि किस प्रकार से हमने रूप गोस्वामी जी का संग शिला गुरुदेव से किया, किस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का संग किया, किस प्रकार से हमने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का संग हमने गुरुदेव से किया, शिला प्रभुपाद जी का हमने संग, शिला परम गुरुदेव का संग। तो कभी कभी हृदय में कभी कभी ऐसा था उनका दर्शन नहीं किया, परंतु एक इस गुरु तत्व का, गुरुदेव का जब हम संग करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन सबका उनका उन सबका इनके माध्यम से ही किया। वरना तो आज की डेट में कुछ मैं इस कौन में जब तक था प्रभु जी, कुछ नहीं पता था कि गुरु परंपरा क्या है, वो आचार्य क्या है, किसने क्या लिखा है, किसने क्या नहीं लिखा। और यहाँ पे कुछ सालों में आके ही गुरुदेव की कृपा से, उनके आश्रित जनों की कृपा से ऐसा ऐसा भरमार मिली, पर मतलब ऐसा हुआ कि बोलती बंद हो गई कि अब बोलें क्या। इस्कॉन में प्रचारक बन गए थे, वही कुछ कुछ चीजें बोल बोल के बड़ा अच्छे से इंग्लिश में बोलने लग गए हैं, तो वहां तो प्रचार का कीड़ा आ गया था। यहाँ आए तो ऐसा लगा कि अरे बाबा, चीटी समुद्र के सामने खड़ी है, पी इसको पी। तो आज भी गुरुदेव का, मैं तो कह रहा हूँ, जो शिक्षाएं और जो उपदेश हैं और जो गुरु वर्गो का शिक्षाएं उपदेश जो पूरी परंपरागत तरीके से वो जो दे रहे हैं, वो तो एक तरफ है, जो उनका अपना ही जो गुणों का माधुर्य है, जो उनका आचरण का माधुर्य, वो अपने आप में एक समुद्र है। किसी तरीके से उसका आस्वादन हो जाए तो बात ही क्या। एक कथा रामचंद्र प्रभु बड़ा चुटकुला सा सुनाते थे कि दो चींटियां बहन थी, एक चींटी की शादी हो गई चीनी नगर में, एक की नमक नगर में। तो कुछ समय के बाद मिली तो चीनी नगर वाली चींटी मोटी हो रखी है और नमक नगर की सूखी हुई है। तो वो पूछती है, बहन तू क्यों सूख रही है, नहीं तो खाने को कुछ नहीं, जहां खाओ कड़वा, जहां खाओ कड़वा, जहां खाओ कड़वा। हाँ, तो कहती चल ठीक है बहन, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए मेरे घर आके रहियो, चीनी वीनी खाइयो, यहाँ पे खूब सेहत बना लियो। वो चींटी वहां से निकल के यहाँ आके रहती है, कई दिन हो गए रहते हुए पर अभी भी सूखी की सूखी। तो कहते यहाँ, कहते तू क्यों, तेरी सेहत क्यों नहीं बन रही, क्या हो गया तुझे। कहते यहाँ पे भी तो सब कुछ गड़बड़ है, कड़वा है। कहते हैं ऐसे कैसे कड़वा है। तो वो चीनी नगर वाली चींटी उसको नमक नगर वाली को बोलती है, जरा मुंह तो खोलियो। तो देखते हो मुंह में इतना मोटा डाला नमक का। तो कहते तो थूक इसको, नमक ही रख के घूम रही है, थूक इसको, इसको थूक, फिर देख इस माधुर्य को। तो मैं अभी ये जो कीर्तन है, इसमें ऐसा ही लगता है कि अभी तक तो गुरुदेव ने कृपा करके उस गटर में से, संसार रूपी गटर में से निकाल तो लिया, इस माधुर्य रूपी समुद्र में खींच रहे हैं, परंतु मैं वही चीन नमक नगर की चींटी, वही का व्यवहार, वही का आचरण, वही के वो सारे दुर्गुण अभी भी लेके घुस रहा हूं, वही मानसिकता लेके, वही विचारधारा लेके इस रस समुद्र का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो क्या है, इसीलिए दुर्बल होता जा रहा हूँ, इसलिए कोई साधन बल नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ भजन क्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक वही मानसिकता लेके हुआ। तो समय तो प्रभु जी बहुत ले लिया है अभी, मतलब स्मृतियां तो मैंने, खैर क्या बोलूंगा, मुझे मैं सच्ची बात बताऊं, मैं भाग रहा था, मैं आपसे आपको बता रहा हूँ, मैं भाग रहा था, क्योंकि वास्तविक में यहाँ पे पोल खुल जाएगी मेरी, इसके पास है ही नहीं कुछ, इसको उसको कुछ है ही नहीं, केवल बाहर से वो क्या हो गया, वो खोखला पेड़ है, अंदर से मोटा सा खोखला पेड़ है, दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत मोटा पेड़ है, बहुत तगड़ा पेड़ है, पर वास्तविक रूप से अंदर खोखला है। अगर कुछ होता, वो उस गुरुदेव के उस माधुर्य के समुद्र का कुछ पान किया होता, तो मैं कुछ मधुर उनका कुछ दे पाता, परंतु कुछ है अभी तक कुछ लिया ही नहीं, अभी तक मुंह में वही नमक का डला रखा हुआ है, वो संसारिक डला ही रखा हुआ, संसारिक विचारधारा से ही चल रहा हूँ, कैसे उस मधुर। तो मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से, सभी श्रेष्ठ जनों से, सीनियर जनों से, कि कुछ मेरे पे भी कृपा कर दो, कुछ फटकार उठकार दो, कुछ खींच खांच लो, किसी दिन उस रस समुद्र का कुछ एक तिनका बिनका कुछ पड़ जाए, उसका कुछ आस्वादन कर लूं, किसी प्रकार से वो क्या गुरुदेव का माधुर्य है, कैसा वो प्रेम है, मतलब वो
संदेह नहीं है उन पे कि वो मुझे कुछ नहीं देंगे, उस चीज का पूरा विश्वास है। देव पूरा रहे हैं, वही बात याद आती है, दो उंगली वाली बात याद आती है, कृपा मतलब एक प्रयास है और एक वो उनकी कृपा है वो पूरी है, उसमें कोई एक तिनके की कमी नहीं, पर प्रयास नहीं है। बस उनसे यही प्रार्थना मैं करता रहता हूँ कि किसी प्रकार से कुछ प्रयास कर, मतलब लगे रहो, मतलब कुछ कर पाए। मैं तो उनके आश्रित जनों के ही पास पड़ा रहता था कि चलो कोई कुछ सेवा दे देता है, कोई कुछ सेवा दे देता है, बस लिटरली अंदर से मन यही रहता है कि यार बचो, बस यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ सेवा नहीं करनी। पर पता नहीं शायद भगवान ने शरीर ऐसा बड़ा सा दे दिया तो वो कहते हैं निठल्ला बैठा, कुछ नहीं करता है, खाता पीता रहता है, मटका केवल अन्न नष्ट कर रहा, कुछ ये कर ले, कुछ ये कर ले। तो जो कुछ अभी तक हो पा रहा है वो भी उन्हीं की ही कृपा है, उनके आश्रित जनों की दया है। बस किसी प्रकार से उस गुरुदेव का जो वो माधुर्य है उसका उसका कुछ कुछ आस्वादन कर पाऊं। क्योंकि दे मैं कोई मुझसे आगे पूछता है कि प्रभु जी कुछ गुरुदेव, अभी यही मधुर स्मृतियों में मैं यही सोच रहा हूँ क्या क्या मधुर स्मृतियां दूं, कुछ हो तो दूं, कुछ लिया हो तो दूं। लोगों की सुनता हूं तो ईर्ष्या सी हो जाती है कि हाय हाय देखो कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, हाँ, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, ना करने का मन है तो क्या होगा। तो बस यही है कि एक एक शायद कभी किसी जन्म में, या तो मैं तो कह रहा हूँ मैं तो उसी आश्वासनों को सुन सुन के ही आए भर लेता हूँ, या उसी भरोसे बैठा हूँ कि गुरुदेव ने बस ये कहा है कि मैं अपने आश्रित जन को या जिस जो मेरा शिष्य है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं नर्क से भी उसका उद्धार कर दूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। बस वही है कि फिर वो शायद मैं बिल्ली के बच्चे की तरह ही बैठा हुआ हूँ, परंतु वो उससे भी काम चलना नहीं, परंतु क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आता कई बार। कि आपने कहा वही, आपने देखो आपने पहले कहा था कुछ कड़वा मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है मधुर स्मृतियां हो किसी के पास, मधुर हो तो वो मधुर निकालेगा। मैं तो बदनाम हूँ इसी चीज के लिए, कहता हूँ भाई कड़वा है करेला है, गौड़िया मठ में करेला पहले परोसा जाता है, इसको पहले देके निपटाओ, बाद में हम मधुर मधुर सुनेंगे। प्रभु जी आपने लास्ट में गौड़िया मठ में कड़वे का बड़ा महत्व है, जबकि पहले परोसते हैं पत्तल, सबसे पहले नमक देते हैं, ये गौड़ी मठ का रिवाज है। बल्कि हमारे पूज्यपाद वामन महाराज गुरु जी कहते थे कि पहले नमक और पत्तल दिया करते थे, पानी दिया करते थे। तो कड़वे का अपना महत्व, मीठे का अपना महत्व, हर चीज का महत्व संसार में। मैं तो भूल कभी कभी प्रभु जी सच्ची बात बताऊं, मतलब यही मतलब प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से कि मतलब हम वो समय सुनते हैं, ठीक है ये मेरी सुकृतियों का अभाव है कि मैं मतलब अब वो मुझे नहीं मिल पा रहा या वो चीज नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है। एक बार उमा दीदी से बात कर रहा था, उमा दीदी करी आज बहुत लड़ाई करी इनसे, हाँ आज इनसे बहुत लड़ाई करी। मैं कहा दीदी क्यों, कहते सब हो रहा है देख रहा है फिर भी शांति से बैठा है, तो इनका मर्जी से हो रहा है ना, तो मैं क्या करे, उमा क्या करेगी, उमा कुछ नहीं करेगी, अब उमा भी चुप बैठी रहेगी। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो या तो इतनी महिमा इतना माधुर्य सुनाओ मत, क्योंकि तो फिर उसको पाने की इच्छा हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि बस वो मिले मिले, और वो मिल रहा है, परंतु अब ऐसे ऐसे तरीके से मिल रहा है क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि साधन करके लेना पड़ेगा, साधन में फिसड्डी है, साधन होना नहीं मुझसे, इतना वो है नहीं बल। तो समझ में नहीं आता कि क्या कैसा वो उस माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा। हालांकि इस प्रोग्राम में मैंने कुछ भक्तों का सुना तो ऐसा बड़ा लगा, मैंने कहा भाई वास्तविक रूप से मैक्सिमम सबका इतना भरपूर भरपूर भरे हुए हैं, लबालब एकदम, चाहे वो किसी उनके उनके शिष्यों के शिष्यों का भी सुना है, लबालब भरे हुए हैं। तो वही सोचता हूँ मैंने कहा मेरे तो ऐसी हालत हो गई है कि मतलब
बस वही है, पात्र में छेद पड़ा हुआ है, पात्र फटा हुआ है पूरा नीचे से, तो जो इकट्ठा करता हूँ सारा नीचे से निकल, तो क्या बोलेंगे, जो मुझे आज टिके पड़े हैं या आज जिस चीज का भी है वो सब केवल गुरुदेव का ही नाम है। अगर मेरे से किसी ने जबरदस्ती गुरुदेव, या मैं अपने आप ही, खैर वो तो मैं कभी कर भी नहीं सकता, पर अगर इस नाम को जिस दिन अलग किया ना, बस खत्म, कुछ है ही नहीं फिर इस परमार्थिक संसार में। मैं कुछ भी नहीं हूँ परमार्थिक, क्या मैं इस जागतिक संसार में भी फिर कुछ नहीं। तो केवल मैं ये सोचता हूँ कि उस नाम का ही सहारा इतनी बड़ी चीज है, अगर उनके उन उन गुणों का, उन आचरणों का, उन उन, उन, उन उस माधुर्य का अगर कुछ कुछ छीटा फूटा पकड़ लिया तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो बस यही प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, वैष्णवों से, कि किसी प्रकार से वो जो भाव है गुरुदेव के हृदय का वो कुछ कुछ समझ में आए, थोड़ा बहुत उसका आचरण किसी तरीके से कर पाऊं, किसी भी तरीके से प्रयास कर पाऊं कि उस पे चल पाऊं उस पथ पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, पता नहीं, खैर ये तो खैर बोल ही रहा हूँ, इसका भी अनुभव नहीं है कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको कुछ लगा दूं किसी प्रकार से हरि गुरु वैष्णव सेवा में, बिल्कुल क्या बोलूंगा, कुछ ऐसा लग, वही खाली हूँ अंदर से, खाली हूँ, सोचता हूँ तो दिखता ही नहीं कुछ। मैं सही बात बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे देखता हूँ गुरुदेव के कैलेंडर की तरफ और मैं पूछता हूँ, ओ अच्छा गुरुदेव, तो मैं तो याद भी नहीं करता इनको, तो देखता भी नहीं इनकी तरफ। आप पूछ रहे हैं क्या बोलूं, आप 1.5 घंटा बोल चुके हैं ऑलरेडी, बहुत कुछ बोल चुके हैं और आप पूछ रहे हैं क्या बोलूं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं और बड़ा अच्छा लगा सुन के। 30 साल की उम्र में एक प्रोडक्शन इंजीनियर ने किस तरह से अपने जीवन को ढाला, अपने दोस्त की माँ की मृत्यु को देखकर उसके मन में सवाल उछल पड़े। जैसे हम सिद्धार्थ के बारे में सुनते हैं, बुद्ध का भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने मृत्यु देखी, राजा के पुत्र थे, 50 तरह के सवाल मन में आ गए और फिर आपकी यात्रा शुरू हुई और आज आपकी यात्रा का ये तड़प नजर आ रही है गुरुदेव के लिए, उनके भावों के लिए। यही साधन है, ऐसी लालसा होना ही साधन है, इसी से मिल जाएगा। गुरु जी कहते थे सिर्फ लालसा ही जो है वो ले जाएगी और फिर ऐसे लोगों से मिला देगी जिनके पास ये चीजें हैं, गुरु जी की, गुरुदेव की संभाली हुई, और वो हमसे, हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो एक प्रभु जी धन्यवाद दूंगा। मैं ना असली में बात बताऊं, आपसे बात हुई, आपने कहा 10 तारीख को आपको बोलना है, मेरे को ये आता कि 10 तारीख कुछ है क्या है, मैं भूल गया था। आपने जैसे ही उस दिन, आपसे मैंने एकदम से आपके मैसेज आया और वो मैसेजिंग पढ़ी तब मेरे को ध्यान आया, और वास्तविक रूप से ना प्रभु जी तब से मैं सोचे जा रहा हूँ, मैं लिटरली सोचे जा रहा हूँ क्या है, कुछ है मधुर स्मृति, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास। और आप बोल रहे हो 1.5 घंटा बोल दिया, तो मैं बस यही क्या बोलूं करके मैंने 1.5 घंटा निकाला है, और मेरे पास वास्तविक रूप से अभी भी, और पता है प्रभु जी दिमाग में पीछे वो सारी बातें बैठी हुई हैं जो गुरुदेव के साथ हुई, गुरुदेव ने कैसे किया क्या किया, वो सामने नहीं आती, बस वो निकल नहीं पा रही, नहीं, पता काफी नहीं कुछ क्यों निकाला आपने प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, काफी कुछ निकाला है भाई। वो। मैं बताऊंगा, मेरे को भी आधा घंटा लग सकता है उसमें बताने में क्या क्या निकाला आपने और अच्छा, बहुत अच्छा निकाला है, मैं समझता हूँ बहुत लाभदायक निकाला है। और रमा दीदी भी कुछ कहना चाहती हैं आपको, तो पहले रमा दीदी को एक सुन लेते हैं, क्या कहना चाहती हैं। एक मिनट, हाँ रमा दीदी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी बोल रहे हैं कि उनके पास अनुभूतियां नहीं है। हाँ, जब बातें होती है तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं, गुरुदेव ने ये करा वो करा, पालकी उठाते हैं जब ऐसा होता है, जितनी भी कथा सुनाते हैं गुरुदेव महाराज जी ये बोल रहे हैं, गुरुदेव ने ये शिक्षा दी, मतलब बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ प्रभु जी पता नहीं कैसे भावुक हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं प्रभु जी के बारे में जरूर कुछ बताना चाहूंगी। प्रभु जी है ना क्लासेज करते हैं, पता है मेरे मेरे साथ तो बड़े अनुभव हैं, मतलब मेरे पहले गुरु प्रभु जी हैं, क्या बोलेंगे, पथ प्रदर्शक गुरु प्रभु जी ही लेके जाने वाले हैं गुरुदेव के पास।
और फिर गुरुदेव से मिलवाने वाले, हरिनाम दिलवाने वाले, दीक्षा दिलवाने वाले, वृंदावन धाम के दर्शन करवाने वाले, नवदीप धाम के दर्शन करवाने वाले, यहाँ तक कि शब्दों को बोलना सिखाने वाले। पता है अब गांव के माहौल में रहते हैं तो ना मैं बोलती हूँ प्रभु जी, ठीक है, और वो पता है मेरे साथ दीदी प्रभु जी नहीं होता, प्रभु जी ऐसे एक एक शब्द को सिखाना। अब पता नहीं सभी दीदी या प्रभु जी है या नहीं मुझे, लेकिन प्रभु जी क्लास में ना एक एक शब्द को इस तरीके से सिखाते हैं, तो गुरुदेव की वाणी का ही तो प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव को सामने रख के ही तो सिखा रहे हैं। और अगर उनकी सेवा की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं उनसे मिली तब उनके घर गई, तो है ना उनके घर पे मैंने क्या देखा, इनके बेड के ऊपर ही इन्होंने शिक्षा अष्टकम लिखा था, और मैंने बस ये पढ़ा था तिरणाम रपि सुनी चैन है, तो मैं इनसे पूछ रही कि भाई ये क्या लिख रखा है इस तरीके से तो इन्होंने सबसे पहला मेरे को वही समझाया था कि ये श्लोक का मीनिंग क्या है, तो वहीं से सीखा कि दीवारों पे भी लिख के रखेंगे ना तो वहीं से मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि ठीक होगी। फिर इनकी सेवा देखी तुलसी महारानी की, छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे चीकसों जो मिट्टी वाले चीकसे होते हैं ना उनमें भी मिट्टी डाल डाल के और तुलसी के एक ही एक दाने को रख रख के इतनी छोटी छोटी तुलसियां उगाना और फिर उनको छोटी छोटी मटकियों में डालना और फिर पूरे आंगन में तुलसी फैला के रखना। और रही विरोध की बात, मैं तो बोलूंगी जो जो भी सुन रहा है ना साधक, चाहे वो नया है या पुराना है, सब अपने दुखड़े रोते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, घर की प्रॉब्लम है, दोस्त साथ नहीं दे रहे। अगर प्रभु जी की बात करूं मेरे ख्याल से तो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। घर का विरोध, मम्मी पापा कौन कैसे हैं, बाहर का विरोध, गांव में विरोध, फ्रेंड सर्कल में, मठ में विरोध, मतलब सब ही कोई ना कोई मतलब सपोर्ट करने वाले कम है, विरोध ही ज्यादा है। और रही दुख की बात, तो दुख भी देखा है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, यहाँ तक कि पैसे की प्रॉब्लम है, जॉब भी छूट गई है, हाँ कितना कितना प्रॉब्लम। तो मैं तो बोलूंगी कि सब है ना जैसे अपनी प्रॉब्लम को खड़ा कर रहे थे ना हमसे नहीं होगा, तो वो प्रभु जी से मिले और इनसे सीखें कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, मतलब जॉब नहीं है उसके बावजूद भी इतना प्रचार और हर जगह जाना आना सब कुछ मैनेज करना। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इन्होंने हरिनाम से लेकर गुरुदेव क्या होते, मुझे कोई ऐसे नहीं था, बस इनका था कि ये समझाते थे गुरुदेव ऐसे हैं, हरिनाम ले लो गुरुदेव ऐसे वस्तु लीला में है, इन्होंने ही समझाए गुरुदेव क्या होते हैं। यहाँ तक कि है ना वृंदावन में मतलब समय नहीं होता भक्तों के पास, वृंदावन में प्रभु जी हैं, आचमन पात्र खरीदवाते हैं, शंख खरीदवाते हैं, चित्रपट खरीदवाते हैं, वहां तक कि जो अपने गौड़ीय ग्रंथ है गीति कुछ, हाँ इसमें कैसे मंत्र याद कराना है, और सभी के साथ इतनी इतनी सेवा करते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं कि सेवा नहीं कर पा रहे, वो इतनी सेवा करते हैं कि मैं तो गिनती भी नहीं करवा सकती उनकी सेवा की। और सबसे बड़ी सेवा तो मुझे उनकी वही लगती है जो पालकी उठाने वाली सेवा है, इतनी धूप में भी, और वो भी नर्सिंग पल्ली वाली पालकी। हाँ मैंने देखा है अपनी आंखों से कैसे ये सभी लोग कूदते कूदते उछलते, और मैंने इनके पैरों में देखा कितने मोटे मोटे छाले होते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर प्रभु जी का मैंने देखा वो इतना उछल उछल के नाचते हैं कूदते हैं, अगले दिन फिर पालकी उठा लेते हैं, उनको पैरों के छालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ज्यादा सेवा क्या होगी। अब खैर वो तो अच्छा है, वो अपनी इतनी दीनता दिखा रहे हैं, कुछ भी है हाँ, लेकिन प्रभु जी खूब सेवा भी करते हैं और गुरुदेव की कृपा भी इनके ऊपर अच्छी है। और इनसे यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा हम सब लोगों के ऊपर भी ऐसे ही रखें। और इनके पास है ना बोलने को बहुत कुछ है, बस पता नहीं किस कारणवश नहीं बोल पा रहे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ बोलने को ये है कि जब नॉर्मल हम लोगों से बात करते हैं तब कई कई घंटे निकाल देते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव की स्मृतियों में बोलने के लिए बस 1.5 घंटा आपकी बहनों के 2-2.5 घंटे खींचे थे मैंने, और जिसने गुरुदेव का संग भी नहीं करा, और आप 1.5 घंटा हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। और प्रभु जी सबसे जो सबसे बड़ी कृपा है ना, गुरुदेव का चरणामृत भी इन्होंने ही पिलाया था मुझे, और उस टाइम पे ना मेरी बुद्धि पता है कितनी गंदी बुद्धि थी, ये चरणामृत क्या होता है, तो इन्होंने समझाया कि गुरुदेव के चरण धोने के बाद जो पानी बचता है ना उसको चरणामृत बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में मैं क्यों पीऊं भाई ऐसे किसी के भी पैर धोके, तब इन्होंने ही मुझे समझाया था कि वो चरणामृत की क्या महिमा है,
ये डांटते भी हैं और फिर प्यार से समझाते भी हैं। मतलब सोचो कि सब स्वरूपों में तैयार रहते हैं कि भाई मेरा कोई भी रूप देख लो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, आपने अनम्यूट करने का मेरे को चांस दिया। ये तो पता नहीं क्या क्या बोल गई। मैं तो अपने आप को, मुझे आज लगा कि शायद मैं अपने आप को जानता ही नहीं। ये तो पता नहीं क्या नहीं, रमा दीदी ने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं। और नहीं प्रभु जी, एक एक जो आपने को रास्ता दिखाया उसके प्रति ऐसे भाव रखना बहुत उचित है, और दीदी का ये बड़ा अच्छा भाव है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए प्रभु जी, एक एक चीज है, मतलब शायद इस समय शायद गुरुदेव बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं मुझे, मैं वही बता रहा हूँ, मैं बहुत असहाय सा फील कर रहा हूँ, बहुत असहाय सा फील कर रहा हूँ जी, मतलब। पर ठीक है, एक 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 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक बार कुछ बात हुई, और ये गुरुदेव के अप्रकट होने के 2-3 साल की बात है, तो किसी से मेरी बहसबाजी हुई। मतलब मैंने ये बोला कि, मैंने कहा तुम ये क्या बोलते गुरुदेव चले गए, हाँ गुरुदेव ऐसा करते थे। मैंने करते हैं भाई, है क्यों नहीं लगाते। तो थोड़ी वो हो गई, कहते नहीं ये तो व्यवहारिक शब्द है, ऐसे ही करने के। मैंने कहा तो तुम व्यवहारिक है तो फिर व्यवहारिक ऐसे रखो ना कि गुरुदेव ऐसे हैं, गुरुदेव का ये भजन कुटीर है, गुरुदेव की भजन कुटीर थी। मैं ठीक है गुरुदेव है यहाँ पे। तो बात करते करते ना उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसा होता। फिर मैंने किसी सीनियर से बात करी, कहते नहीं नहीं देखो अब वो थे तो थे ही ना, तो है तो अब प्रभु जी पता है वो चीज, मतलब ऐसा नहीं कि गुरुदेव के प्रति संदेह, अंदर थोड़ा सा हल्का सा लगा। तो सोच रहा हूँ कि उसको कैसे लेके चलूं। मैं आज भी अगर अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ तो ज्यादातर ऐसे ही कि गुरुदेव ऐसे करते हैं, गुरुदेव ने ऐसा किया है, गुरुदेव का ऐसा माधुर्य है। तो हुआ क्या, एक कोई प्रभु जी थे, मैं इस्कॉन जाता था रोहिणी, ओ पंजाबी बाग, तो वहां पे एक प्रभु जी, कैंटीन के प्रभु जी थे, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने एक दिन एक यंगस्टर से मिलवाया कि ऐसे ऐसे ये प्रभु जी हैं, ये बंगाल के हैं, इनके माता पिता गौड़िया मठ में वहीं कहीं बंगाल से दीक्षित हैं। तो उन्होंने उनसे मिलवाया, मैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, उनको लेके यहाँ आया, मतलब उनको मठ के बारे में बताया। उन्होंने कहा ठीक है मैं मठ में आऊंगा, तो मठ आए, दर्शन वगैरह किया। मैं गुरुदेव की भजन कुटीर में लेके गया, मैंने कहा ये गुरुदेव की ना भजन कुटीर है, यहाँ गुरुदेव रहते हैं। और तो कहता, तो कहते उनके दर्शन, मैंने कहा वो तो अप्रकट हो गए हैं, परंतु जो जो योग्य होगा उसको पक्का दर्शन देते हैं। मैंने कहा इतना तो है, अब बस साधन करना पड़ेगा। थोड़ा तत्व सिद्धांत सुना दिया और ऐसे करके वो चले गए। फिर उसके बाद एक बार मेरे पीछे भी आएंगे। तो एक बार मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देखा 7:45 बजे की उनकी मिस कॉल है। मैंने कहा यार ऑफिस पहुंच के इनको फोन करता हूँ, अभी तो ऑफिस पहुंचने में मेरे को 1.25 घंटा लगना है। मैं प्रभु जी ऑफिस चला गया, थोड़ा फ्री वगैरह होके मैंने उनको जैसे ही फोन किया तो कहते मैं आपकी फोन का वेट कर रहा था कि आप कब फोन करो, मुझे आपको बहुत जरूरी कोई बात बताना है। मैंने कहा क्या बात बतानी है, मैंने कहा बताओ। कहते नहीं फोन पे नहीं बतानी है, वहीं मठ में ही गुरुदेव के कमरे में ही बताऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आज वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, पर मैं मठ पहुंच जाऊंगा, चलो ठीक है। प्रभु जी मठ पहुंचे और वो भी वो पहले से ही थे, वो गुरुदेव के कमरे में लेके गए। तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत एक अपना सपना बताना है। तो मुझे लगा शायद बहुत अच्छा कोई सपना होगा। उन्होंने कहा मैं ना एक बीच पे घूम रहा हूँ। मैं कहा ये बीच पे घूमने वाला सपना बताने के लिए बुलाया है मुझे। तो कहता मैं मनी मन प्रभु जी थोड़ा सा वो वैसे टाइप का हूँ ना मैं कहा जल्दी जल्दी फुट फुट मतलब पॉइंट पे आया भाई, क्या बोलना चाहता है। तो कहते प्रभु जी मैं बीच पे घूम रहा हूँ, बड़े अच्छे से घूम रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इतने में देखा एक काला सा हाथी, बड़ा भयानक हाथी मेरे पीछे भाग रहा है मेरे को मारने के लिए। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कहता मैं समुद्र के अंदर भागने लग गया। मैंने कहा हैं? कहते हाँ प्रभु जी, एक तरफ हाथी भाग रहा है मेरे पीछे, मैं समुद्र के अंदर भाग रहा हूँ। पहले घुटना पानी, इतना पानी, इतना पानी, छाती तक पानी, गले तक पानी। अब मेरे को लग रहा है अब तो मैं मर गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। कहते प्रभु जी चमत्कार सुनो, इतने में आपका गुरुदेव इतना विशाल दिव्य चमकता हुआ एकदम, कहते एकदम से प्रकट हुए, मुझे अपनी गोदी में ले लिया और बांग्ला में बोल रहे हैं डरो मत, तुम किस लिए डरता, मैं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और जब कभी मिलना हो वहां पे मैं रहता हूँ, वो मेरा स्थान है, वहीं आना, जहां तुम आए थे ना वहीं मिलो।
प्रभु जी उन्होंने ऐसा बोला, मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ पर था गुरुदेव के कमरे में बैठा बैठा। तो मैंने कहा मतलब विश्वास तो इस व्यक्ति को तो दिलाया दिलाया, परंतु वो जो मेरा विश्वास था जो शायद हिल जाता कुछ बातें सुन के, अब वो विश्वास पक्का हो गया, वो विश्वास पक्का हो गया कि गुरुदेव हैं भाई, गुरुदेव मतलब थे वाली बात नहीं है, हैं ही हैं। तो मैं तब से ये हो गया कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव ये हैं, गुरुदेव हैं, गुरुदेव ऐसा करते हैं, गुरुदेव ने गुरुदेव को ये पसंद है, गुरुदेव ये प्रसाद पाते हैं, गुरुदेव ऐसा करते हैं। और ऐसी ही एक दो और भी उनके शिष्यों के शिष्य, ये तो ये जो प्रभु जी हैं ये तो कुछ ज्यादा समय के लिए रहे भी नहीं, और फिर पता नहीं कहाँ साउथ में या कहीं पे इनकी ट्रांसफर हो गई या कुछ अच्छी जॉब मिल गई, ये चले भी गए। परंतु मैंने देखा कि ऐसी मतलब इतनी इंटेंस, मतलब इतना अपना अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंस देना, ऐसी करुणा, ऐसी प्रीति ममता देना कि मतलब वो व्यक्ति बस बिकी जाए, मतलब वो कुछ वो उसके आगे कुछ सोच ही ना पाए, ऐसा प्रेम। तो वो लड़का भी वो भी रो पड़ा था, वो मेरे को कहने लगा, कहता है प्रभु जी मैं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं। तो मैंने कहा देखो प्रभु जी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, मुझे नहीं पता आपको क्या नहीं क्या दिया। मैंने उसी टाइम उसको अपनी स्थिति बताई कि प्रभु जी एक्चुअली ये मुझे शिक्षा दी गुरुदेव ने, मेरा संदेह तो नहीं आया था पर थोड़ा सा मैं डगमगाने लगा था, तो ये मुझे तो बताया, परंतु प्रभु जी आप भी अब इस चीज को याद रखना, कोई भी आपको, अब आपको तो गुरुदेव ने डायरेक्ट बोला है कि तुम्हें किसी तरीके का कोई परेशानी, किसी तरीके का तुम्हें कुछ है तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो वही उनके माध्यम से भी ये शिक्षा मैंने भी ली, और ये प्रसंग मैं बहुत जगह सुना था कि भाई वो वही है, हम मैं उनसे प्रार्थना करता क्यों नहीं या मैं उनसे कुछ पूछता क्यों नहीं कभी, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो। जैसे शिला परम गुरुदेव के बारे में आता है कि उन्होंने उनका आता है कि उन्होंने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को पूरी रात डिक्टेशन दी और उन्होंने उनका उनका जीवनी का प्रसंग लिखा। तो ऐसे ही गुरुदेव आते हैं, प्रकट होते हैं अपने कथाओं के रूप में, अपने ग्रंथ के रूप में। मुझे आज तक वो मतलब वो कुछ जो गुरुदेव जब मॉर्निंग वॉक जब कम होने लग गई थी और लास्ट में बस कुछ एक दो ही मॉर्निंग वॉक के लिए गुरुदेव जब नीचे आए थे, उसके बाद मॉर्निंग वॉक्स बंद हो गई, और एक बार बस एक इवनिंग वॉक के लाए थे, उसके बाद तो फिर वॉक्स ही बंद हो गए, फिर सीधा गुरुदेव गए गोवर्धन और गोवर्धन से सीधा चले गए, मतलब गोवर्धन से दिल्ली आके फिर वो वहां पुरी गए। तो उस समय मैंने देखा गुरुदेव हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने घुमा फिरा के क्या दे रहे हैं, साधु संग, साधु संग। कोई कुछ भी पूछ रहा, फिर उन्होंने पूछा गुरुदेव हम तो आपका संग करना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा जैसे रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथों में हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रकट है, मैं सदैव अपने ग्रंथों में हूँ, किसी को भी मुझे ढूंढना है, किसी को भी मुझे मुझसे साक्षात्कार करना है, मुझसे बात करनी है, मेरे ग्रंथों के माध्यम से करो। तो इसके प्रभु जी बस थोड़ा सा प्रयास, जैसे दीदी कह रही है पढ़ाते हैं ये करते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने हालांकि इनको कितनी बार बोला है कि मेरा प्रयास खुद का है कि मैं किसी बहाने से उन ग्रंथों को हाथ में पकड़ लूं, उन ग्रंथों को पढ़ पाऊं, क्योंकि उन गुरुदेव को जानना है मुझे, उन गुरुदेव को समझना है मुझे, और गुरुदेव क्योंकि वो लास्ट की वो मॉर्निंग वॉक से याद आती है, उसमें गुरुदेव ने यही कहा मैं अपने ग्रंथों में हूँ, ग्रंथ सेवा करने की कोशिश भी करी। अमल प्रभु कहते थे कि भाई तुम बहुत ग्रंथ सेवा कर रहे हो, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के ढो ही तो रहा हूं। तो कहते हैं ढोते ढोते देखना है किसी दिन ये ग्रंथ तुम्हारे अंदर घुसेंगे, गुरुदेव वाकई में प्रसन्न होंगे। तो खुद ढूंढना शुरू कर दिया कि चलो समझ में तो आते नहीं, पढ़े जाते नहीं, तो ढूंढना शुरू कर देता हूँ, गाड़ी में उठा के यहाँ से वहां ढो रहे। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करी, थोड़ा सा आसपास में अपने भक्तों को दोस्तों को मोटिवेट करने की कोशिश करी कि चलो हम सब मिलके कुछ ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। और फिर दोबारा से देखो ये कोरोना पता नहीं क्या करेगा, पर मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि हम सब मिलके एक 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 ग्रुप बनाए या हम अच्छे से उन 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 अद्भुत अद्भुत ग्रंथों का हम स्वयं भी संग्रह करें और उसके उसको पढ़ के उसके मैसेज को लेके फिर हम उन ग्रंथों को हम डिस्ट्रीब्यूट करें,
इतना कुछ नहीं, क्या क्या नहीं है। आज सुबह भी यही रमा दीदी क्लास में ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भजन रहस्य पढ़ रहे हैं ये लोग, कोई कुछ कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई माधुर्य कादंबिनी पढ़ रहा है, कुछ इतना अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। मेरे को याद है अभी भी शिला, मतलब मैं गोपीनाथ मठ में था तो महाराज जी की, गोदान महाराज जी की अर्चन दीपिका बांग्ला वाली खो गई थी, वो मेरे को बुलाया स्पेशली, अरे रोहिणी बाबा हमारे लिए एक काम कर सकता तुम, हमारे पे बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं सोचू क्या हो गया, कहता हमारा अर्चन दीपिका कोई उठा ले गया या गलती से चला गया कहीं, तो भी हमारे को अपने मठ से वो अर्चन दीपिका ला दो। मैं तब सोचा कि चलो अर्चन दीपिका है, कोई कहता है नवदीप धाम नवदीप धाम ब्रज मंडल, वो नवदीप मंडल परिक्रमा या वो परिक्रमा वाली बुक आपके यहाँ से छपी है, तब तब समझ में आता है कि गुरुदेव ने वास्तविक रूप से इस गौड़िया समाज में जो बृहद मृदंग की जो सेवा, अद्भुत सेवा करी, मैं वहीं पे रह रहा हूँ और मैं उसको अनुभूति नहीं कर पा रहा, और बाहर से अन्य अन्य वैष्णवजन मुझे बोलते हैं कि हमारे लिए ये ग्रंथ ला दो, हमारे लिए वो ग्रंथ ला दो, तुम्हारे वहां पे वो भी ग्रंथ है। मैं प्रभु जी पुणे गया था एक बार, बहुत पहले की बात है, तो जब मैं वहां पे जा रहा था, चैतन्य गौड़िया मठ के कुछ भक्त हैं, वो अब वो दीदी प्रभु जी दोनों ही हस्बैंड वाइफ, अब वो चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में ही रहते हैं, तो वहां पे वो मिलते भी हैं, तो उन्होंने फोन पे कहा कि हमारे को, उन्होंने दो तीन ग्रंथ के नाम लिखा है, कहते प्रभु जी आप आ रहे हो तो वो ग्रंथ दे देना। तो तब उन्होंने पता क्या बोला, कहते हमारा ना ये हो गया कि शिला नारायण महाराज जी का जो मठ है ना और उनके जो जन है, अगर उनके जन से आप मिल रहे हो ना या कोई आपके पास आ रहा है तो उनसे ग्रंथ जरूर मंगवा लो, क्योंकि वो ग्रंथ और कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो तब ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब इतना, और प्रभु जी जब मैंने अपना भी जब वो टटोला कि गुरुदेव के पास मैं कैसे पहुंचा, तो मुझे याद आया श्रीशी भागवत पत्रिका। तो यही प्रयास मैं, मतलब मैं तो खैर क्या ढंग से नहीं कर पा रहा, परंतु हम आपस में इस चीज को भी बहुत मोटिवेट करें कि ये जो गुरुदेव ने जो डायनामाइट एटम बॉम्ब, प्रेम के एटम बॉम्ब, प्रेम के डायनामाइट, प्रस्तावना पढ़ो प्रभु जी, ग्रंथों की प्रस्तावना में ही ऐसा लगता है कि मेरे को तो विषय वस्तु की प्राप्ति हो गई, अभी ग्रंथ पढ़ा नहीं है, ग्रंथ में वो जो भी विषय वस्तु है वो पढ़ी नहीं, प्रस्तावना पढ़ के हृदय ऐसा गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है कि मिल गया इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ के माध्यम से महाप्रभु इसको लेकर आए ब्रह्म संहिता को, क्योंकि इसके माध्यम से वही महावदान है कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा है ग्रंथ हाथ में आ गया, अरे ये तो महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया हाथ में। अभी तक वो ग्रंथ केवल मेरी अलमारी में संग्रह के रूप में रखा हुआ था कि हाँ ये गुरुदेव के सारे ग्रंथ होने चाहिए मेरे पास, परंतु अब समझ में आया कि वो महत्व क्या है, एक एक ग्रंथ ही तो प्रेम, प्रेम का एक एक बूंद है, वो सारा प्रेम का समुद्र गुरुदेव ने ग्रंथों के माध्यम से, गोस्वामी ग्रंथों के माध्यम से हम सबको दिया। तो ये प्रेम की बाढ़ कैसी है, ये प्रेम की बाढ़ रोकी नहीं जा सकती, तो हमें क्या करना है, किसी प्रकार से मैं अपना योगदान ये कर दूं कि इस बाढ़ को बहाने में मैं एक सहायक बन जाऊं, क्या पता उसी में मेरा उद्धार हो जाए। तो एक प्रार्थना कहो या मैं कहूंगा कि मुझ पे सब आशीर्वाद करो कि किसी प्रकार से उस चीज को हम कर पाए, और कैसे कर पाए, मिल के, कि किसी के पास कोई आइडिया है, किसी के पास कोई आइडिया, सब इकट्ठे होके, ये नहीं कि ये मेरा ग्रुप हो तेरा ग्रुप, ऐसा नहीं, सब मिलके कि हाँ भाई हमें ये ग्रंथ सेवा करनी है, बृहद मृदंग सेवा करनी है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, तो इसी प्रकार से मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास कुछ सेवा है मेरे लायक तो मुझे पक्का बता दो कि प्रभु जी आपको ये करना है और मुझसे करवा लो, कि हम सब मिलके उस बृहद मृदंग की सेवा गुरुदेव ने, हम सब ने श्रवण किया है, कथाओं में बार बार श्रवण करते हैं, फोटोज तक सर्कुलेटेड है किस प्रकार से गुरुदेव ग्रंथ लिख रहे हैं, माधव महाराज जी बताते हैं कि गुरुदेव ग्रंथ लिख रहे हैं, दिल्ली तक की भी बातें बताते हैं कि गुरुदेव किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी सेवक देखा शायद सेवक की आंख लग गई है तो उसको जगाया भी नहीं, अपने आप वो फोल्डिंग टेबल उठा ली या वो ग्रंथ को उठा के स्वयं लगे हुए और घंटों घंटों तक लगे हुए हैं उसकी प्रूफ रीडिंग करने में या उसकी करेक्शन करने में, और जब माधव महाराज जी ने एकदम से टोक दिया है कि आप क्या कर रहे हो इतना देर से, बहुत देर हो गई आपको, अच्छा
और जैसी वो जैसी उससे अलग हुए हैं, या जैसी थोड़ा सा उन्होंने वो भाई आवेश में आए, अपनी सुध ली है, वो एकदम से फिर वही अपनी अस्वस्थ लीला करने लगे, आ मेरे गर्दन में मेरे को बहुत चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल का पेन है, और फिर लेट गए। तो इतना जब उन्होंने किया है तो हम सब क्या करें। किसी भी प्रकार से स्वामी महाराज जी जिस प्रकार से बोलते थे कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं उनको, वो रो रहे हैं, वो दुख में तड़प रहे हैं, उनको ये एक एक ग्रंथ प्रेम के रूप में दें, हम उनको थोड़ा सा समझा के साथ में दें। और हम ठीक है, हम जानते हैं हमारे मटके ग्रंथ एक बार में असमी से हिंदी में समझ नहीं आते, तो हम क्या करें, हम सब मिल के उसको उस तरीके से, जैसे अब मैं देख रहा हूँ ये दीदियों ने कहीं पे, कुछ दीदियों ने बड़ा अच्छे अच्छे छोटे छोटे एक कुंज बना लिए हैं, है ना, ग्रंथों के कुंज बना लिए हैं, किसी कुंज में एक ग्रंथ चल रहा है, किसी कुंज में एक ग्रंथ चल रहा है। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी ईर्ष्या को और अपने क्या बोलते हैं उसको, दोष दृष्टि को इस प्रकार से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये क्यों सोचूं उसने अलग ग्रुप बना लिया, उसने अलग ग्रुप बना लिया, विचार कर रहा है वो, इसको ऐसे देखो कि एक एक अलग अलग कुंज, एक एक अलग अलग कुंज में एक एक ग्रंथ चल रहा है, एक एक प्रेम की लहर लहर बह रही है, ऐसे कुंज बनते ही जाए, हमारा प्रयास ऐसा होना, अनेक अनेक ऐसे कुंज बने। आज भी हमसे भी कोई बोले कि प्रभु जी चलो हम भी एक कुंज बनाए, हम उस कुंज में ये वाला ग्रंथ करेंगे, बस इस प्रकार से वो कर दो। मतलब पता है प्रभु जी, वो शब्द नहीं आ रहे हैं बाहर, पर कितना अद्भुत, मतलब हम सब उसी में व्यस्त हैं, आपस में अगर हमने फोन भी किया किसी को, हरे कृष्णा, अरे प्रदा वो माधुरी का आदम नहीं है ना ये वाला, उसका कुछ आता है तो बताओ वो, अरे हम भूल जाए हमारे इस जड़ जगत में क्या हो रहा है, वो सारी दुख परेशानी है, ग्रंथ चर्चा ही चलने लग जाए, ये चर्चा, ये सिद्धांत, वो उधर से उसको पूछ रहा है, वो उधर से बता रहा है, वो कुछ बता रहा है, वो उसी में डूब जाए सब, सब होने वाला, चिंता मत करो, आपने अपनी इच्छा प्रकट करी है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। पता नहीं मैं तो अच्छी ऐसी भक्तों की इच्छा होनी चाहिए, और भक्तों की इच्छा गुरुदेव पूरी करते हैं और अवश्य करेंगे, और जल्दी इसमें हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, और छोटे छोटे कुंज नहीं है, बहुत बड़ा आपको बाग नजर आएगा बड़ी जल्दी, और इसमें सब लोग एक साथ मिलके करेंगे, कुंजों में भी करें कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा करें उतना बढ़िया है, तो जहां मर्जी करें, कुंज में करें, बाग में करें, खुले में करें, घर में करें, बिल्कुल तो हमेशा अच्छा है। हमारे प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रभु जी आप तो अनम्यूट बोल सकते हैं, प्रभु जी पुराना, प्रभु जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कुछ खास बोलना नहीं है, क्योंकि रोहि नंदन की बात जो करोलबाग वाले रोहि नंदन है, बड़े बड़े रोहि नंदन, जी जी सीनियर, ये जूनियर वो सीनियर, जी जी, तो एक दिन उन्होंने गुरुदेव से पूछा, जब वो शायद 2010 के आसपास, 2009 के अंत में कार्तिक के दिनों की बात हुई, तो दिनों में गुरुदेव क्लास भी कम अटेंड करते थे शाम की, कि कभी कर दी तो थोड़े दिन थोड़ा टाइम बोला ऐसा। उन दिनों की बात है, रविंद्र ने पूछा, गुरुदेव जब आप नहीं रहेंगे हमें तो एक ऊंचे संघ की आदत पड़ गई है, तो हम निम्न संघ तो होगा नहीं हमारे से, तो संभवतः आप जैसा वैष्णव इस धराधल पर कम मिलेगा संभवतः, तो हम तो हमारा क्या कर्तव्य बनेगा, हमको क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न तो देखो ना, जो भक्ति में डूबा हुआ साधक है वही पूछ सकता है। तो गुरुदेव ने बताया कि मैंने अपनी सारी शक्तियां, मैंने अपने सारे अनुभव, सारी भक्ति का निचोड़, मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो अपने ग्रंथों में दे दिया है मैंने, तो मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें ये लगे कि जो प्रचार है उसके अंदर वो दोष आ रहे हैं, या
सत्संग जो होना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा, तो ग्रंथ को एकाग्र करना, ये गुरु जी का अंतिम उपदेश रहा है मेरे हिसाब से। उन्होंने बताया कि उनके तीन अवधान है, गुरु जी के तीन अवधान है, एक प्रचार, एक पुस्तकें और एक परिक्रमाएं। मेरे जाने के बाद जो जो साधक इनमें अपना योगदान देगा वो मेरा प्रिय हो जाएगा। जो आज परिक्रमा भी चल रही है, प्रचार भी चल रहा है, और अभी रोहिणी नंदन ने बताया किसमें वो सीरियस है कि गुरुदेव के ग्रंथों के बारे में कितना उनको इच्छा है कि उनके ग्रंथ जगह जगह वितरित होने चाहिए, उनका सबको सहयोग मिलना चाहिए। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मेरा भी काफी सर्कल रहता है इश्कोन के भक्तों के साथ जी, अब तो इतना नहीं है, पहले बहुत था। एक हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन में तो नहीं कह सकते, 30-35 साल से हमारे मित्र हैं, वो अब वृंदावन वास कर रहे हैं। एमवीटी इस्कॉन के पीछे एमवीटी है, वहां वास कर रहे हैं। उनका फोन आया मेरे को 5-6 दिन पहले, कहने प्रभु जी प्रभु जी। मैं कहा हाँ जी, कहने इनसे बात करो। ये प्रभु जी लंदन से आए हैं और आपके गुरुदेव के बड़े प्रशंसक हैं। मैंने, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ, आदेश करिए प्रभु जी, बताइए आप गुरु जी के हमारे प्रशंसक हैं। तो मैं तो आपका दास हो गया उस नाते के कारण। कहते प्रभु जी आप मुझे एक बात बताओ, बहुत साल पहले आपके गुरुदेव नारायण महाराज कार्तिकी परिक्रमा के दौरान उनके पास एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में से पढ़ के उन्होंने चंदन शिला एक है उसके बारे में उसका वर्णन किया था, चंदन शिला। मैंने कहा देखो बात सुनो, जहां तक मेरी यदाश का ताल्लुक है, मैंने ज्यादा संग तो नहीं किया, फिर भी 98 से लेके 2010 तक कार्तिकी परिक्रमा मेरे महीने की अटेंड नहीं की, लेकिन फिर भी इतना होता था मैं जाता था उतना। गुरुदेव को मैंने नहीं देखा कि परिक्रमा में की पुस्तक लेके बोलते हुए बीच में, मैंने नहीं देखा। हाँ, सुबह की क्लास होती थी सुबह की, कभी कभी वो कुछ एक ग्रंथ का तो उसमें पाठ करते थे, कभी कभी वो भी माधुरी कादंबनी वगैरह लेते थे गुरु जी, कभी। हाँ जी, माधुरी कादंबनी का पाठ कभी करते थे इस तरह से। हाँ, लेकिन अधिकतर तो उनको सब जमाने याद था अधिकतर। तो मैंने प्रभु जी कहा, मैं अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इतनी जिज्ञासा ले रहे हैं और मैं बताऊंगा। तो अभी रोहिणी नंदन बात कर रहे थे ना कि भाई जब किसी को पता लगे कि भाई ये नारायण महाराज के का ताल्लुक है तो कोई ग्रंथ की बात जरूर करते हैं या ग्रंथ ले आओ, उनको ये यकीन होता है कि भाई इनके मठों से वो ग्रंथ मिलने की संभावना होती है, उनको ये यकीन होता है। ये मैं उनकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ। सही बात है। उन्होंने एक अच्छी बात भी कही इसके बाद, कहते हैं कि ये बड़ी मुझे अच्छी लगी बात, कि बाहर के लोग हमें बताते हैं लेकिन हम यहाँ रह के इनकी महत्व नहीं समझते। ये बड़ी सोचने वाली बात है, या कम समझते हैं, सबके नहीं कह रहा, बहुत लोग समझते भी हैं, आदरणीय वैष्णव गण समझते भी हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग नहीं समझते प्रभु जी ने जो कहा, क्योंकि कई जो चीज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हम ज्यादा जान नहीं पाते, जब उससे दूर हो जाते हैं तब पता चलता है कि ये क्या वैल्यू थी इस चीज की कैसी। गुरुदेव जब थे तो हम लोग ठीक है, गुरुदेव के प्रति भाव थे, प्रेम था, आनंद था,
लेकिन अब जो तड़प विरह है, जैसा प्रभु जी ने बताया अपनी बातों में और हम सबको भी लगता है, तो उस चीज से दूर जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चल जाती है कैसी। तो गुरुदेव की बुक्स शायद हम इतना उसको अभी ना समझे कि हम हमारे पास तो सुलभ है, जहाँ जाते हैं वहां पे अलमारी भरी पड़ी, हमारे घर में भी यहाँ भी, लेकिन जिसको नहीं है उसको देखो कैसे कैसे मंगाते हैं, क्या क्या जुगाड़ करते हैं, क्या क्या वो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो बड़ा अच्छा बोला। रमा दीदी आप भी कुछ कहना चाहती हैं? फिर से थोड़ा कम अभी समय बहुत हो गया, इसलिए मैं चाहूंगा कि किसने बंद कर, हाँ मैंने जी, तो ना खोल के लगा दी। हाँ दीदी बोलिए आप भी। प्रभु जी आप बस कुछ कोरोना प्रभु जी कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं यही पूछना, फिर मैंने कई भक्तों से पूछा कि भाई वो ऐसी कोई पुस्तक है जिसमें तो किसी को कोई ध्यान नहीं था। फिर अंत में मैंने ही निर्णय लिया कि अवश्य ही जो गुरुदेव ने लिखी हुई है कार्तिकी परिक्रमा के बारे में, एक ब्रज मंडल की परिक्रमा के बारे में पुस्तक है, एक ग्रंथ है छोटा सा, 100-150 पेज का, संभवतः जो है उसमें कहीं होगा इस शिला का वर्णन। तो जब वो मुझे मिलेंगे वो मैं पुस्तक उनको भेंट कर दूंगा। मैंने कहा भाई इसमें है, अपने आप ढूंढ लो कहाँ पे है वो हाँ सही। नहीं थोड़ा आप भी प्रयास करो। अच्छा गुरु जी ने वो पुस्तक बड़ी अच्छी बना गए ग्रंथ, तो वो रेफरेंस हमारे लिए हो गया है कि उनको हम हाँ कहीं भी पढ़ हाँ सकते हैं और हर स्थान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप कितने मतलब स्वस्थ नहीं होके भी इतना उत्साह से बोल रहे हैं, और मुझे डर भी लगता है कि आप ज्यादा बोल के आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि आप बड़ा आवेश में बोलते हैं, तो मैं कई बार घबरा सा जाता हूँ मैं देख के। लेकिन अच्छा भी लगता है कि गुरुदेव के बारे में बोलते हैं तो क्या गड़बड़ क्या होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। और मैं देख रहा हूँ आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है बहुत पहले से। हाँ, एक बार मुझे याद आ गई, जी एक बार मुझे याद आ गई, तो जी गुरुदेव के बारे में है। एक हम किसी उसमें सत्संग अटेंड करने, गुरुदेव के दिल्ली 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 की बात ही है। मैं एक अपने मित्र को साथ ले गया, हारे मेरे से उम्र से कोई 10-15 साल बड़े थे, तो मैं उनको साथ ले गया। मैंने आओ जी आपको महाराज कथा सुनाते हैं। तो माधव महाराज जी है, महाराज जी को पकड़ के ला रहे थे, शायद स्वस्थ ठीक नहीं था। तो मेरे साथ जो सज्जन थे कहने यार ये जो है आप बुरा मत मानो खुराना जी। मैं बुरा क्या मानना बताओ आप। नहीं यार ये जो इतने बुजुर्ग संतों को आप तकलीफ क्यों देते हो। क्या देते हो, बोले तकलीफ क्या देते हो, क्यों? अच्छा बोलेगा मतलब कहने का ये है वो कहने के इनको तकलीफ क्यों दिया है। मैं किसी जवान आदमी को बुलाए थे, मैंने कहा आप थोड़ा चैन लो, आप थोड़ा आराम से बैठो, आप थोड़ा सा आप आए हो ना आराम से बैठो जरा। जैसे ही महाराज माइक के पास आए उन्होंने ऐसी संरचना की, ऐसी संरचना की और कहने लगे यार कमाल हो गई यार। बस यही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी आप भी बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए दीदी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो ग्रंथ वाली बात प्रभु जी ने बोली ना, और अपने खुराना प्रभु जी ने बोली, तो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही है ना, चैतन्य गौड़िया मठ से राधा गोविंद प्रभु जी है बम्बई से। हाँ, उनका आज भी मेरे पास कॉल आया कि जो आपके गोकुलचंद प्रभु जी ने आपके गुरुदेव की इच्छा से जो चैतन्य चैतामृत लिखी है, प्लीज मेरे यहाँ पर आप उसको कॉरियर करवा दीजिए। और अभी है ना, कई दिन पहले वो मेरे से मिले थे, तो उन्होंने घर आने के लिए बोला। वो मेरे घर आए और बोल रहे मैं स्पेशल आपके घर इसलिए आया हूँ कि आपके पास आपके गुरुदेव के ग्रंथों का खजाना होगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मेरे को दर्शन करा दोगे। और उन्होंने दर्शन करे, और यहाँ से मेरे घर से ही वो 8 ग्रंथ लेके गए हैं गुरुदेव के, कि वाह मुझे ये ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहे थे। क्या बात, मैं राधे कुंज, रूप सनातन मठ, दिल्ली मठ, हर जगह घूमा हूँ, वो 8 ग्रंथ यहाँ से लेके गए। ऐसे ही चैतन्य मठ की कई दीदी लोग हैं, यार प्लीज मेरे लिए वो ला दे, मनन शिक्षा ला दे, नवदीप धाम महात्म में ला दे। तो ये ग्रंथों वाली बात तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी बोली। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे गुरुदेव का बोला रोहिणी नंदन प्रभु जी ने कि कैसे उनको हम देख पाए, तो जो गुरुदेव के शिष्य हैं उनके आचरण में भी हम गुरुदेव को देख सकते हैं, है ना। क्योंकि गुरुदेव के शिष्य भी तो वो बोलते हैं ना कि
तद क्या बोलेंगे कि तद गुरुदेव में और उनकी तद वस्तु में कोई डिफरेंस नहीं है, तो गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो भी तो गुरुदेव की तद वस्तु है। तो अगर मैं तो रोहिणी नंदन प्रभु जी की बात करूंगी, अगर हरिनाम की देखा मैंने तो वो है ना बाइक पे जाते हुए गाड़ी चलाते हुए भी हरिनाम करते हैं। ऐसा मेरे हस्बैंड मतलब भजन में नहीं है लेकिन उन्होंने खुद मेरे को बताया, अरे वो तेरा एक भाई है ना, ठीक है, वो है ना बाइक पे जाते हुए भी हरिनाम कर रहा था, मैंने है ना फाटक पे देखा था उसको। मेरे पापा है, मेरे पापा एकदम भक्ति के बिल्कुल खिलाफ। हाँ, मेरे पापा खुद मेरे को बोल रहे हैं, अरे वो जो फौजी का लड़का है उसके बातों में आ गई ना तू, वो पूरा दिन माला लेके घूमता रहता है, अब तेरी भी वही हालत होने वाली है, ऐसे बोल के। और मेरे पापा तो एकदम एकदम बदल गए, मतलब मेरे पापा बिल्कुल नास्तिक थे और उन्होंने तो है ना घर से लड्डू गोपाल जी को उठा के और बाहर फेंका, और मेरे पापा को दोनों हाथ नहीं है, लातों से उनको कैसे मतलब मैं बता भी नहीं सकती। रोहिणी नंदन प्रभु जी हैं, उन्होंने किस तरीके से मतलब ऐसे बोलते थे, अरे नहीं दीदी ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। और आज वही मेरे पापा हैं, पिछले साल नवदीप परिक्रमा पे गए, अभी कॉल कर रहे हैं, अरे कब टिकट करानी है, कब टिकट करानी है। और अभी बोलेंगे वो है ना वो जो फौजी का लड़का है ना, ठीक है पिछले और हमारे साथ गया था ना, उसी से बात कर ले, वो टिकट करा देगा। और प्रभु जी ये तो हरि नाम की बात है, और दूसरी है कि वैष्णव अपराध, मतलब जो हमारे गुरुदेव के बारे में अगर कुछ भी ऐसे शब्द बोल दे तो हमें मतलब वो क्या बोलेंगे कि वो शब्द क्या है कि उनके पास हमें संग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अगर रोहिणी नंदन प्रभु जी की बात करूं तो जो प्रभु जी इनको लेके गए थे मठ तक है ना, जिन्होंने इनको बताया था मठ के बारे में, उन्होंने कुछ शब्द बोले होंगे गुरुदेव के बारे में, लेकिन वो उसी टाइम से मतलब अगर प्रभु जी कोई ले जाने वाले हैं मठ में है ना, तो उनके तो हम बड़े ऋणी हो जाते हैं। लेकिन ये मतलब मेरे लिए शिक्षा है ये कि उन्होंने अगर हमारे गुरुदेव के बारे में कोई शब्द बोले और उनके गुरुदेव भी हैं वो, तो इन्होंने क्या करा, उनका संग छोड़ दिया। मैंने देखा कि ये कभी उनसे दोबारा मिलने नहीं गए, इन्होंने उनकी कभी कोई बात नहीं करी, उनसे कोई मतलब नहीं रखा। तो ऐसे जो हमारे गुरुवर आचार्यों के बारे में कोई अपराध करे या कुछ ऐसे शब्द बोले तो उनको त्याग देना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात जैसे प्रभु जी ने बोला कि इनके मन में शंका आती रहती कि है ना गुरुदेव के बारे में ऐसे सोचा कि क्या गुरुदेव हमें जानते होंगे, क्या ऐसा होगा, तो वो ऐसी क्या बोलेंगे, ऐसा डाउट है ना सबके मन में आता है, हम सबकी यही प्रवृत्ति है, ऐसी ही सोच है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला कि कैसे जानते होंगे है ना, तो अभी है ना इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे पास कहीं से कॉल आया कि मेरे को है ना बोधन महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं वहां चली गई और मैंने देखा, अरे ये रोहिणी नंदन भाई भी यहाँ पे खड़ा है ऐसे करके। हाँ, और मैं इनको बोल रही भाई मेरे से नहीं बता सकते थे क्या, हाँ इतने अच्छे महात्मा संत आए हैं, मैं मिल लेती, तो इतनी देर में महाराज जी को जाके प्रणाम कर रही हूँ ना, तो पता है क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, मतलब मैं उस टाइम पे ना वो ये शब्द बोलेंगे ना इंग्लिश का शॉकिंग थी, हाँ मैं देख रही हूँ और प्रभु जी पता है क्या बोल रहे हैं, महाराज जी ये मेरी गुरु बहन है ऐसे करके। तो मैं सोच रही हूँ कि प्रभु जी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से दे रहे हैं, मतलब मेरी गुरु बहन, तो वो गुरुदेव को इंगित कर रहे हैं। गुरुदेव से अगर नाम जुड़ा है तो हमारी पहचान है, नहीं तो हमारी पहचान है ही नहीं, ये एक सत्य है। तो उन्होंने बोला मेरी गुरु बहन, तो महाराज जी जानते हैं नारायण महाराज जी का शिष्य है, फिर मैं खुद बता रही हूँ महाराज जी मैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की शिष्य हूँ, और बड़ी स्माइल पास कर रहे हैं, बोल रहे ठीक है बैठ जा ऐसे करके। तो प्रभु जी एक एक सीख से है ना, मतलब प्रभु जी का आचरण अगर मैं देख रही हूँ तो ठीक है बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं तो एक बहन मतलब गांव से भी बहन हूँ और वैसे भी गुरु बहन हूँ, तो हमारा रिश्ता तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग वाला है, और इनकी वजह से ही मैं जो भी हूँ आज इस तरीके से हूँ। जैसे तत्व सिद्धांत सीखना है, हरिनाम करना, अपराध नहीं करने, प्रभु जी सीधा है ना अपराध के ऊपर कितना लेक्चर देते हैं। अभी भी उन्होंने कितना सुंदर बोला कि मतलब हर एक दीदी छोटा छोटा कुंज बना के बैठी है ना, तो ऐसी अगर हमारी वृत्ति बन गई तो क्या हम अपराध कर पाएंगे, बिल्कुल अपराध कर ही नहीं पाएंगे, ये तो सत्य है। तो हमें ये है कि अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, बुरी चीजों को त्याग देना है। और अगर हम गुरुदेव को देखना भी चाहते, मेरी बड़ी शिकायत रहती है, मैं थोड़ी सी मुंह फटूं, हाँ गुरुदेव तो चले गए, इनके सामने ही बोल देती हूँ
हाँ मेरा तो संग निवा सबके मतलब सबके साथ कितनी अनुभूतियां हैं, सबने कैसे अभी प्रभु जी के साथ मतलब प्रभु जी के लिए मेरे को पता है क्या जलसी होती है, इनका एक फोटो है और ये ना गुरुदेव के पीछे खड़े और पंखा हिला रहे हैं और अपने रमन बिहारी गोड़िया मठ में बिल्कुल मठ के सामने ही, तो मुझे ना हाँ तो मुझे ना इतनी जलसी होती है कि भाई उस टाइम पे कहाँ गया था, मेरे ऊपर तो फाउंडेशन है, जैसे तुमने चार बार मेरे को जबरदस्ती खींचा, ज्यादा भी खींच लेते तो क्या थोड़ा बहुत संग मैं भी कर लेती, तो इन्होंने सेवा की बात कर रहे तो सेवा तो इन्होंने बहुत करी। देखो अब प्रभु जी का ये है गुरुदेव के साथ ही, वो पंखा हिलाने वाला भी है प्रभु जी, हाँ वो मठ के सामने ही है एक और प्रभु जी पंखा हिला रहे हैं उसमें गुरुदेव का पीछे से, और गुरुदेव हरी कथा कर रहे थे उस टाइम पे। जी हाँ मैंने देखा आपका रिश्ता प्रभु जी के साथ बड़ा घनिष्ठ और बड़े अच्छी बहन हो आप, उसका प्रमाण आप दे रही हो जिस तरह से आप उनके बारे में बोल रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका साथ देख के। और मुझे पता है ये कैसे भाई है, है ना वो छोटे भाई है ना कि कभी बहन की चोटी खींची कभी कुछ, ये है ना टांग खींचते हैं और वो भी आध्यात्मिक टांग, तो अच्छा है प्रभु जी ऐसा भाई सबके पास होना चाहिए। आप लोगों का रिश्ता देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, हम सारे संग में आपस में एक दूसरे से ऐसे ही रहें तो बड़ा आनंद और बड़े प्रेम से हम लोग भजन कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दीदी ने प्रभु जी के बारे में बोला और प्रभु जी ने भी कैसे इनके पिताजी को देखो कैसी बात बताई दीदी, मैं तो हैरान हो गया सुन के, जिन्होंने ठाकुर जी को फेंक दिया उठा के उनको भी भक्त बना दिया, क्या अद्भुत बात है, मतलब कैसी गुरुदेव की कृपा। प्रभु जी मैं सामने से कॉल करूंगी ना तो मैं बोलूंगी हरे कृष्णा, तो पता है क्या बोलते थे मेरे पापा, मेरी माँ का नाम कृष्णा है तो बोल रहा है कृष्णा तो नीचे गई हुई है ऐसे बोलते, कृष्णा तो मर गई, हाँ वो तेरा कृष्ण है ना वो पता है क्या करता था, हाँ उसने किसी काम को नहीं छोड़ा और अपनी भाषा में ना उनको गालियां भी देते थे, और अभी है ना मैं फोन करती हूँ ना तो पहले ही सामने से बोलते हैं अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा लगा सुन के अपने आप ही ना, अपने आप ही प्रभु जी अगर मैं भूल गई अपनी माला को कहीं चेयर पे रख के या कहीं चारपाई पे या कहीं बेड पे रख के, तो ऐसे उठा के लाएंगे मतलब दोनों हाथों से ऐसे उठा के लाएंगे और बोलेंगे ले अपनी पहले इस माला को संभाल ले ऐसे करके। नहीं ये बड़ी अद्भुत बात है कि ऐसे, ये तो कहते भी हैं कि संत महात्माओं से कृष्ण से कैसा भी संबंध रखो चाहे प्रेम से या उल्टा, आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे, अगर आप उनसे नफरत भी करोगे तो ही फंसोगे, क्योंकि करते तो कृष्ण से हो ना आखिर। हाँ उनके सामने आ जाओ किसी भी तरह, अच्छे भाव से बुरे भाव से, ये इनके प्रकार हैं, वो अपना जादू चला देंगे। तो मैंने देखा कि आपके पिताजी के साथ भी ऐसा जादू चल गया और वो भक्त बन गए, प्रभु जी की उसमें हेल्प रही, तो कहाँ से हाथ उठा प्रभु जी, हाँ यहाँ से प्रभु जी बोलिए आज आपका दिन है। दिन तो गुरुदेव के ही है सारे, नहीं नहीं आज भक्तों के दिन स्पेशल। नहीं मैं इनको क्या बोलूं, मैं बोलूं गुरुदेव की मधुर स्मृतियां या तुम हमारी आपस की मधुर स्मृतियां बोल रहे हो। प्रभु जी एक 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 और चीज मेरे को मतलब उससे शिक्षा मैंने बाद में ली, एक बार गुरुदेव के हॉल में पोंछा लगा रहे थे और पोंछा लगाते लगाते गुरुदेव के कमरे में पोंछा लगाने लगे तो रामचंद्र प्रभु चलते हुए आए और एक फिजी वाले जो सुंदर गोपाल प्रभु है ना वो वॉशरूम साफ कर रहे थे, तो वो आए चलते हुए कहते गुरुदेव देखो इंजीनियर तो पोछा लगा रहे हैं यहाँ पे। तो गुरुदेव बस ऐसे, गुरुदेव ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, गुरुदेव ने बस ऐसे उनकी तरफ देखा वो भी हंसते हुए चले गए और कुछ हुआ नहीं। तो प्रभु जी सारा साफ करे, मेरे को लगा मैंने कहा पता नहीं यार कुछ गुरुदेव बोलना पड़े या कुछ बोले, और घबराहट इतनी होती थी ना बस ऐसा लगता था अब अगर कमरे में अकेले हैं और मैं हूं अब ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुन रखा था गुरुदेव कुछ भी पूछ लेते हैं डांट भी पड़ जाती है, मैंने कहा कोई होता था ना जैसे माधव महाराज है या कोई और है तो थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ ये सिचुएशन संभाल लेंगे। प्रभु जी में पूछा करके प्रणाम बाहर से उस कमरे के जो खिड़की कह रहा हूँ रसोई वाला गेट है और कमरे का गेट है, गुरुदेव इस तरफ बैठे हुए हैं चेयर पे तो वो गेट से साफ सामने दिख रहे हैं, मैं वो गेट के अंदर भी नहीं आया गेट के बाहर से दंडवत हो गया और प्रणाम करके भागने लगा था, मैं सोचा था चलो भाग जाऊंगा एकदम से, गुरुदेव ने एकदम इशारा किया इधर, मैं बताया प्रभु जी अंदर से क्या सोच रहा हूँ, कहता आज तू गया जो आस पास कर कर आके बचा था ना आज तू गया, तेरे को बचाने वाला ना कोई नहीं है।
अकेले बैठे हैं गुरुदेव, माधव महाराज जी नहीं थे, प्रभु जी मैं पास गया, थोड़ा ज्यादा भी नहीं पास गया, थोड़ा दूर ही रुक गया। पहला ही प्रश्न गुरुदेव पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मैं, प्रभु जी मेरे मुंह से कुछ निकले ना, मैंने बड़े धीरे से बोला रोहिणी नंदन दास। रोहिणी नंदन दास, अच्छा इतना ही गुरुदेव ने बोला था? कहाँ रहते हो, क्या करते हो? हाँ ऐसे कुछ पूछ ही रहे थे, इतने में ब्रजनाथ प्रभु आ गए और ब्रजनाथ प्रभु कान में उनके बोल रहे हैं, गुरुदेव प्रभु जी इंजीनियर डूइंग लॉट ऑफ सेवा इन मठ, वेरी गुड। और गुरुदेव पता क्या कर रहे हैं, वो कान में बोल रहे हैं, प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नो गुरुदेव वेरी गुड सेवा, आ आ अच्छा अच्छा इंजीनियर है, ऐसे करके कुछ बोला, यहीं रहते हैं, ऐसे कुछ कुछ हुआ और मैं प्रणाम करके गुरुदेव ने बस ऐसे हाथ किया और मैं चला गया। वो चीज प्रभु जी बाद में ना जब प्रकट हुई ना, जब इन चीजों को सोचता रहता था तब समझ में आया कि गुरुदेव ने केवल जो वास्तविक पहचान है ना उसी को ही सुना, और वो भी जो मैंने बिल्कुल धीरे से बोला रोहिणी नंदन दास। रोहिणी नंदन दास, उन्होंने यही दिखाया कि तुम दास हो। और वो ब्रजनाथ प्रभु जितनी तारीफ कर रहे थे, जो कुछ बोल रहे थे, चिल्ला के बोल रहे और उसको भी आया कर रहे, तो तब समझ में आ गया। क्योंकि एक बार मैं जानकी दीदी से बात कर रहा था, तो जानकी दीदी से बात कर रहा था, मैंने ये प्रसंग सुनाया, तो दीदी कहते हैं हाँ हम जानते हैं उनको, अच्छे से जानते हैं, ऐ करके ना वो सुनना नहीं चाहते, वो हम तो झाड़। वो दीदी अपना प्रसंग बताने लगी, कहते जैसे एक बार मैं उनको कुछ बोल रही हूँ तो हंस रहे, और फिर जब मैं कुछ बोलने लगी तो कह रहे हैं क्या बोला, कहते मैं छोड़ दो हमारे सामने। हाँ जब भी हम कुछ वैसी बात बोलते हैं ना, ऐ शुरू कर देते हो, हमें सब पता ये है कुछ नहीं है। तो वो जब वो बात बताने लगी ना, तब मैंने उनको फिर वो वाला ही प्रसंग बताया। मैंने कहा दीदी अब समझ में आया कि वो चीज सुनना ही नहीं चाहते। तो वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये जड़िए अहंकार में मत रहना, तुम्हें मैंने दास बनाया है, अपने आप को इसी दास पद में ही स्थापित करके रखना, ये है तुम्हारा परिचय। तब मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मुझे तो अब वो चीज समझ में आ रही है। मैं तो उसको सही वाकई में उसको उस तरीके से ले गया कि शायद गुरुदेव को सुनाई नहीं देता, ऊंचा सुनते हैं। कहता ना ना वो बहुत कृष्ण टेढ़ा है ना, ये उनके भक्त उनसे भी टेढ़े थे, ये बहुत टेढ़े बहुत जगह कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते थे जी। तो वो ये कहते फिर वो, तो ये चीज दिमाग में आई। ग्रंथ से रिलेटेड एक और चीज बोलूंगा प्रभु जी, खुराना प्रभु जी, ये जो हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ है ना, मैं इस्कॉन के साथ परिक्रमा में गया था, तो मैंने देखा एक वहां के प्रभु जी क्या कथा सुना रहे हैं। एक ग्रंथ है अखबार में लपेटा हुआ है, कथाएं सुनाए जा रहे हैं, कथाएं सुनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहां पे मोरकुटी के पास गए थे या गहवर वन में कहीं पे, वो थोड़ी देर के लिए उनसे हाथ से ना वो ग्रंथ थोड़ा सा ऐसा हुआ तो अखबार हल्का सा हट गया था, तो हरा हरा नजर आया। बस मैं तो प्रभु जी सारे इस्कॉन, चाहे वो ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन हो, पंजाबी बाग इस्कॉन हो, वृंदावन इस्कॉन हो, जिस इस्कॉन में जाऊं मैं उस ग्रंथ को ढूंढ। मैंने कहा एक कोई ग्रंथ है जिसमें पूरा ऐसे ऐसे परिक्रमा का दिखा, कहते ये वाला हो सकता है। मैंने कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब प्रभु जी यहाँ पे आया ना मठ में, तो बुक शॉप तो तब ढंग से देखी नहीं, ऐसे शुरू में नए नए आते थे तो ऐसे ही देखते थे। एक बार बलराम प्रभु, दूसरा ही तीसरा दिन था उनके साथ बातचीत करते, बलराम प्रभु ने ऐसे ही बोला कोई सा भी ग्रंथ उठा लो गुरुदेव का, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो पढ़ने के लिए, जाओ पढ़ो गुरुदेव के ग्रंथ पढ़ो, तुमने स्वामी महाराज जी के पढ़े अब गुरुदेव का भी ग्रंथ पढ़ो। तो प्रभु जी ऐसे देखते 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 हरा सा एक ग्रंथ नजर आया, मैंने वो उठाया। प्रभु जैसे उठाया, उनको लगा शायद ये पढ़ने के लिए उठा रहा है, वो बहुत सुंदर ग्रंथ है, पूरा ब्रजमंडल पूरा पूरा, वो उनका बोलने का तरीका ऐसा होता था प्रभु जी, इतना मोटिवेटिंग, पूरा प्रभु पूरा ब्रजमंडल दे दिया गुरुदेव ने इस किताब के अंदर, तू पूरा ब्रजमंडल घर लेके जाएगा, तो पूरा ब्रज घर लेके जा रहा है अगर इसको लेके जाएगा तो। मैं घबरा गया एक बार कुछ। मैंने प्रभु जी वो ग्रंथ निकाला, मैंने कहा प्रभु जी मैं ये नहीं लेके जा रहा, ये तो बहुत मोटा सा ग्रंथ है। हाँ मैं ये बता रहा हूँ प्रभु जी, इस ग्रंथ को डेढ़ साल से ढूंढ रहा हूं, डेढ़ साल से ढूंढ रहा हूं, ये अब यहां आके मिलेगा ये नहीं पता था कि वो वहां पे इसी ग्रंथ से कथा सुना सुना के इतनी तालियां बज रही हैं, हम उन प्रभु जी से आकर्षित होते जा रहे हैं। अब मुझे पता चला कि
सदैव जो आकर्षण रहा, चाहे वो कृपालु जी के आश्रम में भी मैं जो उनके मतलब कृपालु जी को फॉलो कर रहा था, उनसे जो कथा सुनता था, वो जो मैंने यहाँ पे आके माधुर्य कादंबनी और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु सिंधु जो गुरुदेव के लेक्चर सुने, रूप गोस्वामी जी के महात्मा में जो लेक्चर सुने, वो शिक्षाएं सुनी, तब समझ में आया कि आकर्षण इन्हीं का ही था शुरू से। यही गुरुदेव मुझे शुरू से आकर्षित कर रहे थे बेस बना बना के। कृपालु जी क्या वही केवल वो अपने अपने मुख से कथा तो सुना रहे हैं, परंतु सुना रूप शिक्षा ही रहे हैं, जीव गोस्वामी जी के ही पद सुना रहे, वही सब उन्हीं चीज उन कथाओं को सुना रहे, और मैं उन्हीं कथाओं से तो आकर्षित हो रहा हूँ कि बड़ी सुंदर बात। उनका एक पुराना लेक्चर दोबारा एक बार मैंने कुछ टाइम पहले सुना था, अन्य अभिलाषिता शून्यम श्लोक को सुना रहे, एक बार भी रूप गोस्वामी जी का नाम नहीं ले रहे। तो मैं इनका यही सब चीजें तो सुनता था और उस वहां पे भी देखा उस ग्रंथ, तब समझ में आया कि क्या अद्भुत योगदान है। तब सोचा कि ये, मैंने कहा प्रभु जी ये ग्रंथ तो हर किसी के घर में होना ही चाहिए, परंतु तब ग्रंथों का इतना वो नहीं था। अब धीरे धीरे कुछ गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से कुछ एक दो ग्रंथ पढ़ पाए, परमेश्वर प्रभु का बहुत कृपा रही, उन्होंने बड़े उससे, डीजे प्रभु शुरू में बहुत बोलते थे ग्रंथ पढ़ो, मैंने कहा प्रभु जी वो बलराम प्रभु ने, हाँ वो बात भी बताता, जब बलराम प्रभु ने कहा कौन सा लेके जाएगा, प्रभु जी सबसे पतला ग्रंथ उठाया मैंने, सबसे पतला ग्रंथ भक्ति तत्व विवेक, मैं कहा ये सबसे पतला लग रहा है, मैं कहा प्रभु जी इसको पढ़ के, हाँ पढ़ के आएगा सुनाना जरूर है, मैंने कहा हाँ ये तो पढ़ ही लूंगा मैं, मैंने सोचा पतला सा है पढ़ लूंगा, प्रभु जी वो लेके गया प्रस्तावना में ही फंस गया। मैं कहा प्रभु जी ये किसकी महिमा गा रहे हैं ये तो बताओ, परम आराधितम राधा राधा कृष्ण भाव द्वितीय सुविलतम ये वो, मैंने कहा प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, पतला सा तो ग्रंथ ले गया पर ये समझ में नहीं आ रहा। और प्रभु जी जब वही ग्रंथ वैष्णव अनुगत्य में पढ़ा, मैंने खुद कह रहा हूँ कि उस ग्रंथ को दो बार पढ़ा है अनुगत्य में और क्लासेस में कम से कम 3-4 बार पढ़ाया है, और अभी भी जब वो ग्रंथ उठाता हूँ ऐसा लगता है ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे अद्भुत मतलब वो चीजें हैं ये ग्रंथ, तो मतलब गुरुदेव की महिमा में अगर प्रकाशन ना बोला जाए तो वो जो 3 पा हैं, जैसे उन्होंने भी बताया 3 P's हैं, प्रकाशन परिक्रमा और वो, ये तीनों क्या हैं, ये गुरुदेव के पा प्राण हैं। तो अगर वाकई में उन गुरुदेव की मधुर स्मृतियां हैं, गुरुदेव का अगर हमें वो करना है वैभव या उस माधुर्य को लेना है, तो ये 3 पा को साथ में इन्हें हमें इनको भी अपना प्राण बनाना पड़ेगा। वास्तविक रूप से दीदी बताती है ना कि परिक्रमा में जाते डोला उठाते, पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो डोला कैसे उठ रहा है, बस हम प्रार्थना करते हैं, कंधे सूजे हुए होते हैं, कोई हाथ लगा दे तो हम करा जाए और छाले भी, परंतु वो क्या है, बस ये सोच रखा है कि गुरुदेव ने ये परिक्रमा, गुरुदेव की परिक्रमा, गुरुदेव सब कुछ चला रहे। फिर डीजे प्रभु साथ में होते ही हैं, वो कुछ ना कुछ गुरुदेव का परिक्रमा से रिलेटेड सुनाते रहेंगे, कभी कुछ सुनाएंगे कभी कुछ सुनाएंगे, ऐसा लगा कि सामने गुरुदेव ही चल रहे हैं। तो एक प्रसंग सुनाता हूं मैं, इसमें कोई मतलब वही लगता है प्रभु जी की ऐसी आत्मस्तुति हो रही है, परंतु ये प्रसंग हुआ है, एक दामोदर प्रभु है उनके साथ, वो हमारे साथ उठाते हैं, तो दामोदर प्रभु और हमने डोला लिया, लास्ट डे वाली परिक्रमा थी, हम कोबाला से आ रहे थे, तो कोबाला से अंदर से सीमेंटेड रास्ता कचता आता है, उसके बाद मेन रोड आती है। प्रभु जी दोपहर हो चुकी है, तेज वो होली जब लास्ट में पड़ जाती है, वो होली है, वो वाला समय है, और जैसे ही रोड पे पैर रखा ना प्रभु जी, रोड पे चला ही नहीं जा रहा, भाग के मिट्टी पे आ गए, और डोला तब तक कुछ बंगाली भक्त थे वो उठा रहे थे, तो हम सोच रहे हैं यार हालत तो सबकी खराब होनी है, ये उठेगा कैसे अब, और रास्ता खैर ज्यादा नहीं है पर उठेगा कैसे, ये करेंगे क्या। प्रभु जी पहले एक बार को डर लग रहा है कि चल छोड़ भाई अब डोला छोड़ दे, अब नहीं उठेगा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार आए इसी चीज के लिए, हाँ हम तो महाप्रभु का पल्लेदार बनने के लिए आए हैं, और अब इससे डरेंगे तो फिर मर जाए, इससे अच्छा तो वही है, ऐसे एक दूसरे को बोल दिया। मैं कहा चल भाई दामोदर लगते हैं, कहता हाँ प्रभु चलते। प्रभु जी डोला लिया, नाले से पहले ही लिया है, और वो जैसे ही लिया अब आगे वाले को तो पैर जल रहा, हमारा भी है, कोशिश कर रहे हैं कि आधा रोड पे चले आधा मिट्टी पे, पर मिट्टी कंकड़ और गरम। प्रभु जी भागे हैं वहां से, पूरा फाटक तक भागे हैं, फाटक पे भी निकाल लिया, वहां से फिर भाग रहे हैं बस, और तपती रोड में भागते जा रहे हैं, एनर्जी बहुत लग रही है।
दामोदर प्रभु ने बस पता नहीं अचानक से कहा कि प्रभु जी अब मेरे हाथ से गिर जाएगा, बहुत बुरी हालत हो रही है, गिर जाएंगे, चक्कर सा आ जाएगा, या पता नहीं पैर सुन सा हो रहा है, गर्मी तो है ही है परंतु वो भागा नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई पता नहीं प्रभु जी कहां से ऐसा लगा, क्योंकि दूर से ना गुरुदेव की समाधि दिख रहे हैं। मैंने कहा भाई गुरुदेव खड़े हैं, मतलब वो हमें वो कथा याद आ रही है कि गुरुदेव दरवाजे पे आ जाते थे महाप्रभु के स्वागत के लिए, मतलब गुरुदेव बाहर खड़े हैं यार। हाँ तू ऐसी बात कर रहा है, गुरुदेव खड़े हैं, देख वो देख सामने गुरुदेव खड़े हैं। देखा हाँ गुरुदेव खड़े। प्रभु जी बस वो जो दौड़ लगाई है ना सीधा वो मोड़ करके नीचे गली जो आ जाती है ना वहां जाके रुके हैं और सांस ली है। और जैसे जैसे पालकी जब महाप्रभु अंदर पहुंच गए हैं उसके बाद बस पड़ गए हैं, पैर की क्या हालत है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर वो उस बात को दामोदर प्रभु के हृदय में वो बैठ गई और वो कहते कहते प्रभु जी ये मतलब तब से बस हृदय में यही होता है कि गुरुदेव के पीछे पीछे हम वो पालकी लेके निकले हैं, गुरुदेव हमारे सामने पूरे रास्ते चल रहे हैं। ठीक है हालांकि हम झगड़ते हैं हंसी मजाक करते हैं परंतु साथ साथ में एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं, देख पीछे महाप्रभु देख रहे हैं आगे से गुरुदेव देख रहे हैं, ठीक है ढंग से चल लो, ठीक है ये दोनों देख रहे हैं और पूरे रास्ते चाहे वो नरसिंहपल्ली कोई भी हो बस ये होता है कि सामने गुरुदेव चल रहे हैं और वहां पे गुरुदेव गेट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं पालकी का, ठीक है महाप्रभु के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो कम से कम शायद गुरुदेव का कुछ आशीर्वाद हमें मिल जाएगा तो चलो। तो वो बात बस मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर थी या कुछ, पता नहीं उस दिन कैसे निकल आई और तब से वो दिमाग में बैठी हुई है कि हाँ ये सेवा महाप्रभु की है, ये सेवा गुरुदेव की है और बस उसी चीज के और उसी सेवा की लालच में ही, ठीक है हम क्या है हम मैं तो नवदीप जाता हूँ बस इसी सेवा की लालच में उस परिक्रमा का किसी प्रकार से हिस्सा बनने की, चलो 10,000 लोग हैं तो मैं 10,000 एक वहीं सही तो कम से कम गुरुदेव कम से कम ये तो रजिस्टर कर लेंगे ना देख इस परिक्रमा में योगदान देने के लिए ये आया मैं। प्रभु जी अभी भी जैसे अभी बड़ी वो चल रही है कि पता नहीं होगी नहीं होगी, मैंने कहा देखो भाई गुरुदेव की परिक्रमा है और हमें पता है कि आज तक उसको कोई चीज भी नहीं रोक पाई है, चाहे वो इंद्र का प्रकोप हो चाहे वो किसी भी चीज का हो चाहे वो मठ पॉलिटिक्स हो कुछ भी चीज हो, तो मैंने कहा ये छोटी सी चीज नहीं रोक पाएगी, पिछले साल भी बड़े सुंदर से बड़े अच्छे से परिक्रमा हुई इस साल भी होगी और उसी भावना से चलो भाई इस साल भी हम जाएंगे परिक्रमा में चिला गुरुदेव की महाप्रभु की कृपा लेने के लिए हमें तो जाना ही जाना। बहुत सुंदर बहुत समय हो गया, समय तो हो गया कोई बात नहीं समय तो होता ही है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सुन के। और दीदी ने कहा कि आपके घर में भी विरोध है बाहर भी विरोध है मंदिर में भी विरोध है, पता नहीं कहाँ कहाँ विरोध है, मैं तो जानता नहीं इस बात को, मैं इस विरोध को किस है इस विरोध विरोध देखो प्रभु जी देखो विरोध नहीं मैं इसके बारे में विरोध करने बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक चीज बताऊंगा प्रभु जी, मैंने ना मैं सोचा पहले एक बार को कई बार कि ये विरोध है क्या, थोड़ा सा तोड़ देता है डीमोटिवेट करता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ होगा भी सही लाइफ में या नहीं, परंतु पता है प्रभु जी स्वयं का अनुभव है और ये वैष्णवों की कथा को सुनते सुनते, ठीक है चाहे वो परमेश्वरी प्रभु हो चाहे हमने मैंने इन बुधायन महाराज जी का संग किया हो चाहे वन महाराज जी से कथा सुनी, तीर्थ पता प्रभु जी एक बार तीर्थ महाराज जी से ना मैंने प्रश्न कर लिया, मैं तीर्थ महाराज जी समय ज्यादा हो गया थोड़ा सा 5 मिनट में बताएं फटाफट। हाँ ठीक है प्रभु जी तीर्थ महाराज कहानी पे चलती रहेंगे सर 11-12 सीधा प्रश्न बता रहा हूँ, सीधा तीर्थ महाराज जी के पास गया सीधा एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक समय ऐसा आया आपके जीवन में कि सब आपके विरोध में खड़े थे, आपके गुरु भाई तक भी पुराने पुराने जो आपके भाई हैं वो तक आपके विरोध में खड़े थे, हमें तो ऐसा लग रहा था सामने से ट्रेन आ रही है और पटरी के बीच में खड़े हो हाथ ऐसे रख के कि रोक लूंगा इस ट्रेन को, हमें तो सिचुएशन ऐसी लगती है, ऐसा क्या था जिस फोर्स ने या जिस शक्ति ने आपको बचा लिया या उस शक्ति के भरोसे आप खड़े थे, मुझे भी बता दो महाराज जी मेरी हालत बहुत खराब है मैं भी खड़ा होऊंगा। महाराज जी ने कहा कहते बस पता क्या है, कहते एक ही आवाज आई शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की आवाज,
कहते एक वही आवाज थी, वही आवाज घर से लेकर आया मुझे, वही आवाज मठ में रखे हुए मुझे, और उसी आवाज ने मुझे उस दिन भी खड़ा रखा कि तू डरता क्यों है, एक मैं तेरे साथ हूँ। पूरी दुनिया भी तेरे विरोध में होगी ना, एक मैं तेरे साथ में हूँ। तो मुझे बोले, ऐसे हाथ रख दिया कंधे पे, रोहिणी नंदन प्रभु वो हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ है। पता है प्रभु जी, वो इतनी एनर्जी आई ना उस टाइम पे, बस मैंने सोच लिया अब कुछ हो ना हो गुरुदेव मेरे साथ है। तो वही कैसे अनुभूति हो रही, गुरुदेव मेरे साथ है, प्रभु जी सुनने को मिल रहा है गुरुदेव के लिए। वैष्णवों के बारे में अच्छे से, मतलब वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव गुरुवर्गों के बारे में सुनने को मिल रहा है, गुरुदेव का हाथ, गुरुदेव का ग्रंथ जिस जिसके हाथ में भी है ना, चाहे वो किसी भी बहाने से होगा, वो कृपा ही नहीं है तो क्या है? इसका मतलब गुरुदेव मेरे साथ है। हरिनाम जो गुरुदेव ने दिया है कैसे कैसे कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या गुरुदेव साथ नहीं है, गुरुदेव साथ है। तो विरोध तो प्रभु जी उन्होंने, फिर ये बात समझ में आई वैष्णव ने कि ये जो विरोध है, ये जो निंदा है, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का साधन तुम्हें वो चीज नहीं दे सकता जो कुछ समय का विरोध, कुछ समय की निंदा, समय की विपरीत परिस्थितियां जो तुम्हें दे के जाएंगी ना, तुम उसे बाद में याद करोगे। प्रभु जी सच्ची में इतना गुरूर था मेरे अंदर, इतना अहंकार था, इतना ईगो था जब मैं नया नया आया, पर मुझे अब ऐसा लगता कि अगर वो विपरीत परिस्थितियां वो नहीं आती तो मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज जिनको गुरुदेव को स्मरण कर सकता हूँ या गुरुदेव को उस भाव से प्रार्थना करने की चेष्टा करता हूँ, वो कभी नहीं आती मेरे अंदर। तो ये जो विरोध है, ये जो निंदा है, ये परचर्चा है, जो कर रहा है करने दो भाई। मैंने आपको भी कुछ दिन कहा था, मैंने कहा ये चीज तो मुझे वरदान लगी कि वाकई में गुरुदेव की विशेष कृपा है कि अगर सेवा करते हुए भी विरोध मिल रहा है, सेवा करते हुए भी निंदा मिल रही है, तो इसका मतलब सोच लो आप उनके ऑपरेशन थिएटर में लेटे हो कि बेटा तेरा ये वाला तो वो जो चीज है ना, ये तो मैं इस जन्म में निकालूंगा, तुझे आगे के लिए नहीं छोड़ना आगे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, श्रीधर महाराज जी भी ऐसा ऐसा मोटिवेशन देते हैं, कहते हैं प्रभु क्या है, कुछ नहीं है, जो सहे सो रहे, ये हमने गुरुदेव से सीखा है। तो आप समझ में आता है कि मैं तो यहाँ स्वभजन करने तो आया हूँ, अपना भजन करने आया, मुझे किसी दूसरे से क्या लेना देना, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो चाहिए ही नहीं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो चाहिए नहीं। तो भाई ये निंदा मिल रही है, ये मिल रही है, बहुत अच्छा है, ये तो अब समझ में आया है कि ये चीज होती रहे ना, तो समझ लेना इसका मतलब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है, इसका मतलब गुरुवर्ग मुझ पे विशेष कृपा कर रहे हैं। मैं तो आज की डेट में इसको ये मान के चलता हूँ, विरोध ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु कहते थे, याद रखना अगर तुम पे 4 सीसीटी कैमरे लग गए ना कि तुम्हें कोई देख रहा है, तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे पे 1 सीसीटी कैमरा लग गया, तुमने वहां कुछ बोला तुम्हारे पे सीसीटी कैमरा लग गया, तो बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी बहाने तू और बच बच के चलेगा, और अच्छे से चलेगा, तो क्या होगा, तू अपना ही भजन ठीक करेगा ना, जिनको ईर्ष्या करनी जिसको जो करना है करते रहो। मुझे नहीं पता क्या विरोध हो रहा है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। नहीं नहीं प्रभु जी, विरोध नहीं, एक नहीं, ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा और दीदी ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था, कि आपने दीदी ने कहा कि घर में विरोध, यहाँ विरोध, वहां विरोध, लेकिन मैं तो आपका बहुत ऋणी हूँ पर्सनली। इसलिए ऋणी हूँ क्योंकि आपने गुरुदेव को जब लिफ्ट से निकाला तो मैंने आपका उत्साह देखा था, और मैंने आपका जो देखा था जो उत्साह, वो आपके कितना भी हजार विरोध हो जाए, वो चीज आप जिस तरह से आपने गुरुदेव को निकाला था, जिस तरह से आप लड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हाँ सब यहाँ से हटो, मैं अकेले निकाल दूंगा, क्योंकि मैं दूर था, समय पास नहीं था, मैं अचानक से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपका अकेले वाली बात नहीं थी उस समय ना, पता नहीं, लेकिन भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जिस तरह से आप आवेश में थे और फिर वो काफी देर तक गुरुदेव अंदर रहे और लोग सोच रहे, चिल्ला तो सब रहे थे, लेकिन आप कहाँ से जाके वो डंडा उठा के लाए पीछे से जाके, और फिर उसको बीच में वो डंडा नहीं आता, शायद लिफ्ट खुलती नहीं वो, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल थी उसको खोलना। बहुत प्रभु जी हमें पता है वो लिफ्ट हमने कैसे खोली थी, तो मतलब, और गुरुदेव को फिर बाहर से निकाला। तो ये देखो भैया, गुण तो बहुत हो सकते हैं आपके अंदर, लेकिन गुरु निष्ठा नहीं है तो गुण सब बेकार है, और अगर सिर्फ गुरु निष्ठा है तो सारे अवगुण भी गुण बन जाएंगे, समय की बात है। अगर है, मैं प्रभु जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, ये
मेरे को तो प्रभु जी में कोई भी अवगुण मैंने तो देखे नहीं आज तक, ना मैंने इनकी कोई बात सुनी, ना मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को सभी वैष्णव बहुत अच्छे लगते हैं, प्रभु जी तो ही अच्छे। बस प्रभु जी गुरु निष्ठा ही नहीं है, लेकिन ये गुरु निष्ठा तो आपकी इस बात से नजर मैंने उसने देख ली थी जब आपने डंडा लेके आए थे, और गुरु के प्रति निष्ठा होना बहुत बड़ी बात है, भजन में यही मुख्य गुण है, बाकी कोई गुण की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कहेंगे वैल्यू नहीं हर चीज की, लेकिन गुरु निष्ठा के आगे सब फीका है। वो गुरु जो है ना बहुत बड़ी बहुत बृहद चीज है, सारे गुण ऐसे चुटकी मार के दे सकते हैं आपको और ले भी सकते हैं। गुरुदेव जो है कोई साधारण चीज नहीं है, और जो व्यक्ति जान गया गुरु जी की महिमा, जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि इतने सारे चारों तरफ से पूज्य पाती, महाराज जी ने कहा आपके इतनी चारों तरफ से लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, क्या कैसे रुके हुए, जैसे गुरु जी के शरणागत होकर रुके हुए। तो जो गुरु के शरणागत है वो कहीं भी रुक सकता है, कुछ भी सहन कर सकता है, कुछ भी पार कर सकता है, वो कितनी भी जलती हुई धूप क्यों ना हो, रोड कितनी गर्म क्यों ना हो, डोले को ले जा सकता है आगे तक, क्योंकि गुरुदेव के सहारे टिका हुआ है। देख भाई गुरुदेव बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, जिसने उनको जाना है वो पार लग गए, जिसने नहीं जाना है वो चीज छोटी छोटी चीज देखते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में जीवन अपना गंवाए हैं। प्रकार आप सब लोग आशीर्वाद करो, आप लोगों ने बहुत संग किया है, हम तो नए नए बच्चे हैं। नहीं प्रभु, इसमें नया पुराना कुछ भी नहीं है, इसमें जिसको गुरुदेव के प्रति उत्साह आ गया, गुरुदेव के प्रति जो अपने आप को समर्पित कर दिया जिसने, और जिसने गुरुदेव के प्रति सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वही प्यारा है, खत्म। नया पुराना कुछ नहीं, इसका नया पुराना ऊंचा नीचा ये सब क्या है, जो गुरुदेव के जिसके प्राण गुरुदेव के लिए चल रहे हैं वो गुरुदेव का है, सीधी सी बात, और गुरुदेव उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरुदेव के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो रेसिप्रोकल, अगर आप दूर दूर रहोगे तो गुरुदेव तो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप उनको रास्ता दोगे, अपने समर्पण का रास्ता जब उनको देंगे, हम उनके प्रति समर्पित होंगे, गुरु निष्ठा हमारी होगी, फिर तो गुरुदेव सब कुछ हमें दे देंगे। और प्रभु जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, गुरुदेव बस वो गुरु निष्ठा आए कैसे, गुरुदेव के प्रति वो प्रीति हो कैसे। प्रभु जी गुरु निष्ठा तो जिनके पास गुरु निष्ठा उनके साथ रहने से सब कुछ आ जाता है। आप देख लो जिसके पास गुरु निष्ठा आपको नजर आती है उसके पास बैठ जाओ जाके, अपने आप असेसमेंट करो, आपको इतने सारे गुरु जी के शिष्य, बड़े बड़े शिष्य हैं, एक से एक बढ़कर इसी प्रोग्राम पे इतने लोग आ गए। मैं तो क्या प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ इसी कार्यक्रम पे इतने गुरु जी के शिष्य आ गए, इतनी बड़ी बड़ी गुरु निष्ठा के साथ, और सबकी अद्भुत गुरु निष्ठा मैंने देखी, बहुत अनेक लोग देखे, बल्कि मैं तो कहूंगा सारे के सारे इतने अच्छा लगा देख के, आज आपको भी देख के बड़ा अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें मेरे को कहने को थी लेकिन मेरे को लगता समय नहीं है, इसलिए शायद मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मुख्य बात ये कि गुरु निष्ठा होनी चाहिए। गुरु निष्ठा करना प्रभु जी, कोई बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो या कुछ भी हो, नहीं बुरी तो किसी कुछ लगा कुछ बोल जाता हूँ, कुछ भी कह जाता हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद भी नहीं सच्ची, मैं तो मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, बस प्रार्थना यही रखूंगा आप लोग बस कृपा करें। हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर रखा है, आप देख सकते हैं क्या बोला था आपने। गुरुदेव की वैष्णव की रिकॉर्डिंग नहीं सुनता, अपनी सुनूंगा। नहीं आपकी नहीं है, ये गुरु की महिमा है, उनके शिष्यों की महिमा भी गुरु की महिमा होती है, क्योंकि उनके शिष्य हैं, तो किस तरह से शिष्य अपनी तड़प से कैसे सब गुरुदेव का, अगर गुरुदेव ने नहीं किया होता ना कुछ भी, गुरुदेव ने कुछ नहीं किया होता ना प्रभु जी, कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता, मैं वही संसार में पड़ा होता, वही क्लब क्लब कहीं कहीं, क्योंकि सारा दिमाग वही था इंजीनियरिंग करते वक्त, तो ठीक है थोड़ा बहुत ये था कि ये संसार है ये वो है, पर दिमाग में ये लगता था ये इस देश में कुछ नहीं रखा, विदेश जाएंगे भाई, सीनियर्स हमारे सारे जो सुपर सुपर सीनियर थे कुछ विदेश में सेटल हो रहे थे, बस हम सोचते थे इनसे भी किसी तरीके से बना के रखूं, कुछ हमारी ब्रांच में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके विदेश में रिश्तेदार थे, तो मैं उनको बोलता था, मैंने कहा यार मैं तो गरीब बच्चा हूँ, मेरे पिताजी तो आर्मी में है, बस किसी तरीके से मुझे इंजीनियर बना दिया, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद करूंगा क्या, हम मेरी जॉब भी नहीं लगवा सकते यार, तुम मुझे विदेश, तू चला जाएगा विदेश, मुझे पक्का बुला लियो यार, कम से कम कुछ मेरी लाइफ बन जाएगी, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा, इस देश को दोबारा नहीं देखूंगा। पर इस देश की महिमा क्या है, तो विदेश तो आप जाओगे प्रभु जी जरूर। अरे नहीं प्रभु जी, उस धाम में जाओगे जो यहाँ से यहाँ के लिए विदेशी है, वो सबको विदेश जाने का वीजा दे रखा, चिंता ना करें। वो तो असली देश है हमारा, वो तो
यहाँ के लिए इस माया संसार के लिए तो विदेश से वहां असली देश तो वही है, हम विदेश में बैठे हैं एक्चुअली। क्या कह रहे हैं बोल दीजिए, कह रहे हैं अरे कितना बोलेंगे, 10:15 हो गए। चलो आप लोग बोल रहे हैं, 2-4 बात तो बोल देता ठीक है। प्रभु जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और इन्होंने जो शुरू किया था मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने हाथ ऊपर करके ठाकुर जी को पुकारा, और वहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ कि अब आप ही कुछ करो, बचाओ। ऐसा सरेंडर जब हम करेंगे तब हमारे कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़े ऑनेस्टली उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई चीज छुपाई नहीं, जैसा है वैसे उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने वैष्णव के बारे में बताया कि वो अपना सुना रहे थे, मैं अपना सुना रहा था। तो ये ऐसी हमारी स्टेट होती है शुरू शुरू में, हम सुनना कम सुनाना ज्यादा चाहते हैं। सुनने का बहुत बड़ा गुण है, सुनाने से बहुत ज्यादा, कई गुणा ज्यादा गुण सुनने का है एक्चुअली। जो व्यक्ति सुन सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हमारी ऐसी होती है कि हमारा साधारण संसार में भी हम देखें तो कन्वर्सेशन नहीं होता हमारा आपस में, हम अपनी अपनी बातें सुनाते, सुनते नहीं उसकी वो क्या कह रहा है। अगर आप किस कई बार इसको ध्यान से सुनना, आप कभी दो स्त्रियां बात कर रही होंगी या दो लोग बात कर रहे होंगे तो उसको ध्यान से सुनना कि क्या कहा जा रहा है। तो वो अपनी बात कह रहा होगा, वो अपनी कह रहा होगा, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है वो किसी और चीज की बात करते हैं, वो किसी और चीज ही करते हैं और उनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो बोलते रहते हैं और उसको ये भी नहीं कि सुन भी नहीं रहा मेरी, और किसी को भी नहीं, बस सुनाना होता है। तो ये हमारी ऐसी ऐसी हमारी आदत होती है, हम ऐसे कंडीशन है। लेकिन वैष्णव के संग करते करते धीरे धीरे ये चीज बदल जाती है। तो अगर हमारे पास भी ऐसी आदत है, हम अपने आप को टटोल के देखें तो ऐसा हम ना करें। स्पेशली जब हम सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, गुरु वैष्णव के पास जाते हैं, तो उनके पास सुनना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव है, बहुत कुछ वो हमें बता सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जूनियर के पास जाएं तो भी सुनना चाहिए, उनके पास ही अनुभव होता है, अलग तरह का अनुभव होता है। आपका अनुभव भी है लेकिन उनका अलग अलग तरह का हो सकता है, उनकी उनकी परेशानियाँ, उनकी दिक्कतें, उनकी उनके संघर्ष अलग हो सकते हैं आपसे, आपके संघर्ष, हर एक का जीवन अलग है। तो हर एक के जीवन में बहुत सुंदर सुंदर सीख होती है जो हम सीख सकते हैं। तो यहाँ से ये, और उसके बाद इन्होंने भगवत पत्रिका की बात की, जहाँ से कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा। गुरुदेव के पहली मीटिंग बड़ा अच्छा इन्होंने डिस्क्राइब किया। मैं तो, आप प्रभु जी ड्रामा वगैरह भी करते थे क्या गुरुदेव के सामने, किया आपने एक तो ड्रामा? हाँ प्रभु जी, एक ड्रामा किया। आपकी बातों से मेरे को पता चल गया जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे थे गुरुदेव को, बता रहे थे जिस तरह से लोगों को आप बता रहे थे, मुझे पक्का लगा कि यार एक्टिंग अच्छा करते हो। प्रभु जी ड्रामा किया था, मधुमंगल बना था, उसी की वजह से माधव महाराज आज तक लड्डू खिलाते हैं मुझे नहीं आपका जो टैलेंट है मैंने देखा, आप डिस्क्राइब और आवाज को रिपीट करना, पहचानना अच्छा से बता रहे। तो आई कॉन्टेक्ट इन्होंने बताया, गुरुदेव के साथ आई कॉन्टेक्ट हुआ, कुछ स्कैनर सा स्कैन कर गया ऐसा इनको लगा, मैंने देखा कि देखता ही रह गया। और बलराम प्रभु की इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा, जो आपको भजन में आगे बढ़ाए उसको अवश्य ही क्रेडिट देना चाहिए, जैसे रमा दीदी दे रही थी प्रभु जी को, प्रभु जी दे रहे थे बलराम जी को, ऐसा ही होना चाहिए, जो हमको आगे ले जाता है। वो आज भी फोन, वो जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे अभी महाराज जी का संग कर रहा था, वहां था मायापुर में, तू सही आ गया, ढंग से करियो सेवा करनी है ये। मैंने कहा प्रभु जी आप ना वही रहोगे आप जो डिस्क्राइब करते ना एक्टिंग करके, एकदम ऐसा लगता है बलराम प्रभु सामने खड़े हो गए बिल्कुल वो आज भी ऐसे ही है। मैंने कहा प्रभु जी आप 50+ हो जाओगे, बोलता है अरे ये ले जाओ, इसमें गुरु जी का ये, इसमें वो। प्रभु जी लिफ्ट के टाइम पे ना, मैं एक बात सॉरी लंबा कर दिया, लिफ्ट जब तोड़ दी थी ना रात को, वो हमारे पास आए एक दिन पहले, उन्होंने कहा था ये लूले लंगड़े बलराम के सर पे बैठ गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे कुछ काम बोला था, मैंने मना कर दिया, वैसुदेव प्रभु को बोल दिया, वो ऐसे प्रभु जी स्टंट डाला हुआ, मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु जी। बस उस दिन रात को हमारे मुंह से ये निकला, प्रभु जी लूले लंगड़ों ने कुछ तो करा। प्रभु जी चिपट चिपट के रोए 15-20 मिनट, वो केवल रोए, कहते गुरुदेव है भाई हमारा प्राण गुरुदेव है। वो आज भी जब उनसे मिलता हूं ना, वो प्रभु जी हाथ पकड़ के बस इसी बात को रोते, रोहिणी हमारा बस एक ही धन गुरुदेव, बस एक धन गुरुदेव। उनकी भी गुरु निष्ठा में देखिए बहुत अच्छी बोल रहा है प्रभु की। प्रभु जी वहीं से इंजेक्ट हुई थी यहाँ पे, शुरू में वहीं से इंजेक्ट हुई। मैं देखा, मैंने कहा कोई शिष्य आधा आधा पौना पौना एक एक घंटा रोए जा रहा है, बोले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे। उस बुकशॉप में बैठे बैठे रोते रहते थे, हमें बताते रहते थे। मुझे 11:30 बज रहे हैं रात के, उनको पता है इसको 20-22 किलोमीटर अभी दूर जाना है बाइक चला के।
पर फिर भी मैं भी बस वो रो रहे हैं गुरुदेव के बारे में, तो ये लगता था कि क्या है वो, मैं वही सोचता था ऐसे कैसे गुरुदेव है भाई, मैंने नहीं देखा किसी किसी शिष्य को ऐसा होते हुए। तो ठीक है, लिफ्ट के समय बलराम प्रभु के चित्कार दिखने वाले थे जी भाई। जिसको गुरुदेव के प्रति आत्मीयता होगी उसी की चित्कार निकलेगी, उसी को प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको अपने बच्चों के लिए निकलती है चित्कार देख के, कहीं उनको मुसीबत में पड़ते हैं तो जिसको गुरु जी के प्रति होगा उनके लिए निकलेगी और वो सब कुछ करेंगे। तो कहने को तो बहुत कुछ है प्रभु जी, लेकिन समय हो गया। समय की मर्यादा तो कब से निकल गई बाहर। माफ करना प्रभु जी उस चीज, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि मेरी रजिस्ट्री है कि नहीं, आपकी रजिस्ट्री पक्का है, इसकी आप चिंता ना करें। हम सब की रजिस्ट्री है, जिसको गुरुदेव ने दीक्षा दी उन सब की रजिस्ट्री बड़ी अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है गुरुदेव की डायरी में, और कोई भी इस बात की चिंता ना करें हमारी रजिस्ट्री है कि नहीं। हाँ, हमें कौन से वैष्णव कैसे संग करना है, सेवा करनी है वैष्णव की, ये हमें देखें हम इसको फटाफट जल्दी से करें। खाली ये ना सोचें कि गुरुदेव क्या करेंगे, अब हमें हमारा करने की बारी है। गुरुदेव तो बहुत कुछ है हमारे, बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ छोड़ गए, बहुत कुछ दिखा गए, लेकिन हम लोग काम करेंगे। है गए नहीं है, हाँ वो तो है सर, सर हमेशा ही है, अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, अभी भी दिया उन्होंने, अभी दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और आगे भी देते रहेंगे हर समय। बिल्कुल प्रभु जी, वो बैठे हैं वो तो बिल्कुल, बहुत डर प्रभु जी, मैं सच्ची बात बताऊं, कभी कभी गुरुदेव के कमरे में जाते हुए बहुत डर लगता है, रात के टाइम पे स्पेशली, अकेले जाने का मन नहीं करता। मैं तो देखता हूँ पहले कोई है तो ठीक है, वो प्रभु जी सामने से एकदम से आके पूछ ले एकदम, तू इधर आ, तू इधर आ, तू क्या क्या कर रहा है, तेरे को मेरे को पता है तू, ठीक है दूसरे को नहीं बता सकता, तेरे को मैं जानता हूँ, मैं क्या बोलूंगा। इसलिए डरता हूँ अभी भी कमरे में, क्योंकि वो है इसलिए डरता हूँ, वो डरता है इसलिए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम और आपने अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा किया बड़े ऑनेस्टली, और सब कुछ हमें बताया, और आपका जीवन जो है इसी तरह से गुरु जी की प्रेरणा से आगे बढ़ता रहे, भजन में आप आगे अलग अलग अनुभव करते रहो, जो भी आपको विरोध लग रहा है वो आपके भजन में आपको आगे बढ़ाए, बिना विरोध के भजन आगे नहीं बढ़ता। गंगा की धार में भी पत्थर आता है तो धार तेज हो जाती है उसके बाद, और अगर हम डैम बनाते हैं तो उसके बाद इतनी तेज हो जाती है कि उससे बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, उसको धार को रोकने से ही होती है, विरोध करना पड़ता है। तो उसको पॉजिटिव वे में लें, और आप ले भी रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और गुरु जी के अपनी भावना को बढ़ाते रहें और लोगों को भी इंस्पायर करते रहें, जैसे रमा दीदी को आपने किया और अनेक लोगों को किया जो मैं जानता भी नहीं हूँ शायद, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने बहुत लोगों को किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंस्पायर करना किसी को, किसी के जीवन को। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक व्यक्ति को भी अगर लगा दोगे भजन में तो बहुत कई कई अस्पताल बनाने से भी ज़्यादा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है। और ऐसे व्यक्ति को जो एकदम विरोधी है तो फिर कहना ही क्या, जैसे रमा जी के पिताजी वो बता रहे थे उनको भजन में लग गए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये साधारण लोग नहीं कर सकते जो उनके ऐसे गुरु हैं, जिनको ऐसी शक्ति प्राप्त है गुरु के कारण, जो समर्पित हैं, जिन्होंने कुछ छोड़ा है, जिन्होंने कुछ त्याग किया है जीवन में, है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री है सब कुछ है फिर भी कुछ त्याग तो किया है, बिना त्याग के कैसे। तो वो लोग उनके गुरुदेव कुछ शक्ति संचारित करते हैं, हमारी कोई कुछ इसमें है नहीं, गुरुदेव जिसके प्रति कर दें वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कहते हैं ना मुकम करोति वाचालम पंगुम नगहतगिरि, घूमे को बुलवा सकते हैं, लंगड़े को पहाड़ पार करा सकते हैं, उनका क्या है, उनकी मर्जी है, जिस पे मन आ गया जिसको पसंद आ गया करा दिया। परम स्वतंत्र है, जैसे भगवान परम स्वतंत्र है वैसे गुरुदेव भी परम स्वतंत्र, परम मुक्त और सब कुछ करने में सक्षम। तो ऐसे गुरुदेव के प्रति हमारा बारंबार प्रणाम है, ऐसे उनके शिष्यों के प्रति भी हमारा बारंबार प्रणाम है आप सभी को, और ऐसे उनकी स्मृतियों को भी हमारा बारंबार प्रणाम है जो कि हमको उनके भाव में डुबोई रखते हैं। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौर भक्त बंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि। हम लोग